Hey guys, welcome you all to an Academy CA Foundation YouTube channel. दोस्तों आज हम हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं CA Foundation June 2023 एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका डिटेल्ड रिवीजन करने वाले हैं हम आज इस एक वीडियो में. पूरा का पूरा यह चैप्टर कवर करेंगे. अगर आपने पहले यह चैप्टर कहीं से पढ़ा है तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं एक रिविजन के लिए. अगर आप ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड में रिवीजन करवाया है. तो सब लोगों के लिए क्लास है, जिनका भी एग्जाम CA फाउंडेशन June 23 में है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूँ कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको CA फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स BCA का पढ़ाता हूँ एंड आगे जाके CA इंटर लेवल पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा. दोस्तों अभी जो है अन अकेडमी पे रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है एंड 28th जनवरी लास्ट डेट है ये, राइट. मतलब अगर आप ये वीडियो 28th जनवरी 2023 के बाद देख रहे हैं तो तब ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा. सो 28th जनवरी लास्ट डेट है. आप 20% ऑफ आपको मिल सकता है अगर आप MB से कोड यूज़ करते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय. मैं आपको बता दूँ अगर आप 28th जनवरी के बाद लोगे तो भी आप MB से कोड यूज़ कर सकेंगे, लेकिन 20% ऑफ बाद में नहीं मिलेगा, राइट. सो 28th जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर दिस ऑफर. अभी जो है अन अकेडमी पे आप अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दोनों में सेम क्लासेस होती हैं लेकिन प्लस में आपको PDF नोट्स, पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे. आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स, चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग. तो ये क्या है, हमारा एक अन अकेडमी ऐप होता है जो आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर इंस्टॉल कर सकते हैं. वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस भी हमारी होती हैं लेकिन अगर हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ना है उसके लिए प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होता है. तो अभी हमारा मंजिल 2.0 बैच चल रहा है CA फाउंडेशन June 23 वाले बच्चों के लिए. 12th जनवरी को ही ये बैच स्टार्ट हुआ था. अभी भी समय है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. चारों सब्जेक्ट्स आपके बहुत ही डिटेल में इसमें कवर होने वाले हैं. सो यार काफ़ी मज़ा आ रहा है इस बैच में. आप जुड़ सकते हैं MB से कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है. तो यार आ जाइए, हमारे जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है June 23 एग्जाम के लिए 5 चैप्टर्स है. इसमें जो ये पहला चैप्टर है जिसका 9 से 12 मार्क का वेटेज है, ये चैप्टर इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं. बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है. इस वीडियो को पूरा देखें एंड अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है मुझसे पढ़ के, ठीक है. सो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो चैप्टर है बेटा उसका नाम है रोल ऑफ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना. तो सबसे पहले हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, हमारा ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये होता क्या है सबसे पहले आपको ये समझाया जाएगा चैप्टर नंबर 1 में. पहले तो बताएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या करते हैं. तो ये सारी चीजें हमारे चैप्टर 1 में, यूनिट 1 में होगी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है. देन यूनिट 2 आएगा जिसमें हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे एंड देन बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमीज की, जिसमें 3 तरह के इकोनॉमीज आएंगे बेटा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट. चलिए क्या सब लोग रेडी है मुझे बताइए जल्दी से, क्या सब लोग रेडी है मुझे बताइए. तो मैं स्टार्ट करता हूं सेशन. हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स. सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है. बोलते हैं कि यार इस दुनिया में जो भी ह्यूमन बींग्स है ना, आप और मैं ह्यूमन बींग्स जो है, हम सबके वॉन्ट्स कैसे होते हैं, वॉन्ट्स हम सबकी इच्छाएं कैसे होती हैं, अनलिमिटेड होती है ना. हमारे वॉन्ट्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड. सर ये अनलिमिटेड वॉन्ट्स होने का मतलब क्या होता है, है ना. बोलते हैं कि यार बचपन से सर हमको कैसा है, हम बचपन से हम जब स्कूल में जाते थे तब हम मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझे ना वो नया वाला पेंसिल चाहिए, है ना. पहले वो शाकला का बुम बुम करके आता था, है ना, सीरियल. तो मम्मी को बोलते थे, मम्मी बस ये शाकला का बुम बुम वाली पेंसिल ले दो, बस मैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे. जैसे ही वो पेंसिल मिल जाती है फिर हम बोलते हैं, मम्मी नया बैग खरीदना है स्कूल के लिए. फिर बैग आ जाती है, मम्मी नए जूते खरीदने हैं स्कूल के लिए. तो जूते आ जाते हैं, मम्मी नए कपड़े चाहिए. फिर कपड़े आ जाते हैं, मम्मी नई साइकिल चाहिए. समझ वाली बात है, हाँ. मतलब हमारे वॉन्ट्स कभी खत्म ही नहीं होते, अनलिमिटेड.
हाँ फिर साइकिल चाहिए उसके बाद जब बड़े होते हैं, मम्मी देखो कुछ नहीं मांगूंगा बस मोबाइल फोन दिला दो, सिर्फ मोबाइल फोन, हाँ बस सिर्फ मोबाइल फोन चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा पक्का, मोबाइल फोन मिल जाता है। मम्मी देखो अब बाहर घूमने जाना है तो टू व्हीलर तो लगेगी, अच्छा क्लासेस भी होती है ट्यूशन होती है, मैं कैसे जाऊँ, हाँ कैसे जाऊँ, टू व्हीलर तो चाहिए, तो टू व्हीलर आ जाती है। मम्मी देखो क्या है ना, अभी अनअकैडमी में क्लासेस देख रहा हूँ, तो यार वो ऐप जब ऐसे मोबाइल पे देखते हैं ना बहुत छोटा छोटा दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए बड़ा। मम्मी लैपटॉप लेके दे दो, समझ मारे बेटा हमारे जो वॉन्ट्स है कैसे बताइए, हाँ हमारे जो वॉन्ट्स है बेटा कैसे रहते बताइए, हमेशा अनलिमिटेड होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होते है ना, जैसे ही एक वॉन्ट पूरा होता है ना दूसरा वॉन्ट क्रॉप अप हो जाता है, क्या बोलते हैं क्रॉप अप, मतलब दूसरा वॉन्ट आ जाता है ना, तो वॉन्ट्स हमेशा ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमारे सारे वॉन्ट्स को एक साथ ही पूरे कर दें, सोच के देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम हमारे सारे वॉन्ट्स को एक साथ ही पूरा कर दें, ऐसा पॉसिबल है? बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि दुनिया में हमारे वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए हमें लगते हैं बेटा क्या बताइए, रिसोर्सेस, क्या लगते हैं रिसोर्सेस, ऐसी चीजें लगेंगी जिससे हम वॉन्ट्स को पूरा कर सकें। बोलते हैं हमारे वॉन्ट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो बस पहला कॉन्सेप्ट ही बेटा क्या है, बोलते हैं एज पर इकोनॉमिक्स वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, और इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हमें लगेंगे, जैसे कि अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो गाड़ी मेरी वॉन्ट है, उसको खरीदने के लिए मुझे क्या लगेगा, मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा, तो पैसा क्या होगा, एक टाइप का रिसोर्स होगा मेरे वॉन्ट को पूरा करने के लिए, समझ मारा है? हाँ तो बोलते हैं द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, और वॉन्ट्स को पूरा करने के जो रिसोर्सेस लगते हैं वो हमेशा वॉन्ट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं या स्केयर्स होते हैं, लिमिटेड या स्केयर्स या क्या बताइए, कम क्वांटिटी में होते हैं, है ना, तो यहाँ पे शब्द यूज होता है बेटा रिलेटिवली स्केयर्स, रिलेटिवली लिमिटेड। रिलेटिवली का मतलब क्या है ना, रिलेटिवली का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वॉन्ट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। अरे सर अंबानी की बात करो ना, सर अंबानी की, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। बेटा जो जितना ज्यादा अमीर होता है ना उसके वॉन्ट्स भी तो उस प्रकार के होंगे, ऐसा सोच के देखो। अरे यार अपने जो वॉन्ट्स होते हैं वो अपने इनकम के हिसाब से, अपने वेल्थ के हिसाब से होंगे, तो ऐसा नहीं है कि रिच आदमी को कभी रिसोर्स स्कैर्सिटी होगा ही नहीं। अरे बेटा ये जो रिसोर्स स्कैर्सिटी है सबको होता है, मतलब क्या, हमारे जो वॉन्ट्स होते हैं हमारे वॉन्ट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम हमारे सारे वॉन्ट्स को एक साथ पूरा कर दें, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम हमारे सारे वॉन्ट्स को एक साथ क्या बताइए, सारे वॉन्ट्स पूरे कर दे। तो क्या बोले, बोलते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम कि वॉन्ट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, एंड इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा करने के जो रिसोर्सेज है वो कैसे होते हैं, रिलेटिवली लिमिटेड या रिलेटिवली स्केर्स, कम होते हैं, है ना, तो ये एमसीक्यू आता है कि इकोनॉमिक्स में हम जब स्केर्सिटी की बात करते हैं तो स्केर्सिटी कैसी होती है, ऑप्शन ए रिलेटिवली स्केर्स, या ऑप्शन बी एब्सोल्यूट स्केयरसिटी, क्या बोलोगे, रिलेटिवली स्केयरसिटी, है ना। तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सर फिर हम क्या पढ़ेंगे, बोलते हैं इकोनॉमिक्स उस प्रोसेस की पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस कि कैसे हम हमारे इन लिमिटेड रिसोर्सेस से हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स को बेस्ट वे में पूरा कर सकते हैं, बस इस प्रोसेस की पढ़ाई को ही मैं इकोनॉमिक्स बोलता हूं। तो देखिए पढ़िए देखो क्या लिखा है, बोलते इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंप्यूटिंग अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी। क्या या समझ में आ रही बात, बताइए फास्ट गाइस कम ऑन, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त हम रिविजन अभी कर रहे हैं, इसके डिटेल सेशन हमने अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी ले लिए हैं, तो आप जो है डिटेल सेशंस के लिए वो देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वे में रिवीजन करेंगे, अगर किसने नहीं भी देखा होगा चैप्टर फिर भी उसे समझ में आएगा, एंड एमसीक्यूज भी उनको बता दूंगा, ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलते हैं कि जैसे ये जो रिसोर्स स्कैर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो रिसोर्स स्कैर्सिटी की बात कर रहे हैं ये बोलते हैं क्या बताइए, हाँ हमारे जो रिसोर्सेस क्या है, स्केर्स है,
तो हम हमारे स्केयर्स रिसोर्सेज से हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे बेस्ट वे में पूरा कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे बताइए, इकोनॉमिक्स। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। तो बोलते हैं कि देर आर टू फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, दो बेसिक फंडे, क्या बोला, टू फंडामेंटल फैक्ट्स, टू फंडामेंटल या दो बेसिक फंडे जिसके ऊपर ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बना हुआ है। वो दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है कि ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं और इन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस लगेंगे, हम रिसोर्सेस को बेटा मींस भी बोल सकते हैं, हम रिसोर्सेस को क्या बताइए, मींस भी बोल सकते हैं। तो बोलते हैं वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते हैं एंड इनको पूरा करने के जो रिसोर्सेस लगेंगे वो रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, है ना। यही दो बेसिक फंडे हैं जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बना हुआ है। बोलते हैं ये जो हमारे स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, इस चीज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। क्या बोलते हैं इस चीज को, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, है ना। बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है ना, ये हमेशा आजीवन होगी, तो वी आर फॉर एवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। अरे हमारे तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, लेकिन सारे वॉन्ट्स पूरे नहीं हो सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए मुझे चुनना पड़ता है, मुझे चुनना पड़ेगा कि पहले कौन से वॉन्ट को पूरा करूं और बाकी वॉन्ट्स को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो बोलते हैं वी कैनॉट हैव एवरीथिंग वी वॉन्ट विद द रिसोर्सेज वी हैव एंड देयरफॉर वी आर फॉरएवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। So therefore we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied, है ना? So हमारे जो resources scarce, इसे क्या बोलते हैं, problem of scarcity। बोलते हैं ये जो problem of scarcity है ना, ये हर individual को, हर व्यक्ति को, हर society में, हर country में ये problem होती है। क्या मुझे बताइए, क्या इंडिया जो कि एक country है, क्या इसमें भी resource scarcity का problem होगा? हाँ, अरे इंडिया में तो इतने सारे करोड़ों लोग रहते हैं, क्या सबकी इच्छा गवर्नमेंट एक झटके में पूरी कर सकता है क्या? सोच के देखो, हमारे इंडिया में क्या बताइए, फास्ट, हमारे इंडिया में दोस्तों जल्दी बताइए कि इतने सारे करोड़ों लोग हैं कि क्या हमारा गवर्नमेंट एक झटके में सबके वांट पूरे कर सकता है क्या? सोच के बताओ। नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, ये हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में लगती है। मतलब क्या यार, ये प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी घर घर की कहानी है। क्या है बताओ? घर घर की कहानी है। आपने देखा कि नहीं, बचपन में शो आता था घर घर की कहानी, है ना, कहानी घर घर की, कहानी घर घर की, है ना। बोलते इकोनॉमिक्स जो है ये कहानी घर घर की है। मतलब क्या? बोलते हैं कैसे हम हर घर घर में, क्या आपके भी घर में, सोच के देखो, आपकी मम्मी या पापा महीने के एंड में एक बजट बनाते होंगे कि यार अगले महीने कितना हमको, है ना, सैलरी से या कितनी इनकम आने वाली होगी और कहाँ कहाँ पे हम इसका खर्चा करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इनकम आने वाली होती है उससे ज्यादा खर्चा होने वाला होता है, तो फिर मम्मी या पापा सोचते चलो कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद वो खर्चा कर लेंगे। तो हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है ना, सारे वॉन्ट्स एक साथ पूरे नहीं होते हैं, तो कुछ वॉन्ट्स को चुनना पड़ेगा कि पहले कौन से इंपॉर्टेंट है वो पूरे करो, बाकी जो वॉन्ट्स थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है ना वो बाद में पूरे कर लेंगे, है ना। तो ये कहानी घर घर की होती है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इकोनॉमिक्स ये जो शब्द है ये डिराइव हुआ है बेटा ग्रीक भाषा से, है ना, ग्रीक लैंग्वेज है। उस ग्रीक लैंग्वेज में एक शब्द है बेटा ओइकोनोमिया। क्या शब्द है? ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है बताइए? ओइकोनोमिया का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस। सो बोलते हैं इकोनॉमिक्स ये एमसीक्यू आता है बेटा, है ना, ये एमसीक्यू आता है कि इकोनॉमिक्स ये जो शब्द है ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। अच्छा, इकोनॉमिक्स शब्द को हम और क्या बोल सकते हैं ग्रीक लैंग्वेज में? क्या बोल सकते हैं? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या है कि कैसे घर घर में हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, ना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये भी एमसीक्यू आता है सर। और क्या एमसीक्यू आता है यहाँ पे बताओ ना प्लीज सर, और क्या एमसीक्यू आता है? ये भी एमसीक्यू आता है कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी कौन सी कंट्री में
प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी नहीं होती, ये एमसीक्यू आएगा। आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। बेटा ऐसी कोई कंट्री होती ही नहीं, ऐसी कोई जगह होती ही नहीं जहां प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ना हो। प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी घर घर की कहानी, हर जगह ये प्रॉब्लम होती ही होती है। समझ में आ गया? तो इस एक पेज में ही मैंने आपको 4 से 5 एमसीक्यूज बता दिए। यस और मुझे बताइए फास्ट। यस गाइस, क्या बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी गुड। अब बच्चे कुछ चीज पूछ रहे हैं, एक बार क्विकली बता दूं उनको। कि बच्चे बोले सर, हाँ सर पूरा कोर्स यूट्यूब पे करा दो ना सर, है ना। तो बेटा यूट्यूब पे मैं आपको रिविजन्स वगैरह, मैराथॉन्स करवाऊंगा, एमसीक्यू सेशंस करवाऊंगा फ्री में। लेकिन अगर आप हमसे फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा ये एकाग्रता 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा कोर्स एकदम डिटेल्ड में चल रहा है, राइट। सो ये मेरा शेड्यूल है। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी, फुल नोट्स जो है वो भी किसको मिलते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाते हैं, ठीक है। चलो वापस आएंगे। यस चलो यार आ जाओ यहाँ पे जल्दी से। ओके सर, डन 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 डन, ठीक है। सो सर ये तो बात होगी, आगे बताइए। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म दी स्केर्स रिसोर्सेस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आर इनफाइनाइट वॉन्ट्स। क्या बोलते हैं? बोलते हैं इकोनॉमिक्स उस चीज की, उस प्रोसेस की पढ़ाई है कि कैसे हम सब लोग मिलके हमारे इस स्केर्स, हमारे इन लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करेंगे हमारे मोस्ट प्रेसिंग, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉन्ट है ना, उसको पहले पूरा करो। देखो हमारे वॉन्ट्स तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, तो सारे तो पूरे हो नहीं सकते। तो इसमें से जो मोस्ट प्रेसिंग, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉन्ट हो गए ना, पहले इनको पूरा करो क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है ना। तो कैसे हम हमारे इन स्केर्स रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे, बांटेंगे हमारे वॉन्ट्स में, जिससे हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉन्ट्स पहले हम पूरा कर सके, इस प्रोसेस की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बताइए फास्ट जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है गाइस? यस और नो? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? प्लीज 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 बोलेंगे जल्दी से। डन 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 डन। लेकिन बोलते हैं कि अभी ये इकोनॉमिक्स की पूरी डेफिनेशन नहीं, बोलते हैं अभी भी इस डेफिनेशन में दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने बाकी हैं। हैं सर वो क्या है? हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी ना, उस डेफिनेशन को देख के ऐसा लगता है कि हमारे रिसोर्सेस फिक्स्ड नेचर के हैं क्या? क्या हमारे जो रिसोर्सेस हैं दुनिया में, क्या वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं? हैं क्या वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं क्या? मतलब क्या जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या वो कभी चेंज नहीं हो सकते? क्या उनकी क्वांटिटी कभी बढ़ नहीं सकती क्या? बिल्कुल बढ़ सकती है। इसी के बारे में दूसरे हमारे सब पार्ट में दिया हुआ है ना। तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में टोटल 3 सब पार्ट है। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में टोटल 3 सब पार्ट है। पहले सब पार्ट में क्या बताता है कि इकोनॉमिक्स किस चीज से रिलेटेड है, इसका बेसिक क्या है। फिर दूसरे सब पार्ट में बताता है कि क्या हमारे रिसोर्सेस फिक्स्ड हैं? नहीं, हम यहाँ पे उन प्रोसेसेस की बातें भी करेंगे जिससे हमारे रिसोर्सेस कैसे बढ़ सकते हैं। हम रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना, रिसोर्सेस की क्या बोलो, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना, हम रिसोर्सेस को यूज करके क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, हमारे वॉन्ट को पूरा करेंगे। तो रिसोर्सेस की कैसे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बातें भी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो दूसरे सब पार्ट की बात करेंगे कि देखो मुझे बताइए कि हमारे इकोनॉमी में जो लेबरर्स हैं, लेबरर्स जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, है ना, क्या वो नंबर ऑफ पीपल फिक्स्ड रहेंगे क्या? नहीं। अरे हमारे कंट्री में पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो लेबर फोर्स भी तो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। यस और नो बताइए। हाँ, तो क्या हमारे रिसोर्सेस फिक्स्ड है? नहीं यार, हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनकी क्वांटिटी भी तो बढ़ सकती है। अच्छा, पहले के जमाने में हमारे पास ना लिमिटेड रॉ मेटल थे, कोई भी चीज को बना, जैसे शर्ट समझ लीजिए, शर्ट, अभी शर्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या बताइए, पहले के जमाने में सिर्फ क्लॉथ था, है ना, बेसिक कॉटन का क्लॉथ यूज करते थे शर्ट बनाने के लिए। लेकिन आजकल देखो बेटा, क्या आपको नहीं लगता ऐसे मल्टीपल अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल आ चुके हैं, है ना, अब अलग अलग कपड़े का शर्ट बनता है,
सिर्फ कॉटन का नहीं, अब तो अलग अलग कपड़े के शर्ट मिल जाते हैं। यस और बताइए, तो क्या न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मेटल हैव बीन डिस्कवर्ड? बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए जो रॉ मेटल है वो फिक्स्ड है। अरे दिन ब दिन हमें पता चलते जा रहा है कि हम और भी नए तरीके के रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं हमारे फिनिश गुड्स बनाने के लिए, है ना। अच्छा, पहले के जमाने में पुराने जमाने की मशीनरीज वगैरह यूज होती थी, क्या इसमें कुछ अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होगा क्या? क्या इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। बोलते हैं न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, मतलब मशीनरीज, फैक्ट्रीज, नए टाइप की मशीनरीज आते जा रही है दिन ब दिन, जिससे अब हम पहले के मुकाबले और ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस और बताइए, और यार सिर्फ क्वांटिटी की बात क्यों करते हो? क्या सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी है रिसोर्सेस की? अरे क्वालिटी भी तो इंप्रूव हुई है। पहले के जमाने में जो चीजें मिलती थी और आज के जमाने में जो चीजें मिलती हैं वो और ज्यादा एडवांस्ड होती है, और ज्यादा बेहतर क्वालिटी की चीजें आजकल आपको मिल जाती हैं और कम दामों में मिल जाती हैं। यस और बताइए। हाँ, और साथ ही साथ हमारे जो लेबरर्स है ना, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं हमारे कंट्री में, है ना, क्या हम ये भी हमारे एक टाइप का रिसोर्स है? क्या इनको हम यूज करके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं? ये सुनो, बताइए। बिल्कुल। तो बताइए, अगर हम हमारे लोगों को हमारे दुनिया में जो लोग हैं, अगर उनमें हम स्किल्स, उनको हम स्किल्स डेवलप करके दें, उनका अगर हम एजुकेशन करवा के दें, तो उनको भी अब बहुत, वो क्या बताइए, उनकी भी तो प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ेगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी भी तो बढ़ेगी, उनकी भी तो एबिलिटी बढ़ेगी। जब उनका काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा बेहतर और अच्छे गुड्स और ज्यादा गुड्स बना सकते हैं। यस और नो बताइए। हाँ, साथ ही साथ हमें न्यू काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पता चलता है। पहले के जमाने में हम कोयला यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए, बट आजकल बताइए हमें, हम क्या बताइए, वो पानी का भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रो हाइड्रो पावर से हम क्या कर सकते हैं बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम विंड मिल यूज कर सकते हैं, हवा के स्पीड से, है ना, हवा से हम क्या कर सकते हैं, विंड मिल्स घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, समझ पा रहे हैं? तो क्या एनर्जी क्रिएट करने के भी नए नए सोर्सेस पता चल रहे हैं? हाँ, ये सब चीजें किस चीज को इशारा कर रहा है? ये बता रहा है कि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड नहीं है, इनकी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, इनका प्रोडक्शन करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, इन सारे प्रोसेसेस के बारे में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या बात सुन मारी, बताइए फास्ट। यस और नो गाइस, क्या बात सुन मारी, क्या बोल रहा हूं, जल्दी बताइए यार, जल्दी 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 बताएंगे। यो गाइस, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो हमने अभी तक दो दो सब पार्ट पढ़ लिए। पहला सब पार्ट क्या था कि इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स द स्कैर्स रिसोर्सेस टू वेरियस यूजेस। दूसरा सब पार्ट क्या है डेफिनेशन का, कि इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेस इज इंक्रीज्ड। समझ में आ गया? तो ये दोनों हो गया। अब चलिए पार्ट थ्री की बात करते हैं। मुझे बताइए कि हमारे कंट्री में जब भी ग्रोथ होगा, है ना, जब भी, है ना, ग्रोथ होगा, मैं जब बोल रहा हूँ ग्रोथ होगा, इसका मतलब क्या है? हम कैसे मेजर करते हैं कि एक कंट्री ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है? कैसे मेजर करेंगे? सोच के देखो। आपने 11th 12th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, जीडीपी का, है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आपने पढ़ा होगा बेटा नेशनल इनकम के बारे में। सर क्या होता है ये जीडीपी? बोलते जीडीपी होता है कि आपके कंट्री में एक साल के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी टोटल में वैल्यू कितनी है। तो अगर आपके कंट्री की जीडीपी की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो हम बोलते हैं अरे वाह, तुम्हारे कंट्री में तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा ज्यादा बनते जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे कंट्री में ग्रोथ हो रही है। सो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बनने की जो वैल्यू है वो बढ़ते जाती है इकोनॉमी में, तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ होती है ना। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उतने गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे, उतना लोग क्या बताइए पैसा कमाएंगे। तो यही चीज नेशनल इनकम से रिलेटेड है कि नहीं? आपके कंट्री में एक साल में जितने भी लोग हैं टोटल में कितना इनकम कमाते हैं वो नेशनल इनकम बताता है।
तो नेशनल इनकम में जीडीपी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या बेटा ऐसा होगा क्या? सोच के देखना कि देखिए मैं ना एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है? सुनिए प्लीज ध्यान से सुनिए। मुझे बताइए कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जीडीपी और यहाँ पे लिख दिया टाइम, कि क्या टाइम के जैसे जैसे टाइम बीत रहा है क्या ऐसा होगा क्या कि जीडीपी दनादन 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 सिर्फ बढ़ते ही जाएंगी? क्या ऐसा होगा कि जीडीपी की वैल्यू बस बढ़ती ही जा रही है? ऐसा हो सकता है बताइए? क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? हाँ, कोई है ना, कोई उसमें रोक टोक नहीं, दनादन दनादन जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा हो सकता है क्या बताओ? नहीं। बोलते हैं बहुत बार ऐसा भी समय आता है कि कभी कभी जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है तो कभी कभी जीडीपी की वैल्यू गिरती भी है, कभी कभी बढ़ती है कभी गिर भी सकती है, फिर वापस से बढ़ेगी फिर वापस से गिरेगी। तो ये तो उतार चढ़ाव, जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम आजीवन बस खुश रहे, हम आजीवन बस हैप्पी रहे? ऐसा जरूर ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं सर, है ना, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वैसे ही हमारे इकोनॉमी में जो जीडीपी की वैल्यू है उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ऐसे उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? ऐसे उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? हैं? अच्छा, जब जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही होंगी ना तब हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज है ना वो ज्यादा यूज हो रहे होंगे, उनका यूसेज ज्यादा होगा। लेकिन जब जीडीपी की वैल्यू गिर रही होगी तब हमारे कंट्री में रिसोर्सेस का यूसेज कम होगा। है? तो रिसोर्सेस के यूसेज में जब ये चेंजेस आते हैं, रिसोर्सेस के यूसेज में ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ये क्यों आते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ाई इकोनॉमिक्स में करते हैं जो कि थर्ड सब पार्ट है। बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में उन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स में उन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं विच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। ये पढ़ेंगे बेटा हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है बेटा बिजनेस साइकल्स, कि क्यों ऐसा होता है इकोनॉमी में, क्यों जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है कभी कभी गिरती है फिर वापस बढ़ती है फिर वापस गिरती है, ऐसा क्यों होता है, इसकी बातें हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में करेंगे। समझ में आ रहा है? तो बस फुल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज हियर गाइस, कम ऑन जल्दी से देखेंगे। यस गाइस, कम ऑन। सो हाँ, सो आइए, फुल डेफिनेशन का इकोनॉमिक्स से पहला पार्ट क्या है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं कि कैसे एक कंट्री अपने नेशन के रिसोर्सेस को एलोकेट करती है टू वेरियस यूजेस, है ना, कैसे हम हमारे स्केस रिसोर्सेस को हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स में एलोकेट करेंगे बांटेंगे, पहला सब पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक्स में हम उन प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं जिससे हमारे रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सकती है ना। सो इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद द प्रोसेसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेस इज इंक्रीज्ड। एंड तीसरा सब पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद द फैक्टर्स जिनके वजह से देयर इज अ शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सच सच बताना बेटा, अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है पहले इकोनॉमिक्स, आपको ये फुल डेफिनेशन पता ही नहीं होगा। जनरली क्या होता है ना, यही वाला डेफिनेशन बच्चे पढ़ के जाते हैं, उनको फुल डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता। और मजे की बात है बेटा, ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, ये मैं कुछ बना के नहीं लाया हूं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। यस और बताइए? यस, चलिए ओके, क्या बात समझ में आ गई? ये सारी की सारी चीजें आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई है। ओके, चलो ध्यान दीजिए। हाँ चलो बेटा, ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं ये स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही है और बहुत बेहतर वे में मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया बस, ठीक है? तो सारी चीजें आपके स्टडी मटेरियल के इसमें कवर है। अब बात आती है बेटा अगली, प्लीज ध्यान देंगे। हाँ सर, इतना मस्त झेपड़ा है कि मैं सबको पढ़ा दूंगा बोल रहे हैं, चलो बढ़िया है ना। सर फाउंडेशन में 300 मार्क्स कैसे लाए? तो बेटा इसके लिए मैं अलग से सेशन रख दूंगा, ठीक है? यश, मैं रख दूंगा इसके लिए सेशन। प्लीज स्पैमिंग मत करें बेटा, प्लीज स्पैमिंग मत करें, मैं आपको बताऊंगा ना बाद में कि कैसे करेंगे, ठीक है? अभी हम रिविजन के लिए आए हैं, अभी जो मुद्दा है ना बेटा वो हमारा रिविजन है, चैप्टर 1 का रिविजन, तो हम यही करेंगे ना पहले,
जबरदस्ती इसमें आप कोई भलता डाउट पूछेंगे, कोई सेंस है क्या बताओ, कोई सेंस है इस चीज में, बोलो नहीं ना। तो अभी जो चीज चल रही है वो पढ़ते हैं ना। चलो अब अगली बात आती है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए। अगली बात आती है, सर मुझे एक बात बताओ सर, हमें तो मजा आ गया, हमको तो इकोनॉमिक्स क्या थोड़ा सा समझ में आ चुका है सर। अब बताओ सर कि अगर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो क्या इकोनॉमिक्स पढ़ के मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा क्या दुनिया की, है सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा? तो बोलते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सर। तो फिर इकोनॉमिक्स हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? बोलते हैं द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डेवलपिंग एन एनालिटिकल अप्रोच। अरे भाई साहब देखो मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर आपने पढ़ाई कर ली है ना तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, क्या इससे आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दोगे क्या? नहीं, जब भी दुनिया में जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएंगी तो उसके बारे में लॉजिकली कैसे सोचा जाए, लॉजिकली कैसे उसके लिए हम उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होता है। उसी प्रकार से आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप सारी दुनिया की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? नहीं, वरना तो अभी तक हो जाती ना है ना। पर हर इकोनॉमी में हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है ना। तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सही तरीके से लॉजिकली बेस्ट वे में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसकी पावर इसकी एबिलिटी हमारे पास आ जाती है। सो इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या बताइए, हमारा एक एनालिटिकल अप्रोच, हमारा लॉजिकल माइंड एनालिटिकल माइंड डेवलप होता है। एंड दूसरा क्या बताइए, हमें हमें पता चलता है कि अगर किसी एक वांट है ना, अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, जो कि होते ही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके ये समझ में आता है कि हम इसमें कैसे चुने, हम कैसे चुने कि कौन से वांट को पहले पूरा करना चाहिए, है ना। हमें हेल्प मिलेगी इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। सो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके हमको दो फायदा है। पहला क्या है कि हमारा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होता है। दूसरा क्या है कि हमारे सामने अगर मल्टीपल रास्ते हो किसी एक चीज को करने के लिए तो उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है वो चुनने में हमें हेल्प मिलेगा। अब बेटा एमसीक्यू आया था इसमें, जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में आया था, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसी होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या बताइए? हाँ प्लीज सुनिए ना बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लीज सुनो ना, आपको एमसीक्यू आया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसी होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसी होती है। तो बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ डैश नेचर एंड आर अफेक्टेड बाय डैश फोर्सेस, ऐसा एमसीक्यू आया था। तो क्या बोलूंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। बोलते हैं जो रियल लाइफ में इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। ऐसा नहीं होता कि चुटकी बजाकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। समझ पा रहे बातें? तो बोलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड दे आर अफेक्टेड बाय सेवरल फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस, बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। समझा? तो ये एमसीक्यू आया था कॉम्प्लेक्स एंड सेवरल के ऊपर। डन होगी बात? क्या बात डन हो गई क्या, बताइए फास्ट। चलो सौरभ दीप बोले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू यार। चलो डन हो गया, आगे बढ़े क्या? डन हो गया क्या, बोलो ना जल्दी से। ओके सर नेक्स्ट। फिर एक और एमसीक्यू आया था। अरे सर आप तो धनाधन एमसीक्यू पे एमसीक्यू बता रहे हो हैं। हाँ बोलते हैं कि क्या हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर डालेंगे क्या? क्या इकोनॉमिक्स पढ़ के, हाँ तेरा भाई तो एक तेरे भाई ने सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अब तेरा भाई पूरे दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसा हो सकता है क्या बताइए? ऐसा हो सकता है? नहीं यार, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर डालेंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएंगी तो अब इसके लिए सही तरीके से कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम उस प्रॉब्लम को एग्जामिन कर सकते हैं इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, सही नजरिए से, सही तरीके से कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं,
इसकी अबिलिटी आपके अंदर आ जाएंगी इकोनॉमिक्स को पढ़ के। सो इस पॉइंट पे एमसीक्यू आया था कि क्या, बताइए जल्दी से, कि इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या होता है, इट अनेबल्स अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। इस पॉइंट पे एमसीक्यू आया था, ठीक है आगे बढ़े। चलो सो श्रुति बोले सर गुड इवनिंग सर, मैं जून 22 की स्टूडेंट हूँ एंड आपके वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना एग्जाम गया था, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू यार, थैंक यू, अमेजिंग यार, ऑल द बेस्ट श्रुति, एंड ज़रूर आपके जब बताइए रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे साथ ज़रूर आपके मार्क्स शेयर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स को बेटा 19th सेंचुरी तक है ना, 19th सेंचुरी तक बेटा, ये भी मजे की बात है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ 1859 और मैं लिख रहा हूँ 1920, इन दोनों में से 19th सेंचुरी में क्या आएगा, चलो बताओ। 19th सेंचुरी में 1859 आएगा कि 1920 आएगा, यार बताओ कौन सा साल, कौन सा साल इसमें से 19th सेंचुरी में आएगा, बताओ। चलो ऑप्शन ए की भी जल्दी बताएंगे, हाँ इसमें से 18th है ना 19th सेंचुरी में कौन सा आएगा, बताइए फास्ट जल्दी से, है कौन सा आएगा, बोलो 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 जल्दी से। हाँ तो बच्चे क्या बोल रहे हैं चलो वेरी गुड, चलो अच्छी बात है यार, मैक्सिमम लोगों तो को तो पता है बेटा ये वाला साल आएगा 19th सेंचुरी में। अरे अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है 21st सेंचुरी, और अभी के ईयर क्या होते हैं 2021 2022 है ना। तो बेटा जो जैसे जो पहला फर्स्ट सेंचुरी होगा तो उसमें क्या होगा बताइए, 1 2 3 4 से चल रहा होगा ना तो मुझे बताइए जल्दी से, 19th सेंचुरी मतलब क्या 1859 है ना, 20th सेंचुरी मतलब क्या, तो होगा 1920 1950, वो 20th सेंचुरी होता है। चलो जान दो वापस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे कि 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये एमसीक्यू आता है कि हम इकोनॉमिक्स को 19th सेंचुरी तक क्या बोलते थे, हम इकोनॉमिक्स को 19th सेंचुरी तक क्या बोलते थे, ये एमसीक्यू आता है बेटा, हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, क्या बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, समझ में आ रही बातें, बताइए क्या बातें समझ में आ रही, ये सुनो बताइए, ये एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा कि इकोनॉमिक्स के पापा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये एमसीक्यू आता है, क्या बोलेंगे बताइए, एडम स्मिथ है ना, तो एडम स्मिथ भाई साहब जो बेटा ये है बेटा हमारे कौन बताइए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है ये बताओ, बोलो 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 जल्दी से, कौन है ये, कौन है ये बोलो ना, ये है बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रहेगा है ना। सर आपके इसके पहले के जो भी लेक्चर्स, जो फ्री लेक्चर्स बेटा लेता हूँ ना, वो आपको मिलते हैं bit.ly/mbsmartacademy, इस लिंक को टाइप करना कोई भी ब्राउजर पे, तो आप इसमें सी ए फाउंडेशन के टाइप में जाके मैं जो क्लासेस लेता हूँ फ्री में उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो वापस आएंगे, सो मुझे बताइए जल्दी से कि एडम स्मिथ है ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट, इन्होंने बेटा एक बुक लिखी थी जिसका नाम है क्या बताइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक किसने लिखी थी, ये एमसीक्यू आ सकता है, राइट, इसको हम शॉर्ट में, इस बुक को हम शॉर्ट में बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस है ना, तो किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स किसको माना जाता है, तो ये जो एडम स्मिथ ने जो ये बुक लिखी थी ना, इसको ही माना जाता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो सबसे पहली बुक, ऐसा आप समझिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस, समझ में आ गया, डन 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 बताओ जल्दी से है ना, डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है बेटा, हाँ अब बात आती है कि इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ ना कुछ है ना एक गलत काम कर दिया है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट हमारा ही है, अगर वो कोई हमारे साथ कोई काम करते हो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तो आपके लिए बैठे ही आपको हेल्प करने के लिए। अब क्या था ना बेटा कि CA एग्जाम्स में CA फाउंडेशन के पहले हुआ करता था बेटा CPT, क्या हुआ करता था CA फाउंडेशन के पहले CPT हुआ करता था है ना, यस और नो,
और सीपीटी के अंदर हुआ करता था बेटा सब्जेक्ट का नाम जनरल इकोनॉमिक्स, क्या नाम था, जनरल इकोनॉमिक्स। और फिर जब मई 2018 से पहला एग्जाम चालू हुआ बेटा सीए फाउंडेशन का, तब इसमें नाम कर दिया सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स एंड बीसीक, है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीक है, और पहले क्या था जनरल इकोनॉमिक्स। अब पहले के जो सीपीटी में जो था ना चैप्टर, उसमें जो चैप्टर वन था वो यही चैप्टर था जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स की बेटा और भी ज्यादा डेफिनेशंस दी थी। मुझे बताइए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैसे बना होगा, क्या ऐसे हवा से बुक गिरी, उसमें हमने पढ़ा ओ हो अच्छा ये इकोनॉमिक ऐसा होता है क्या? नहीं, इतने सारे जो लोग आए थे बेटा हमारी दुनिया में, सब लोगों ने अपना अपना कुछ, सब लोगों ने मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया एंड उन्होंने कुछ थियोरीज बताई, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है वो बताया। सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। अब इसकी बातें हमारे सीपीटी में हुआ करती थी, सीए फाउंडेशन की बुक में इसकी बारे में बातें लिखा ही नहीं है, बट सीए फाउंडेशन में जब मॉक टेस्ट पेपर आप चेक करते हैं, जब एग्जाम क्वेश्चन आप चेक करते हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला चलो ठीक है अगर इंस्टीट्यूट को पूछना है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ बच्चों को समरी, हैं मैं बच्चों को समरी दे देता हूँ, ये सुन बताइए जल्दी से, है ना, मैं बच्चों को समरी दे देता हूँ, है ना। तो अब ध्यान देंगे, हाँ तो क्या बताइए, तो मैंने जो है ना मैंने समरी बना दी एंड मैंने बोला ये लो भैया, मैंने समरी बना दी, मैंने बोला ये लो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अब इसमें याद क्या रखना है वो बस सुन लीजिए, बात खत्म। अरे भैया याद क्या रखना है वो सुन लीजिए, है ना सर, एक बार ओहो बोल दो, बोलेंगे बोलेंगे, है ना सर, आपने मुझे पहचाना क्या, है ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूं कौन, है ना। चल ध्यान दीजिए, तो याद रखना है सबसे पहले इसमें क्या आ सकता है एमसीक्यू, बस याद रखेंगे, आपको एमसीक्यू आएगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, क्या बोलूंगे, एडम स्मिथ। किसने बुक लिखी थी नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, है ना। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ, ठीक है। अब जे बी से करके थे बेटा एक इकोनॉमिस्ट, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स की अपनी डेफिनेशन दी थी, इनके भी जो ख्यालात थे, इनके जो ख्यालात थे ना बेटा वो एडम स्मिथ से काफी मेल खाते थे। सो इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ। सो अब इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इंस्टीट्यूट ने और कर दिया है इस चीज में, अब ध्यान देंगे अगर बेटा क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स का वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे बेटा एडम, एडम स्मिथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है बेटा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, ये किसने बोला है ना, इज सेड बाय, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो बोलोगे भैया जे बी से, है ना। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इसमें कुछ नया निकाला है, क्या बताइए, जो उन्होंने स्टडी मैटर में जो हरकत की है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, इन्होंने स्टडी मैटर में क्वेश्चन ऐसा पूछा है, उन्होंने बोला है कि द डेफिनेशन, द डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, विच डील्स विथ वेल्थ, विच डील्स विथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने बोला, ये किसने दिया है, या इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो अब क्या बोलोगे, वैसे टेक्निकली लॉजिकली इसका भी आंसर जेबी से होना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बेटा इसका आंसर आपके बुक में एडम स्मिथ दिया हुआ है, आपके स्टडी मटेरियल में इसका आंसर एडम स्मिथ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पेज को याद रखेंगे, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछे वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया, इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ, बस इतना ही लिखा है, तो जेबीसी को टिक मार लेना। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है द डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, अगर ऐसा शब्द आते हैं तो फिर इंस्टीट्यूट के हिसाब से एडम स्मिथ को टिक मार लेना। मुझे खुद को बुरा लगता है जब मैं ऐसा कुछ रट्टा मारने की बात करता हूं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे इसका जेबी से होना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट यहां पे एडम स्मिथ को टिक मारता है, जो कि इन्होंने ICAS स्टडी मटेरियल में किया हुआ है। तो हम भी भैया फिर इसी चीज को फॉलो कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई, तीनों में फर्क समझ में आ गया आपको? क्या तीनों में फर्क समझ में आ गया? फास्ट गाइस बताएंगे, तीनों में फर्क समझ में आ गया? जल्दी बोलो यार प्लीज, है ना। चलो आगे फिर आता है बेटा अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने दिया था बेटा वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर ये एमसीक्यू आया था कि एज पर विच इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स में हम बातें करते हैं उन चीजों की विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में उन चीजों की बातें करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मेजरिंग रॉड मनी है, चीजों का मेजरिंग रॉड क्या बताएं, मनी है। किसने बोला था? ए सी पिगाउ ने। फिर लियोनेल रॉबिन्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, इन्होंने बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने दी थी स्केयरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी जो आप पढ़ रहे ना वो स्केयरसिटी डेफिनेशन ही है, इन्होंने स्केयरसिटी डेफिनेशन दी थी। एंड इन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। एंड फाइनली बेटा पॉल सैमुअलसन ने दिया था ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप याद रखेंगे, है ना। हेनरी स्मिथ ने क्या बोला था, इन्होंने एक ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया था। जेकब वाइनर, देखो नाम में ही दिया बेटा वाइनर, है ना, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है, बोले बोलते डांस क्या है, बोलते जो डांसर करता है वो डांस है। अकाउंट्स क्या है, बोले अकाउंट्स, बोले जो सीए करता ना वो अकाउंट्स, हाँ जो सीए करता वो अकाउंट्स है। अच्छा ये तो बढ़िया है। बोले इकोनॉमिक्स क्या है, बोले जो इकोनॉमिस्ट करते वो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिस्ट करते वो इकोनॉमिक्स। तो क्या है, जेकब वाइनर ने ऐसे डेफिनेशन दिया, ठीक है। अब देखो याद क्या करना है, एक तो ये याद करना है, मैंने आपको बता दिया, ये प्लीज इस समरी को याद रखेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस समरी को भूलना नहीं है। हाँ बोलते सर अगर ये ऑफ नेशन वाला शब्द नहीं रहता तो नहीं करते अगर ये ऑफ नेशन वाला शब्द नहीं रहता यहाँ पे तो जेबी से कर देते, वही तो मैंने लिखा ना बेटा यहाँ पे, यही प्रॉब्लम है। सब लिख के दे रहा हूं ना, फिर भी 10 बार वही वही पूछेंगे, मैंने बताया ना बेटा वही चीज यहाँ पे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्या बोलूँ यार मैं सच में, मतलब यार चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे बताइए, तो आपको आएगा वेल्थ डेफिनेशन की तो बात होगी, फिर मुझे बताइए वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया, इकोनॉमिक्स का वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने, ओके। फिर मुझे बताइए जल्दी से स्केयरसिटी डेफिनेशन किसने दिया, स्केयरसिटी डेफिनेशन तो ये दिया था बेटा लियोनेल रॉबिन्स। अब क्या आपको पता है कि गंगाधरी शक्तिमान है है ना, मुझे बताइए कि क्या पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, वैसे ही लियोनेल रॉबिन्स को हम रॉबिन्सन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। अच्छा तो स्केयरसिटी डेफिनेशन किसने दिया, लियोनेल रॉबिन्स ने, अच्छा सर बढ़िया होगी बात। अच्छा इसने और एक चीज बोली थी, क्या बोला था, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, है ना, हमारे जो वॉन्ट्स है उसमें इकोनॉमिक्स न्यूट्रल होता, मतलब क्या, मतलब इकोनॉमिक्स ये नहीं बताता कि कौन सा वॉन्ट अच्छा है कौन सा वॉन्ट बुरा है। समझो मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा है और एक मिस्टर एक्स है जिसको सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स ये नहीं बताता कि कौन सा वॉन्ट अच्छा है कौन सा बुरा है, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। किसने बोला था ये बताओ, हाँ किसने बोला था, ये बोला था बेटा लियोनेल रॉबिन्स या रॉबिन्सन ने, ठीक है। फिर ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी, ग्रोथ डेफिनेशन फास्ट, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी, पॉल सैमुअलसन ने, किसने, पॉल सैमुअलसन ने। किसने बोला था कि इकोनॉमिक्स में हम उन चीजों की बातें करते हैं जिसका मेजरिंग रॉड मनी होता है, किसने बोला था ये चीज बेटा, ए सी पिगाउ, प्रोफेसर ए सी पिगाउ, है ना। देन
ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन किसने दी थी? हेनरी स्मिथ ने. एंड इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, किसने बोला था ये चीज, बोलो जल्दी से. ये बोला था हमारे जेकब वाइनर ने. ठीक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है बताइए? एडम स्मिथ. इकोनॉमिक्स को हम 19th सेंचुरी तक क्या बोलते थे? पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट. एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा एडम स्मिथ ने, द वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है सर, डन होगी बात. अब बात करेंगे बेटा क्या बताइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स. लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने तो अभी पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. हमने कल क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. अब बात आती है सर, हमारे सब्जेक्ट का नाम तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है ये देखना है. आ जाओ, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझने के लिए आपको एक स्टोरी देखनी पड़ेगी, जो स्टोरी है बेटा एमवी फूड्स लिमिटेड की, है ना. एकदम क्विकली करेंगे, जिसका कोर बिजनेस क्या है बताइए? फूड बिजनेस. तो अभी फिलहाल ये जो एमवी फूड्स जो मेरी कंपनी है ना, ये कंपनी में अभी चिप्स बिस्किट ये सारे प्रोडक्ट्स अभी बिकते हैं. ठीक है, इसका सीईओ कौन है बताओ इस कंपनी का? मैं ही हूं, राइट. अच्छा, तो अभी बेटा इनकी ना बोर्ड मीटिंग चल रही है. क्या चल रही है इनकी? बोर्ड मीटिंग चल रही है. अब ये कौन है बताओ? ये मैं. ये कौन है? ये मैं. तो हमारे क्या बताएं, जो सीईओ है कंपनी, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, किसको बोल रहा हूँ ये मैं? हमारे बोर्ड मीटिंग चल रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे कंपनी के, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ. मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार क्या हमें अब सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं. मैं ये पूछ रहा हूँ उन लोगों को, है ना. मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि अभी तो हम सिर्फ एमवी चिप्स एमवी बिस्किट बनाते हैं, मैं अब एमवी ओला बनाना चाहता हूँ. क्या बताइए? एमवी ओला ये बनाना चाहता हूँ. सर एमवी ओला क्या है? जैसे कोका कोला होता है ना बेटा सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, पेप्सी कोका कोला, वैसे ही मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या है? एमवी ओला. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एमवी ओला नाम का एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करूं मेरे कंपनी के अंतर्गत. ठीक है, सो अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, सर प्लीज गिव अस सम टाइम. सर आप जो बात बोल रहे हैं ये बहुत ही मेजर डिसीजन है, इस डिसीजन का हमारे कंपनी पे बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो ये बोलते हैं यार, मैं बोलता हूँ कि यार चलो ठीक है यार, ठीक है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, बट यही समय है, दिस इज अ टाइम टू एक्सपांड अवर बिजनेस, यही समय. और बोलते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस का जो मार्केट है ना, वो बहुत ही फास्ट वे में चल रहा है, तो अगर अभी हमने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया तो बहुत सेल्स हो सकता है. अब ये लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले ना, ये बोलते हैं सर लेकिन ये सोचो ना कि ऑलरेडी कितना ज़्यादा कंपटीशन है कोका कोला एंड पेप्सी का, एग्जिस्टिंग कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ये सुनो बताइए. हाँ, एग्जिस्टिंग कंपटीशन कितना ज़्यादा है सर, ये भी तो आप सोचो थोड़ा सा. तो मैं बोलता हूँ यार ये सब बातें सही हैं, पर बोलते हैं वी मस्ट नॉट फॉरगेट दी स्टेटिस्टिक्स, है ना. स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो आप अभी मैथ्स के साथ पढ़ते होंगे सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 में, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं स्टेटिस्टिक्स में, हम पास्ट के डेटा का एनालिसिस करते हैं, जो पास्ट में डेटा हो चुका है उसका हम एनालिसिस करते हैं. कहाँ पे बताइए? स्टेटिस्टिक्स में. तो मैंने बोला कि यार ये जो स्टेटिस्टिक्स है ना, पास्ट के डेटा को मैंने एनालाइज किया और मुझे पता चल रहा है कि देर इज स्टिल रूम फॉर ग्रोथ. मतलब अगर हमने अभी लॉन्च किया ना एमवीला, जरूर वो ग्रो करेगा, है ना. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले क्या बोल रहे हैं? अरे सर ये सब बातें तो सही है, लेकिन अब राजू फूड को देखो, राजू फूड जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसने भी पिछले साल अपना सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया था और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, उसके प्रोडक्ट बिके ही नहीं. अच्छा, और ये लोग बोलते हैं अरे सर आप हमको स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं, अरे ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये तो आपने क्या बताइए, ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये तो पास्ट के स्टैटिस्टिक्स हैं, पास्ट में पिछले सालों में जो ग्रोथ हुई होंगी आप वो हमें बता रहे हैं, क्या जरूरी है क्या कि इसके हिसाब से फ्यूचर में ग्रोथ होंगी? आप जो हमें ये प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होने वाला है, ये तो आप पास्ट के बेसिस के पास्ट के डेटा के बेसिस पे आप हमें बता रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू होगा फ्यूचर में. अच्छा, साथ ही साथ आजकल ना कस्टमर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है ना. आजकल भैया उनको नॉर्मल कोका कोला पेप्सी नहीं होना, उनको क्या होना बताइए? हेल्थी चीजें चाहिए. क्या चाहिए बोलो? बोलते उनको ना हेल्थी चीजें चाहिए. हाँ, तो आप क्या पता कि आपने एमवी ओला लॉन्च किया और लोग उसे खरीदे ही नहीं, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. क्या बात समझ आ रही है? तो मैं क्या बोला बताओ इन लोगों को, देखो आप सबका है ना, मेरे को कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, है ना, नो इफ्स नो बट्स, है ना.
क्या बताएं, नो इफ्स नो बट्स, मेरे को ये सब इफ्स बट्स ये सब नहीं चाहिए। मैंने मैंने बोला कि भैया देखो, मैंने सारे डेटा को एनालाइज पहले ही कर लिया है, और मैंने जजमेंट कर लिया है ना, मैं जजमेंट पे आ चुका हूँ कि भैया देखो, अगर सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में गए ना, तो हमारा बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है बहुत ही जबरदस्त रिटर्न कमाने का, समझ में आ रहा है? तो बोलते अगर हम बहुत ज्यादा रुक गए ना, तो क्या पता ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाएगी, समझ पा रहा है? सो मैंने बोला लेट्स गो अहेड, यार छोड़ो ये सब चीज़ें, चलो चलते हैं, हाँ लॉन्च करते हैं एमवीओला। अब बताइए, ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, ये स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये जो हमारी कंपनी है, इनको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग रहा है ना? व्हाट डिड यू नोटिस, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना? इनको डिसाइड करने में समय लग रहा है ना, कि एमवी ओला लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगला कॉन्सेप्ट ही आता है बेटा डिसीजन मेकिंग का। बोलते डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये एमसीक्यू आता है। बोलते डिसीजन मेकिंग, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, इट इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये जो टू और मोर शब्द है ना बेटा, इस पे एमसीक्यू आता है। बोलते हैं जब हमारे सामने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोई काम करने के लिए दो या दो से ज्यादा रास्ते होते हैं, तब हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तब डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से रास्ते को चुने। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स, है ना, देखो क्या लिखा है। बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स पॉइंट नंबर वन, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स, कि हम जो काम करना चाहते हैं वो काम करने के लिए कौन से रास्ते पॉसिबल हैं, पहले वो आप डिसाइड, पहले वो इवैल्यूएट करिए, फिर आप एक रैशनल जजमेंट लीजिए, सोच समझ के जजमेंट लीजिए कि कौन सा रास्ता चुनना ज्यादा बेहतर होगा, एंड फाइनली चॉइस कर लीजिए उस सबसे बेस्ट तरीके का। ठीक है, तो तीन स्टेप्स होते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। बोलते हैं कि सर इतना हमको सिलेक्शन करने की क्या जरूरत है, अगर हमारे वांट्स कुछ है, हम सारे वांट्स को पूरा कर लेते ना, जान दो ना काहे को इतना टाइम पास कर रहे हैं। अरे पर भैया हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसलिए पहले डिसीजन लेना जरूरी है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एमवी फूड्स लॉन्च करना, हाँ कर दो बोले, जान दो कुछ देखने की जरूरत नहीं। अरे भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, एमवी फूड्स लॉन्च का एमवी ओला लॉन्च कर दिया और पता चला वो प्रोडक्ट चला ही नहीं तो लॉस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो, हाँ तो ध्यान से सुनिए जल्दी से क्या बोल रहा हूँ। बोलते हैं द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेस, क्यों चॉइस हमें करना पड़ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने, कौन से रिसोर्सेस पहले यूज करें वांट को पूरा करने के लिए। बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में भी तो यही प्रॉब्लम होती है, हमारे बिजनेस में भी हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हर एक बिजनेस चाहता है कि मेरे सेल्स सबसे ज्यादा होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है बताइए, क्या सारी चीजें एक ही दिन में हो जाएंगी क्या, बताओ क्या सारे बिजनेसेस सब नंबर वन पे हैं क्या, ऐसा हो सकता है नहीं। क्यों, सारे वांट्स पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि बिजनेस में भी हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, एंड उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है, इसलिए चूज करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि भैया पहले कौन से रिसोर्सेज को कौन से वांट पूरा करने में हम बताइए यूज करें, है ना। इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो बेटा कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि बिजनेस चालू करने के पहले, है ना, बिजनेस चालू करने के पहले ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, तो इस पे एमसीक्यू आता है। इसको ना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी जो स्टोरी बताई ना, उस स्टोरी से ही ये सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे कि बिजनेस चालू करने के पहले हमें कौन से पॉइंट्स के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। पहला पॉइंट देखो क्या है, शुड आर फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या हमें इस बिजनेस में रहना चाहिए या नहीं, है ना, हम यही तो देख रहे थे कहां बताइए, हम ये देख रहे थे बेटा कहां पे बताइए, हम सोच रहे थे कि भैया एमवी ओला को लॉन्च करना चाहिए या नहीं। सो शुड आर फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या एमवी ओला का बिजनेस चालू करना चाहिए कि नहीं। अच्छा दूसरा देखो, शुड आर फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, हमारे क्या बोल रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोल रहे थे कि अरे सर ऑलरेडी पेप्सी कोका कोला का इतना कंपटीशन है, कैसे लॉन्च करूंगे आप इस प्रोडक्ट को, है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेना है,
कि जो ऑलरेडी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्या इसमें हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला देखो, अगर हमने सोच लिया कि चलो प्रोडक्ट बनाना है, अब क्या मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाऊं कैसे, कैसे प्रोडक्शन करूं। सो हमें फिर सोचना पड़ेगा विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा दो प्रकार के, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे आपको लेबरर्स वर्कर्स ज्यादा लगते हैं प्रोडक्शन करने में, वो लेबर इंटेंसिव होता है। और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और प्रोडक्शन क्या है, जहां पे आपको मशीनरीज ज्यादा लगती है प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चुने, तो हम बोलेंगे भैया इन दोनों में से जो सस्ता पड़ता है ना वो चुन लो। अगर लेबर इंटेंसिव मेथड सस्ता पड़ रहा है वो चुनो, कैपिटल इंटेंसिव सस्ता पड़ रहा है वो चुन लो। अच्छा फिर बात आएंगी कि यार देखो एमवी ओला बनाने के लिए क्या हमें इनपुट्स लगेंगे। सोच के देखो, क्या एमवी ओला बनाने के लिए, प्लीज ध्यान देंगे ना, क्या एमवी ओला बनाने के लिए हमें कुछ इनपुट्स लगते हैं, यस नो, क्या इनपुट्स लगेंगे। हाँ हमें क्या पानी लगेगा, है ना, पानी। फिर क्या लगेगा उसमें, फ्लेवर्स वगैरह लगेंगे। हमें बॉटल लगेंगे, जिस बॉटल में भर के देंगे, ऐसा हाथ में तो देंगे नहीं ना लोगों को, एमवी ओला बॉटल में देंगे, कैन में देंगे। तो ये सारे इनपुट्स हो गए एमवी ओला बनाने के लिए, यस नो। हाँ तो हमें ये इनपुट्स कहाँ से खरीदने चाहिए, फ्रॉम वेयर शुड वी प्रोक्योर अवर नेसेसरी इनपुट्स, एंड क्या प्राइसेस पे इनको खरीदना चाहिए। समझ मारा है, क्या प्राइसेस पे इसको खरीदना चाहिए। समझो अगर हमने हमारे इनपुट्स को ज्यादा महंगा महंगे में खरीद लिया ना, तो हमारा ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए पहले ध्यान से देखना चाहिए कहाँ से इनपुट खरीदूँ, कहाँ पे सस्ते में सस्ता और अच्छे क्वालिटी का मिल सकता है। अच्छा कुछ केसेस में क्या होता है कि बहुत बार अगर हम इन इनपुट को खुद ही बना ले तो सस्ता पड़ सकता है। तो ये भी चेक करो, क्या कोई ऐसा इनपुट है जो मैं खुद बनाऊं तो सस्ता पड़ रहा है, तो खुद बना लो। अगर कोई इनपुट है जो खुद बनाने में महंगा पड़ रहा है, तो फिर वो बाहर से खरीद लो। तो कौन से कंपोनेंट को हमें खुद बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए, ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा, यस और नो। फिर हम सोचेंगे कि कितना ऑप्टिमम आउटपुट होना चाहिए, है ना। अब समझो मैंने एमवी ओला बनाने का डिसाइड कर लिया, अब मैंने समझो मैंने 5 लाख बॉटल बना दी, पर एक्चुअल में मेरी बिकी बेटा 1 लाख बॉटल, तो 4 लाख तो वेस्ट हो गई है ना। सो इसलिए पहले ही हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग मेथड्स होते हैं इसके लिए, जिसे बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, जो चैप्टर 2 में आपको पढ़ाऊंगा मैं, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में। हमें प्रोडक्शन करने के पहले ही फोरकास्टिंग करनी चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए कि अगले साल कितनी डिमांड लगभग हो सकती है, और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए। सो कितना होगा ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये डिसाइड करो। एंड मैं क्या प्राइस पे बेचूंगा मेरे प्रोडक्ट को, तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। फिर हम इस मार्केट को, सॉरी, हम इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्लेस करेंगे, कौन से रिटेलर्स के थ्रू बेचेंगे हमारे प्रोडक्ट को, क्या मॉल में हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, क्या ऑनलाइन हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। हम कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या एकदम छोटे छोटे बच्चे हमारे ये एमवीओला पियेंगे, या जो यंग लोग होंगे थोड़े बहुत वो पियेंगे, या मुझे बताइए जो बुजुर्ग लोग होंगे वो पियेंगे, बताओ जनरली कौन पिएगा एमवीओला, जो यंग लोग होंगे जनरली, है ना, वो लोग जनरली पियेंगे इस चीज को। तो हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या होगा, यूथ। हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या है, यूथ। अब हम यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कैसी कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे कैसे एड्स बनाए। आप देखते होंगे थम्सअप की एड, है ना, थम्स अप टेस्ट थंडर, तो यार उसमें ऐसे एकदम बताते हैं आपको, है ना, एड, है ना, आज कुछ तूफानी करेंगे, तो एकदम जो यूथ है ना वो एकदम मोटिवेट हो जाता है, उनको लगता है चलो हम भी कुछ क्या बताए तूफानी करेंगे, चलो, है ना, थम्सअप पीने चलते हैं। तो क्या होता है, ऐसी एड बनाओ जिससे यूथ अट्रैक्ट हो सके, है ना। फिर वो पेप्सी में आता है ना, हर घूंट में स्वैग है पेप्सी, आहा, तो क्या हो रहा है बताओ, ऐसा स्वैग वगैरह जो शब्द है आजकल का यूथ बहुत यूज करता है, तो इसके हिसाब से कुछ एड वैड बना दो। समझ पा रहा है, तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, इसमें कितना खर्चा होगा मार्केटिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में, ये बात होगी मार्केटिंग बजट की, ये सुनो। अच्छा एंड फाइनली क्या है, बोलते हैं हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है। जरूरी है क्या कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो पक्का चलेगा ही चलेगा, भैया लॉसेस भी तो हो सकते हैं,
तो फिर क्या करेंगे? तो बोलते हैं हर बिजनेस को करने में कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है, तो हमें पहले से ही ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम हमारे इन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को कम से कम मिनिमाइज कर सके। समझ में आ रहा है? बस अब इसमें एमसीक्यू क्या आता है, आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज नॉट टेकन वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, उसमें आपको इसमें से कोई तीन ऑप्शन दे देगा, ये इसमें से कोई तीन ऑप्शन आपको दे देगा, और चौथा ऑप्शन उसमें होता है हाउ टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम बेरोजगारी को कैसे डिक्रीज करें, ये हम सोचते क्या बिजनेस चालू करने के पहले? नहीं, तो उसका आंसर हो जाता है। तो ऐसा एमसीक्यू यहां से आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फाइनली हम आ चुके हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स। तो आ जाओ जल्दी से, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया बोलो? मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने बोला कि देखो हमारे जो लिमिटेड है ना, या रिलेटिवली लिमिटेड रहता है ना, क्या बोलेंगे, रिलेटिवली लिमिटेड या रिलेटिवली स्केर्स है ना, रिलेटिवली लिमिटेड या रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज जो होते हैं, इन रिसोर्सेज को कैसे हम बेस्ट वे में एलोकेट करेंगे, कैसे हम बेस्ट वे में इनको बांटेंगे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने में, इस प्रोसेस की पढ़ाई को ही मैं क्या बोलता हूँ? इकोनॉमिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस प्रोसेस की पढ़ाई को ही हम क्या बोलते हैं, बताइए? इकोनॉमिक्स। यस और बताइए? यस सर, डन। तो अब मुझे बताइए क्या बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम होता है क्या? क्या बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम होता है? सोच के देखो, क्या बिजनेस में भी ऐसी होता है कि हमारे यहाँ पे भी रिसोर्सेस लिमिटेड है पर वांट्स अनलिमिटेड है? हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस नंबर वन पे होना चाहिए, हमारा सेल सबसे ज़्यादा होना चाहिए पूरे दुनिया में, पर ऐसा हो जाता है क्या? पहली बार में बताओ, ऐसा हो जाता है? नहीं। क्यों? सारे वांट्स क्यों पूरे नहीं हो रहे? क्योंकि बिजनेस में भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे वांट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे भी तो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड स्केर्स एक ही बात है ना, लिमिटेड लिखो स्केर्स लिखो एक ही बात है ना। तो अब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में तो ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना कि कैसे रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस को एलोकेट करें हमारे अनलिमिटेड बॉन्ड्स में। तो हम जो इकोनॉमिक्स के फंडे पढ़ेंगे, हम जो इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ेंगे, इस इकोनॉमिक्स की थियरी को आप बिजनेस के इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर दो। क्या बिजनेस में भी हमें यह प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि वांट्स अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेस स्केर्स है? तो हम कैसे इकोनॉमिक्स में, हम कैसे अलग अलग जगह पे हमारे स्केर्स रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करते हैं, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इसकी अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे। तो एक काम करो ना, ये जो बिजनेस में भी तो ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम हो रही है, तो इकोनॉमिक्स के थ्योरी को, इकोनॉमिक्स के फंडों को हमारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स में आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसे ही बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसे ही बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ कितना आसान है? एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को अगर समझ में आ गया तो। एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को अगर बात समझ में आ गई तो। चलो आ जाओ, डन हो गया। तो देखो क्या लिखा है, द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस, है ना, बिजनेस में हम डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमारे स्केर्स रिसोर्सेस को कैसे यूज करें हमारे वांट्स को पूरा करने के लिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स में जो आप फंडे, इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी पढ़ोगे वो अप्लाई कर दो इस पे। सो द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन विच इन्वॉल्व्स बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेस, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आपको बेटा इसमें एमसीक्यू आता है कि जोएल डीन, प्लीज ध्यान देंगे। हाँ, आपको एमसीक्यू आता है बेटा जोएल डीन। तो जोएल डीन करके क्या है बताओ, एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है।
सेम चीज बोली है कि जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करते हैं बिजनेस के पॉलिसीज, बिजनेस के डिसीजंस लेने में, उसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या आता है सर इसमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि बेटा क्या हम इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिकल बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स के फंडों। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जैसे कि कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे सीए इंटर कॉस्टिंग में, सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आगे ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि कैसे बिजनेस में हम लिमिटेड पैसों से हमारे जो वॉन्ट्स है वो पूरे कर सकते हैं। इसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, सीए इंटर में आएगा। तो हम इन सारे फंडों को अप्लाई कर रहे हैं ना बिजनेस के प्रॉब्लम में, यही तो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, बोलता है इट फिल्स द गैप, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस के प्रैक्टिस में और इकोनॉमिक थ्योरी के बीच का जो लिंक है, बीच की जो गैप को जो खत्म करता है, वही होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो एमसीक्यू आएगा बेटा, ठीक है, इसके डेफिनेशन पे एमसीक्यू आएगा। फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, इस पे एमसीक्यू आएगा। क्या हम इसे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, इस पे भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए, अब इसे हम, हाँ इसे हम, प्लीज ध्यान दीजिए, इसे हम बेटा हाँ इसे हम बेटा प्लीज ध्यान दीजिए, इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं बिजनेस के, वही तो इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, है ना। मैनेजर्स ही तो बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो बिजनेस में जब प्रॉब्लम आएंगी तो उसमें इकोनॉमिक्स के फंडों को अप्लाई करेंगे। कौन करेगा? ये मैनेजर्स ही करेंगे बिजनेस के, इसलिए हम इसको मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। क्या डन होगी बात? यस, क्या बोलो? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो, तो आप बोलते हैं कि सर फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है, इस पे कोई एमसीक्यू आता नहीं, इस पे कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। बोलते हैं क्यों बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है? बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ये जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो डे टू डे बेसिस में हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री, हर एक बिजनेस में ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, यस और नो बताइए। हाँ, तो इसलिए इकोनॉमिक लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ बेटा आजकल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है। पहले के जमाने में सीए को हम सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए, हैं, अकाउंट्स को चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए बुलाते थे। पर अब कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम होती है पहले सीए को कॉल करते हैं, अरे सीए साहब ये प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बताओ ना कैसे करेंगे। अब अगर सीए बोलेगा यार ये तो मेरे को जमता नहीं, तो कैसा लगेगा? बोलते आजकल सीएस को लोग जो है एक कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं। तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स की जानकारी तो होनी ही होनी चाहिए। समझा बात क्या बोल रहा हूं, बताइए, समझा क्या? चलो डन सब। आगे फिर आता है बेटा बात कि हम इकोनॉमिक्स को बेटा ब्रॉडली दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, इस पेज से बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, प्लीज ध्यान देंगे। इस पेज से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लीज ध्यान दे रहे सब लोग, क्या सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना? पक्का? चलिए
डन क्या? हाँ अब सुनेंगे, बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बोलते हैं जब हम इकोनॉमिक्स में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल नंबर ऑफ पीपल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, एक पर्टिकुलर सेक्शन की जब बात करते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो कैसे याद रखेंगे माइक्रो को? MI है ना, MICRO, क्या बोला मैंने? MICRO। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स की बातें करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम इकोनॉमी एज अ होल, एग्रीगेट लेवल पे, टोटलिटी के लेवल पे जब हम बातें करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा? एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, या इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आपको ट्रिक दिया है, इसका कोई सही में फुल फॉर्म नहीं है, ये याद रखने के लिए आपको ट्रिक दी है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे अभी। तो बोलते हैं जब हम इकोनॉमिक्स में किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। समझ में आ रहा है? अच्छा, प्लीज ध्यान देंगे बेटा, प्लीज। ओके, एंड जब हम बेटा बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की, इकोनॉमी एज अ होल की बातें करते हैं, हम ये देखते हैं कि पूरे इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स मिलके कितनी डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की, तो हो जाएगा मैक्रो। जब मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड देख रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो। लेकिन जब मैं पूरे इंडिया में जो सारे कंज्यूमर्स है वो मिला के टोटल में कितना डिमांड करेंगे, मतलब मैं इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहा हूँ, टोटलिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। आपको एमसीक्यू आता है, कौन से टाइप के इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे, ये एमसीक्यू आता है। क्या बोलोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से टाइप के इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बातें करते हैं, क्या बोलोगे? बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या चिल्टू बातें हैं क्या, बताइए? ऐसे चिल्टू चिल्टू एमसीक्यू आते हैं, है ना। आगे बोलते हैं, एक और एमसीक्यू आता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेस को एफिशिएंट तरीके से एलोकेट करते हैं अपने वांट्स में, है ना। मतलब कम से कम रिसोर्सेस में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरे करें, यही एफिशिएंसी होती है। कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरे करना, यही एफिशिएंसी बताता है, करेक्ट। तो कैसे हम हमारे हमारे इंडिविजुअल्स कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं अपने वांट्स में, इसकी बातें क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इस पे एमसीक्यू आता है इस लाइन पे, कि कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स की बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहां पे एमसीक्यू आता है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको एमसीक्यू आएगा कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, कि इकोनॉमी लेवल पे, टोटलिटी के लेवल पे, पूरे इकोनॉमी के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? ये एमसीक्यू आ सकता है, मैंने इसको ऑलरेडी रेड कलर से मार्क किया है ना। तो जब हम स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ यूनिट्स या किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहा हूं, तो मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पता चलेगा कि हमारे इकोनॉमी में जो अलग अलग कंज्यूमर्स है ना, उन सबके डिसीजंस को अगर हम एक साथ कंसिडर करें, तो इसका ओवरऑल लेवल पे क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी पे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पता चलेगा द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इन्यूमरेबल डिसीजंस मेड बाय मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, है ना। तो ये ओवरऑल इफेक्ट कहाँ दिखता है? मैक्रो में। डन हो गया बात, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो मैंने सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए। अब अगला एमसीक्यू में क्या आता है सर? अगली बात क्या आती है सर एमसीक्यू में, वो देखते हैं। अब बात आती है सर इसके एग्जाम्पल्स, है ना, कि कौन सी चीजों को हम माइक्रो में काउंट करेंगे, किसको किसको हम मैक्रो में काउंट करेंगे, ये अब आता है अगला एमसीक्यू। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्यू एरियाज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। बोलते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग।
हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमारे फिनिश गुड का, कैसे हमारे फाइनल गुड का सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। खत्म हो गया। सो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, कंज्यूमर बिहेवियर। हम बोलते हैं, हम ये पढ़ते हैं इसमें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहाँ आएगा सर? ये आएगा बेटा इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में। हम वहां पे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बातें करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, आगे फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिनिश गुड्स बनाने के लिए कुछ इनपुट्स लगेंगे, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिनिश गुड बनाने के लिए कुछ इनपुट लगेंगे। इनपुट जैसे अगर मुझे शर्ट बनाना है तो क्लॉथ लगेगा, कपड़ा, बटन लगेंगे, धागे लगेंगे। यस और नो बताइए। हाँ, तो ये जो इनपुट्स होते हैं इसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला? ये जो इनपुट होते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बोलते हैं यहाँ पे आता है फैक्टर प्राइसिंग। क्या आता है यहाँ पे? फैक्टर प्राइसिंग, कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने का खर्चा कितना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, है ना, पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, तो भी माइक्रो, है ना। आगे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, कि अलग अलग केसेस में फर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में। एंड फिर आएगा लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, हमें हमारे फैक्ट्री को कहाँ पे लोकेट करना चाहिए। क्या रॉ मटेरियल जहां से खरीदता हूं उसके पास करूं, कि जहां पे मैं मेरे फिनिश गुड्स को बेचता हूं उसके पास करूं? समझ में आ रहा है ऐसा? आगे फिर है फ्यू एरियाज, प्लीज ध्यान देंगे, फिर है बेटा फ्यू एरियाज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एरियाज देखेंगे, प्लीज ध्यान देंगे। यस, चलिए। सो मैक्रो ओवरऑल लेवल पे, तो अब बोलते हैं हमारे कंट्री की नेशनल इनकम, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सब ने मिला के कितना इनकम कमाया, सबकी इनकम को ऐड करो टोटल में, नेशनल इनकम। तो टोटलिटी लेवल पे इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं। अच्छा, देन बात कर रहे हैं नेशनल आउटपुट, मतलब क्या? जीडीपी। हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, तो एक साल के अंदर हमारे इकोनॉमी में टोटलिटी में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बने, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एज अ होल की बात चल रही है। इकोनॉमी एज अ होल में क्या जनरल प्राइस लेवल चल रहा है, इन्फ्लेशन का रेट, कितनी महंगाई चल रही है कंट्री में, ये इकोनॉमी एज अ होल पे देखना पड़ता है। इन्फ्लेशन का रेट जो होता है जनरल प्राइस लेवल। बोलते हैं इंटरेस्ट रेट्स, हाँ, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट्स, है ना। तो ये भी क्या है, ये इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहा है ये, कि इकोनॉमी एज अ होल में एवरेज में अगर हमें लोन लेना हो तो कितने इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है ना। इसको आरबीआई दिन ब दिन चेंज भी करते रहता है ना। आगे फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत बार बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क क्या है? ये क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? ये होता है बेटा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, कि हमारी कंट्री से अगर हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के बाहर बेचेंगे उसे एक्सपोर्ट करना बोलते हैं, और अगर हम इंडिया में बाहर के कंट्री से कुछ गुड्स खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट करना बोलते हैं। सो हमने कितनी वैल्यू के एक्सपोर्ट किया माइनस मैंने कितना वैल्यू का इंपोर्ट किया, कितने गुड्स एंड सर्विसेज मैंने इंपोर्ट किए, है ना, वैल्यू टर्म्स में। तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कि एक्सपोर्ट करके क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा। अगर हमने इंडिया से यूएसए में गुड्स बेचे तो यूएसए वाला बोलेगा अरे वाह मुझे गुड्स दे दो, मैं तुमको डॉलर देता हूं, डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है हमें। चाइना में बेचा तो चाइना वाला युआन देगा, चाइना की करेंसी है युआन। जापान में बेचा तो जापान वाला येन देगा, येन, जापान की करेंसी है येन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि
कि हमको कितना फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी कितना रिसीव हुआ, माइनस मैंने फॉरेन एक्सचेंज का कितना पेमेंट किया, इसका डिफरेंस कहां करेंगे बताइए? इसका डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। समझ में आ गया बात? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो, तो ये इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे देख रहे हैं, इसलिए क्या बताइए, इसलिए दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारे जैसे आपको पता है $1 इज इक्वल टू अब अराउंड 75 या 80 तक पहुंच चुका ऑलमोस्ट, है ना? तो $1 इक्वल टू अराउंड 80 चल रहा है, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, अभी एकदम एग्जैक्ट जाके मत देखना। तो ये क्या है, हमारे करेंसी की वैल्यू क्या है, ये भी तो इकोनॉमी एज अ होल की है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरे लिए $1.80 का है और समझ लो यहाँ पे श्रुति के लिए $1.50 का है, ऐसा होता क्या? सबके लिए अलग अलग होता क्या? तो ये इकोनॉमी एज अ होल पे सबको, सबके लिए सेम होता है, यस नो? हाँ। तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी मैक्रो लेवल पे, इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे देखते हैं। देन हमारे कंट्री में ओवरऑल लेवल पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कितनी है, इस पे एमसीक्यू आया है कि ओवरऑल लेवल की सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो है कि माइक्रो है, माइक्रो है कि मैक्रो है। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इकोनॉमी एज अ होल के लेवल की बात होती है। ठीक है, आगे द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, बेरोजगारी है कि नहीं है, अगर बेरोजगारी है तो कितनी है, है? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो हो रही है, ये सब चीजें कहां पे आएगी बताइए? मैक्रो, मैक्रो है ना। चलिए, बात समझ में आ गया। सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स हम जब इनकम कमाते हैं तो उसमें से हम कुछ पार्ट क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं और कुछ पार्ट को हम खर्चा कर देते हैं, है ना? तो ये होती है सेविंग्स, करेक्ट। यहां पे बोला है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं ना, तो एज पर इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमने एफडी खरीदी, म्यूचुअल फंड खरीदा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इकोनॉमिक्स के केस में, इकोनॉमिक्स के भाषा में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स खरीदता है, जब एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स खरीदता है ना, तो कैपिटल गुड्स को खरीदने में पैसा खर्चा होगा, इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सर, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो ऐसे गुड्स जिसको यूज करके हम और दूसरे गुड्स बना सकते हैं, वही कैपिटल गुड्स होते हैं। जैसे कि मशीनरी, अगर मैं मशीनरी ले लूंगा तो क्या मशीनरी को यूज करके और दूसरे गुड्स बना सकता हूँ? हाँ। सो अब जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटरप्रेन्योर, उसका बिजनेस का ओनर अपने ही बिजनेस में कैपिटल गुड खरीदता है, कैपिटल गुड को खरीदने में पैसा खर्चा करता है, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 में। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में इस पर चर्चा करेंगे, डन। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, सो ये भी कहाँ आएगा? मैक्रो, मैक्रो। क्या बात समझ में आ गया, जल्दी बताइए, क्या बात समझ में आ गई गाइस? फास्ट, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा, क्या फिर क्या बात आती है, जल्दी बताएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब रेडी है क्या, क्या सब रेडी है, बोलो। बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, नेचर, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है ये देखेंगे अभी, है ना? बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलो, हाँ, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो साइंस की तरह होता है। बोलते हैं साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं हम। देखते हैं कि जैसे हमने दो केमिकल को मिलाया तो ये हो गया कॉज, इससे इफेक्ट आता है कि नया केमिकल बन जाता है, हम ऐसा केमिस्ट्री में देखते हैं, साइंस में। तो हम क्या देखते हैं इसमें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में भी साइंस के बहुत सारे अप्रोचेस को यूज करते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी हम ऐसा करते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस में तो उसमें वो हो गया कॉज, कोई चीज अकर हुई बिजनेस में, प्रॉब्लम अकर हुआ है ना, जिससे हमें इफेक्ट क्या, हमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ठीक कैसे करें, इकोनॉमिक्स के फंडे लगा दो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लगा दो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है अपने अंदर इंटीग्रेट करता है द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंसेस सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स बिजनेस के प्रॉब्लम में इकोनॉमिक्स के फंडे तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की मदद लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की मदद ले सकते हैं, इकोनोमेट्रिक्स मतलब क्या, जब हम इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स को यूज करते हैं उसे ही इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं, खत्म है ना। तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स के फंडों के साथ साथ इन सारे सब्जेक्ट्स की भी हम मदद लेते हैं बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। नेक्स्ट बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ये बेस्ड है। क्यों, अरे हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड मोर विथ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉब्लम है तो उसे कैसे रिजॉल्व करें, हम इसकी बात करते हैं ना, आप ये सुनो बताइए। हाँ आगे तो इसलिए क्या है, हम जब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम माइक्रो की बातें करेंगे, मतलब ज्यादातर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। जनरली बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। फिर बोलते हैं कि यार बट बिजनेस जो है हमारा, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर से भी अफेक्ट होता है क्या, मुझे बताइए, क्या ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बदल दिया इससे हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा। हाँ, अगर हमारे इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्या इससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। हाँ, अगर लोगों का नेशनल, है ना, लोगों की इनकम गिर गई तो नेशनल इनकम गिर जाएगा, क्या इसके वजह से हमारे कंपनी के डिमांड कम हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, तो क्या मुझे बताइए कि क्या हमारा बिजनेस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी असर इसका पड़ता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए मुझे इकोनॉमी एज अ होल को एनालाइज करना पड़ेगा। तो बोलते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। मतलब वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, लेकिन हम कुछ कुछ चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी इनकॉर्पोरेट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो हम बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूज करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडे लगाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मदद लेनी पड़ती है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। ओहो, बोलते हैं आर्ट में क्या होता है, आर्ट, आर्ट मतलब क्या, कोई स्किल वगैरह आपके पास हो उसे हम आर्ट बोलते हैं, है ना। तो हम आर्ट में क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्किल होता है ना उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जैसे कि बेटा मूवी में एक्टर्स होते हैं, अब कुछ लोगों को एक्टिंग आती है, कुछ को नहीं आती तो जिन लोगों को, जिन एक्टर्स को एक्टिंग सही में आती है वो क्या है, उनका ये आर्ट है एक, है ना, उनकी जो एक्टिंग है वो उनका एक आर्ट है, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं मूवी के अंदर। वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट की तरह है, जब सही में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसमें एक्चुअल में अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, किसको, इकोनॉमिक्स के फंडों को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट की तरह है, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मतलब क्या, बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज, एक इंडिविजुअल फर्म अलग अलग केसेस में कैसे कैसे अपना प्राइस डिसाइड करेगा, कैसे कैसे अपना आउटपुट डिसाइड करेगा, कैसे अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी पढ़ते हैं, ये भी हम यूज करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसी के बारे में हम इको चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे ये सारे डिसीजंस लेते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जिसपे MCQ आता है बेटा, ध्यान देंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रगमेटिक इन अप्रोच। तो बोलते हैं कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, माइक्रो, हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है,
प्योरली थियोरेटिकल होता है। बोलते हैं कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जिसकी मदद लेंगे हम बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फंडे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या, जो रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो सिर्फ थियोरेटिकल है, सिर्फ बुक्स में देखने को मिलते हैं, रियल लाइफ में ऐसा सेम सिचुएशन देखने को बहुत कम मिलता है, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या प्योरली थियोरेटिकल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट या प्योरली थियोरेटिकल होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये प्रैग्मैटिक होता है। प्रैग्मैटिक मतलब क्या, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है कि सही में जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में, उसमें एक्चुअल में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करेंगे एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मैटिक होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक अजम्पशन भी लेने पड़ते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड है ना, आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस हम लेंगे जो आप बोलेंगे अरे सर ऐसा तो रियल लाइफ में अजम्पशन हम ले ही नहीं सकते। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अजम्पशंस अनरियलिस्टिक होते हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स बेटा प्रैग्मैटिक, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, रियल लाइफ में बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते हैं, राइट? इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मैटिक होता है, याद रखेंगे एमसीक्यू। अगला है बेटा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, है ना, यहां पे एमसीक्यू आता है। मुझे बताइए क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, गलत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट है। क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो दूसरे सब्जेक्ट्स की मदद लेता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है इन नेचर। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बेटा? डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स, है? ये जो डिसिप्लिन शब्द है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट्स। तो बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स की मदद लेता है अपने अंदर, तब जाके ही हम बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंडिपेंडेंट है? नहीं, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिसिप्लिनरी है ये। मतलब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लेंगे बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गई बात है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। अब बोलते हैं बेटा कि हम इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है ना, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है ये दो लाइन में डेवलप हुई है ना। मतलब इकोनॉमिक्स के जो फंडे है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोला? एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को प्योर इकोनॉमिक्स या प्योर स्टेटमेंट हम ऐसा बोलते हैं। ये मतलब जनरली कब यूज होता है? किसी स्टेटमेंट के समय, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट बोली तो आपको पूछा जाएगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? तो जब हम किसी स्टेटमेंट में किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं, हम किसी स्टेटमेंट में किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं कि क्या होता है, हम किसी फैक्ट को डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि क्या होता है, या देखो क्या लिखा, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका मतलब क्या है कि हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं। मैंने बोला कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, ये क्या है बताइए? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि ऐसा होता है, हम एक फैक्ट बता रहे हैं बस। हम यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें नहीं करते। बोलते पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। हम यहाँ पे ये नहीं बताते कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नहीं बताते हैं। हम बस यहाँ पे किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करके बताते हैं, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, वो किसी सिचुएशन को हम बस डिस्क्राइब करके बताते हैं कि क्या है, बस क्या है या क्या होता है, बस
हम डिस्क्राइब करके बता रहे किसी सिचुएशन को, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी स्टेटमेंट में किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं, हम किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं या हम किसी को कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, प्रिस्क्राइब। मुझे बताओ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक चिट्ठी लिख के देता है, चिट्ठी, उस चिट्ठी में क्या लिखा रहता है, वो दवाई लिख रहे थे कि कौन सी दवाई कितने बजे लेनी है, क्या करना है, राइट, यस और नो बताओ। हाँ, तो वो जो हमारी वो जो चिट्ठी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको जो बीमारी है, अगर आप उस बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो हमने जो जो दवाई लिखी है ये आपको खानी चाहिए। वो हमें सजेशन दे रहा है, वो हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है कि क्या करना चाहिए, कौन सी गोली लेना आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है, हम बताते हैं सामने वाले को कि तुम्हारे अच्छाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए जिससे लोगों के साथ अच्छा होगा, जिससे लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बात समझ में आ रही, बताइए फास्ट जल्दी से। राइट तो अब देखो इसमें एमसीक्यू कैसा आता है, आ जाओ जल्दी से। यस, मैं एमसीक्यू भी लेके आपके लिए, आ जाओ जल्दी से। चलिए चलिए मैं एमसीक्यू आपको बताता हूं, कोई एमसीक्यू करते हैं जल्दी से। हाँ चलो बताओ, जैसे ये एक एमसीक्यू आता है, ये देखो ये आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में भी है, ये आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल में भी है, और ये आपके मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया सवाल है। बोलते हैं कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ऐसा एमसीक्यू आता है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, करेक्ट, ऐसा एमसीक्यू आता है। तो अभी मैंने क्या बोला कि हमारा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो डिस्क्राइब करता है फैक्ट्स को, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए किसी सिचुएशन में जिसके वजह से लोगों के साथ अच्छा होगा, जिसके वजह से लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। समझ मारा है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ मारा है, और करेंगे। चलो चलो ये बताइए मुझे जल्दी से, आपको पूछा है कि यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं एंड बोला है कि इसमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है ये बताओ, समझा, ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, बोलेंगे इसमें से बताओ नॉर्मेटिव कौन सा है, इसमें से बताओ पॉजिटिव कौन सा है। जैसे इसमें पूछा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमें चेक करना है, कैसे सोचना है, हमें चेक करना है कौन से स्टेटमेंट में हम सजेशन दे रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट में हम कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से। यस, सो यहां पे ध्यान दो, यहां पे दिया है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। बोलते जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है ना, उसमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम सजेशन दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। चलो अब बाकी वाले देखते हैं एक बार कि ऐसा क्यों, बाकी वाले क्यों नहीं है, चेक करेंगे। चलो बोल रहा है प्लैंड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। प्लैंड इकोनॉमीज मतलब क्या, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसे प्लैंड इकोनॉमी बोलते हैं। बोलते हैं प्लैंड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। यहाँ पे कोई सजेशन दे रहे हैं नहीं, हम एक फैक्ट बता रहे हैं, है ना, किसी चीज को डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। जी बा, most transitional economies have experienced problems of falling output and rising prices over the past decades. Again bolte hai ki bahut sari aise economies hai jisme aisa experience kiya gaya hai ki output girta hai aur prices badhti hai, hai na, to kya ho raha hai, hum ek statement bata rahe hain kya karna chahiye, aisa to kuch bataya hi nahi yahan pe, samajh mein aaya। There is greater degree of consumer sovereignty in market economy than planned economy। बोलते हैं कि कंज्यूमर सॉवरिटी मतलब क्या, कंज्यूमर के पास सबसे ज्यादा फ्रीडम कहां होता है बताओ, हमारे मार्केट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एज कंपेयर टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये बता रहा है कि ऐसा होता है, खत्म, इसमें कुछ हमने सजेशन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूं, है पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो इधर आओ, इधर बताइए, अब बताओ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट क्या है इसमें से।
इन चारों में से पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है बताओ। चलो बताइए जल्दी से देख के। हाँ जल्दी से देख के बताइए। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, बोलते सर जहां पे शुड वाला शब्द आया ना वो नॉर्मेटिव, ऐसा नहीं याद रखना है, ऐसे याद नहीं रखना है। मैंने क्या बोला, मैंने जिस तरीके से बोला वैसे सोचना है, हम जिस स्टेटमेंट में सजेशन दे रहे हैं वो होता है नॉर्मेटिव, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लीज प्लीज ध्यान देंगे इधर, आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान दीजिए इधर, प्लीज ध्यान दीजिए, देखो क्या लिखा है, बोलता है देखो क्या लिखा है, एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस्ड। कि अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप की बात करूं तो वो मैं एक फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे हम कुछ ये नहीं बता रहे कि क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए, यहां पे कोई सजेशन की बात नहीं हो रही है। अच्छा ऑप्शन बी में देखो, बोलता है हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटेड, हर व्यक्ति को कितना मिनिमम इनकम मिलना ही चाहिए, सजेशन नॉर्मेटिव। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ फूड, है ना, कि जो फार्मर्स वगैरह खाना, फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, तो उनको वो वीट राइस बेच के कितना फेयर प्राइस, मिनिमम कितना प्राइस उनको मिलना चाहिए, नॉर्मेटिव। कैसे हमें हमारे इकोनॉमी का आउटपुट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं, नॉर्मेटिव। क्या है पॉजिटिव, ऑप्शन ए। ये समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, कैसे सोचना समझ में आ रहा है, ये शुड वुड ये सब याद नहीं रखना है। हाँ बट एक एमसीक्यू आया था बेटा अभी जून 22 एग्जाम में एमसीक्यू आया था कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम इसमें क्या बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या बोलते हैं, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, है ना, एक ही बात है। क्या बोला मैंने, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या, क्या करना चाहिए हमें, ये भी नॉर्मेटिव ही होता है, ठीक है, ये नॉर्मेटिव ही होता है। अब बात आती है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है, बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो नॉर्मेटिव नेचर का होता है मेजरली। क्या हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्या बोलते हैं कि बिजनेस में जब प्रॉब्लम आएगा तो उस पे आपको इकोनॉमिक की थ्योरी लगानी चाहिए, मतलब क्या, हम सजेशन दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बिजनेस के प्रॉब्लम में इकोनॉमिक थ्योरी को, इकोनॉमिक के फंडों को लगाओ, हम सजेशन दे रहे हैं, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जनरली जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव नेचर का ही होता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि क्या हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होता है, क्या हमारा बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, कि हमारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम क्या है, लोगों की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, लोगों मतलब एक कंट्री की नेशनल इनकम गिरेगी तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड गिर सकती है ना, अगर महंगाई बहुत बढ़ जाएंगी तो हमारा प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, यस और नो बताइए। हाँ सर, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये जानना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अभी क्या हो रहा है, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, करंट सिचुएशन क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, अगर ये जानना है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की मदद लेनी पड़ती है। सो बोलता है हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैसे तो ये मेजरली नॉर्मेटिव ही है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की भी मदद लेनी पड़ती है। तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइन्स द एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी बट द एम्फसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन लैटर, मतलब क्या, बोलते बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दोनों की मदद लेते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ज्यादा फोकस करते हैं, बस इतना ही, समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर उनका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, अब बात आती है बेटा स्कोप, अब बात क्या आती है बोलिए, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप की स्कोप का मतलब क्या है, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, अब बात आती है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप का मतलब क्या होता है बेटा, स्कोप का मतलब होता है कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते क्या है, यह है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोला,
हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते क्या है, ये बताता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे। अच्छा, तो बोलते हैं देखो मैंने क्या बोला, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा है भैया देखो, हमने पढ़ा है अभी तक कि देखो भैया देखो, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगी तो आप उसमें इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई कर देना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने बोला एक काम करो, मैंने बोला एक काम करो, आपने पूछा क्या, सुनो, मैंने बोला कि बिजनेस में प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकती है, तो बोलते हैं बिजनेस में या तो कुछ हमारा इंटरनल इशू हो सकता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, है ना, या इसे ही मैं बोलता हूँ ऑपरेशनल इशू, इंटरनल या ऑपरेशनल इशू होता है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, हमारे कंपनी के अंदर की प्रॉब्लम है, तो ये इंडिविजुअल कंपनी की, हमारे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है, ये जो इंटरनल इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए, इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडों को यहां पे अप्लाई करना, ये जेपी बात है। और वैसे ही बोलते हैं यहां पे प्लीज ध्यान देंगे कि एक्सटर्नल इशू, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सटर्नल इशू हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी इसे बोलते हैं, या एनवायरमेंटल इशू भी बोलते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इशूज है ना, इन इशूज में, इन प्रॉब्लम में आप मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी अप्लाई करना, बस हो गया, इतना ही पॉइंट है। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस के प्रॉब्लम में इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला बिजनेस के प्रॉब्लम दो प्रकार के होते हैं, अगर हमारा इंटरनल इशू है तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करो, अगर हमारा एक्सटर्नल इशू है तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करो, हो गया, इतना ही पॉइंट है। इधर समझ में आ गया, चिल्टू बातें के बताओ जल्दी से, हाँ आ जाओ इधर, बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स शुड बी अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स शुड बी अप्लाइड टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। खत्म हो गया, क्या बात है सर, हो गया, इतना ही तो है इसमें है? अब थोड़ा सा डिटेल में हल्का हल्का जाएंगे, ठीक है, जितनी जरूरत उतना जाएंगे। तो बोलते हैं आप देखो, जो हमारा इंटरनल इशू होता है ना, ऑपरेशनल इशू होता है ना, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले साल में कितना प्रोडक्शन करूँ, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करूँ, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल प्रॉब्लम है ना, तो ये मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है कि मैं मेरे हिसाब से प्रोडक्शन कर सकता हूँ, करेक्ट। तो जो इंटरनल इश्यूज होते हैं ना बेटा आपके, जो आपके बिजनेस के इंटरनल इश्यूज होते हैं, ये जनरली आपके मैनेजमेंट के, आपके मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, दीज आर विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। लेकिन आप देखो, आप सोच के देखो जल्दी से कि अगर, सुनो ना प्लीज, अगर जो है बेटा हमारे कंट्री का नेशनल इनकम बहुत कम हो गया, लोगों को जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हमारे कंट्री में, तो लोग ज्यादा इनकम नहीं कमा पाएंगे, अगर लोग ज्यादा इनकम नहीं कमा पाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर वो चीजें खरीदेंगे ही नहीं ज्यादा, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। अब ये है एक्सटर्नल इशू, एनवायरमेंटल इशू, अब ये क्या मेरे हाथ में है, क्या क्या मैं, है ना, क्या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के नेशनल इनकम को बदल सकता है, क्या सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कंट्री के नेशनल इनकम को बदल दे, बताइए जल्दी से, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो बोलते हैं जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं ना, ये दीज आर बियॉन्ड, क्या बोलेंगे, दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में एक्सटर्नल इश्यूज नहीं होते, ये समझ मारी बात क्या करो। चलो वापस आएंगे इधर जल्दी से, प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, आ जाओ, सो आइए आइए जल्दी आइए, चलो 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 चलो, ठीक है सर, डन। तो बोलते हैं अब जैसे अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बदल दिया,
अगर समझ लो मेरे प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर उन लोगों की इनकम चेंज हो गई, तो अगर मेरा प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह हैं अगर उनकी प्राइसेस चेंज हो गई, तो हैं लोगों को पहले मेरा प्रोडक्ट पसंद था पर अब उनका टेस्ट, लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस बदल रहा है, तो ये सारी चेंजेस होने के वजह से मेरे प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे मार्केट में जब ये सारे चेंजेस होते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, इको चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, कि जब ये सारी चीजों के चेंजेस, इन सारी चीजों में चेंजेस आएंगे तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कैसे चेंज होगा, समझा? तो मैंने क्या बोला, ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है। इस इंटरनल प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी अप्लाई करो, जो है डिमांड एनालिसिस। ऐसा नेक्स्ट बोलते हैं, हम ये जानना चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी। सर आपको अभी से क्यों जानना है फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी? बेटा मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए ये जानने के लिए, है ना, मुझे कितना प्रोडक्शन करना है ये जानने के लिए कुछ अनुमान तो होना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर तो होना चाहिए। मैंने बोला कि मैं कल जाके एमवी फूड्स में एमवी ओला लॉन्च कर दूंगा, है, और मैंने 5 लाख बॉटल बना दी, और पता चला कि मेरी बॉटल्स जो है एमवी ओला की बॉटल्स सिर्फ 1 लाख बॉटल ही बिकी है। तो भैया पहले ही एनालिसिस करके करना चाहिए था ना प्रोडक्शन, अब तो फालतू में तुम्हारा ज्यादा का प्रोडक्शन हो गया। ये समझ लो बात क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो, बताइए क्या बात सुन मारी, बोलो बोलो बेटा जल्दी से। ठीक है सर, तो क्या बोल रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड क्या है, हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड क्या है, राइट राइट। इसलिए क्या बताइए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर की डिमांड क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंडा लगा दो डिमांड फोरकास्टिंग वाला। तो डिमांड फोरकास्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे अगेन इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इसके बारे में, अगेन आप इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है हम अभी क्या बता रहे हैं आपको? मैंने आपको बोला कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कि इंटरनल इशू में माइक्रो इकोनॉमिक्स लगाओ और एक्सटर्नल इशू में मैक्रो लगाओ। अब वो आपको इंटरनल इश्यूज का एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या क्या इंटरनल इशू हो सकते हैं एंड उसमें कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी लगानी चाहिए। समझा ये पॉइंट चल रहा है? बोलते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे मेरे कंपनी में जो मैं आउटपुट बनाना चाहता हूं, मेरे आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशनशिप है। समझो कि मुझे अगर शर्ट बनाना है तो एक शर्ट बनाने के लिए मुझे लगभग कितने मीटर का कपड़ा लगेगा, तो मेरे इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मुझे कितना कितना आउटपुट बनाना चाहिए, व्हाट शुड बी दी ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट, कैसे मैं मेरे खर्चे को कम से कम कर सकता हूं। तो बोले ये सब जानना है क्या? ओके, ये तुम्हारी प्रॉब्लम बिजनेस में, ओके तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन थ्योरी को अप्लाई करो। हम इसके बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में, हमारे इस फाउंडेशन के सिलेबस में। समझ मारी बातें क्या बोल रहा हूं, समझ मारी बातें क्या बोल रहा हूं? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। मैं ये जानना चाहता हूं कि कम से कम खर्चे में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, मैं लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स चुनना चाहता हूं। तो ठीक है, ये आपको जानना है क्या? ओके, तुम प्रोडक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है। कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसके बारे में, समझा? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने मेरे आउटपुट को, जो नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा हूं, अगर उसको मैंने चेंज किया, अगर मैंने टाइम पीरियड को चेंज किया, मैंने मेरे फैक्ट्री के साइज को चेंज किया, तो इसका मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे प्रॉब्लम है, ओके, इसके लिए कॉस्ट एनालिसिस वाला आप थ्योरी पढ़िए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। समझ में आ रही बात है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 2 में। तो प्रोडक्शन थ्योरी आएंगी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 1 में, एंड कॉस्ट एनालिसिस आएगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 2 में।
ये समझ में आ रहा है? आगे फिर बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटा इन्वेंट्री मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अगर हम रख देंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं, बहुत कम इन्वेंट्री, बहुत कम स्टॉक हम क्या बताइए रखेंगे हमारे क्या फैक्ट्रीज वगैरह में तो वो भी सही बात नहीं है ना। अगर हमने बहुत ज्यादा कम स्टॉक मेंटेन किया तो कस्टमर आएगा आपका प्रोडक्ट खरीदने और आप बोलेंगे अरे भैया वो माल तो खत्म हो गया अब कहाँ से दूँ आपको। ये सबसे बुरी बात होती है, सोच के देखो ना, कस्टमर खरीदना चाहता है प्रोडक्ट, तुमको पैसा देना चाहता है पर तुम्हारे पास प्रोडक्ट देने को ही नहीं है, बताओ कितनी बुरी बात है, है? आते आते लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो, है कि नहीं? तो आपको ऑप्टिमम साइज ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना चाहिए। तो बोलते इसके लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की इन्वेंट्री मैनेजमेंट थियरी पढ़ो, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप सीए इंटर एंड सीए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे हम इन्वेंट्री को मैनेज वगैरह कर सकते हैं, पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह में भी दिया हुआ है। चलो आगे फिर है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। बेटा देखो इसमें ना इस पे कोई एमसीक्यू आता नहीं वैसे, बस क्विकली इस चीज को बस देख लो, ठीक है? इसमें बस आपको ये आ सकता है कि डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, ऐसे एक एक लाइन का एमसीक्यू आता है। ऐसा एमसीक्यू आएगा कि डैश परटेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, तो क्या बोलोगे? डिमांड एनालिसिस, है ना? बोलते हैं कि आगे भी लिखा रहेगा स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो क्या बोलेंगे? डिमांड एनालिसिस। डैश इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेस, डिमांड फोरकास्टिंग। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बोलते हैं डैश एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो क्या बोलोगे? प्रोडक्शन थियरी। समझा? ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, इस पे तो आने के बहुत कम चांसेस है। आगे बढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, हमारे मार्केट में किस प्रकार का कॉम्पिटिशन है, है? जैसे हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में, बोलते चार प्रकार के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड क्या बताइए? ओलिगोपोली। तो ये हर अलग अलग टाइप के मार्केट में अलग अलग टाइप का कंपटीशन होता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। तो कंपटीशन का नेचर कैसा है हमारे मार्केट में? एंड देखो मोनोपोली वाले में सिंगल सेलर है तो ये अपने मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकता है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल सेलर अपने मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। So, इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में आएगा। मैं कैसे प्राइसेस को सेट करूं मेरे प्रोडक्ट का, क्या प्राइस पे मुझे मेरे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, है ना? इसके लिए प्राइस थ्योरी के बारे में पढ़िए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आ रहा है? ऐसा बस आपको पॉइंट बताया, टेंशन मत लो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ जल्दी से, जय अग्रवाल बोल सर गेव दिस जून वाली एग्जाम एंड वो बुई इतनी मस्त गई कॉज ऑफ एमवी सर, है ना? स्टडी गाइस सर एकदम इजी बना देंगे, थैंक यू यार जय, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन, कैसे हम हमारे रिसोर्सेस को सही तरीके से एलोकेट करेंगे, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ही हम, है ना? ये एमसीक्यू आता है, देखो आ जाओ एमसीक्यू बता रहा हूँ, देखो क्या एमसीक्यू आता है, चलो बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू, आपको एमसीक्यू बता, ये देखो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब बस इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखना रह गया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा लिखना चाहिए था उन्होंने, पर आंसर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, है ना? हम कौन से थ्योरी में एलोकेशन रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चेक करो, आ जाओ चेक करो जल्दी से यहाँ पे, ये देखो मैंने आपको बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, इट डील्स विद हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस, मैंने बोला था ना इस पे एमसीक्यू आता है, बस यही वाला एमसीक्यू था जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा ही एमसीक्यू आता है, समझा? ये स्टडी मटेरियल में भी आया है, मॉक टेस्ट पेपर में भी आया हुआ एमसीक्यू। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर आप अभी रिविजन क्यों करा रहे हो? बेटा क्योंकि मैंने अनअकैडमी प्लस पे चैप्टर पढ़ा दिया है, है ना? तो जो लोग ने पढ़ लिया है वो वहाँ पे रिविजन देख रहे हैं, है ना? और जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी ये देख सकता है, उनको भी ये चीज समझ में आ रही होंगी ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा डिटेल वे में ही रिवीजन करा पा रहा हूँ ताकि अच्छे से रिवीजन सबका हो जाए। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
रिसोर्स एलोकेशन की बातें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी से आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बोलते हैं कि हम कहाँ कहाँ से पैसा लेके आए हमारे बिजनेस में और इन पैसों को अब मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है. तो इसके बारे में भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ सकते हैं. देन प्रॉफिट एनालिसिस, कि प्रॉफिट्स जो है क्या ये सर्टन होते हैं, क्या जरूरी है कि अगर मैंने बिजनेस चालू किया और पहले साल में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हर साल 5 लाख का प्रॉफिट होते ही जाएगा, ऐसा जरूरी है? नहीं, प्रॉफिट्स तो बहुत अनसर्टन होते हैं, प्रॉफिट्स तो बहुत अनसर्टन होते हैं. तो हम प्रॉफिट्स को जल्दी से बताएंगे. हाँ, तो हम बेटा प्रॉफिट्स को कैसे कैसे हम प्रॉफिट्स को मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे प्रॉफिट्स को ग्रो करके रख सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं प्रॉफिट्स को, है फ्यूचर के प्रॉफिट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. बोलते हैं इसके लिए आप इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट एनालिसिस की थ्योरी पढ़ो, ये भी थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में आपको पढ़ाएंगे. एंड बोलते हैं हर बिजनेस में ना, हर बिजनेस बिजनेस को करने का कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है. जरूरी नहीं है कि बिजनेस चालू किया तो वो लंबे समय तक चलेगा ही चलेगा. बहुत बार बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो क्या बताइए, 1 साल में ही बंद हो जाए, 6 महीने में बंद हो जाए, या कुछ बिजनेसेस 25-30 साल तक भी बंद नहीं होते हैं. तो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस, है ना. एक ऐसा सर्वे आया था बेटा कि इंडिया में 90% ऑफ द स्टार्टअप्स, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल इन फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ देयर ऑपरेशंस. समझा, इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं अपने पहले 5 सालों के अंदर ही. सोचो इतनी खतरनाक बात है. तो जरूरी नहीं कि हर एक बिजनेस आपका वर्क करेगा ही करेगा, है ना. चलिए तो देखेंगे आप, है ना. तो आप देखते रहे सर, स्टार्टअप का तो अभी दौर चल रहा है, सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, है ना. पर बेटा उसके लिए देखो, हर चीज के लिए मेहनत तो लगेगी. कुछ भी आसान नहीं है जीवन में, है ना, कुछ भी आसान नहीं है जीवन में, राइट. चलिए सो ध्यान देंगे. तो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो हर बिजनेस को करने का कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है. तो बोले पहले से ही आप ऐसी प्लानिंग करके रख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई रिस्क या अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन आती भी है तो हम कैसे उससे फाइट कर सकते हैं, कैसे उससे हम क्या बताइए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है. चलो तो क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस वाली थियोरी आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. बस तो अभी आपको ज्यादा इसको लर्न करने के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ इसको एक बार रीड करना है बस, ये वाले पार्ट को, ठीक है. ज्यादा टेंशन नहीं लेना इस पार्ट के लिए. फिर आता है जो हमारे एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं ना, उसमें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना चाहिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हमें अप्लाई करना चाहिए किसमें, एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज में, राइट. हाँ शुभम बोरे सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके कारण मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे 90+ आएंगे पेपर 4 में. क्या बात है शुभम, जिन जिन बच्चों के 90+ आएंगे ना बेटा, उन सबका मैं इंटरव्यू लूंगा, ठीक है, उन सब का मैं इंटरव्यू जरूर लूंगा हमारे इस YouTube चैनल पे, ठीक है, डन. क्या, चलो ओके सर आ जाओ, ठीक है. तो ये हर बार हर अटेम्प्ट में करता ही, इस बार भी करूंगा, ठीक है. चलिए डन 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 आ जाओ. सो देखेंगे तो बोलते हैं कि ऐसे कौन से मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को. तो बोलते हैं द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अभी मैं जस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ कि 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है. एक होती है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं, किसको फ्रीडम देते हैं बताओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो बिजनेस करना है करो, जो रिसोर्सेस खरीदना है खरीदो. लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं होता, ज्यादातर गवर्नमेंट ही मेजर रिसोर्सेस को कंट्रोल करती है. देन मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट दोनों के पास क्या है बताइए, दोनों बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में आप बिजनेस कर रहे हैं, ये अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को, है ना. अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर ही नहीं सकता. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है तो फिर आपका बिजनेस काफी ग्रो हो सकता है. देन स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये आप पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 में. इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बोलते हैं हमारे इकोनॉमी में जो जीडीपी की वैल्यू है ना, वो कैसे बढ़ते जाएंगी, क्या नहीं, उसमें ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं.
तो जब हमारे इकोनॉमी में जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी तब सबका सेल बढ़ेगा, सबका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन जब जीडीपी की वैल्यू गिरेगी तो सबका सेल गिरेगा, सबका प्रॉफिट भी गिरेगा। सो कौन सा स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल अभी चल रहा है आपके कंट्री में, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। देन आपकी कंट्री में नेशनल इनकम है की वैल्यू क्या है, ज्यादा होंगी तो लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह होंगे तो अगेन जॉब है तो इनकम होगी उनके पास, तो चीजें खरीद पाएंगे। यस सुनो बताइए आगे है ना, चलो आगे देखेंगे। यस आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट बात क्या है, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट भी बहुत सारी क्या बताए पॉलिसीज वगैरह बनाता है, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगा वो तो तुमको फॉलो करनी पड़ेगी ना कंपनी को, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होंगी तो आपको भी आपका कंपनी में काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। पहले जैसे पुराने टैक्सेस वगैरह थे, अब जीएसटी आ गया, जीएसटी आने से थोड़ा सा वर्किंग हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, बिलिंग सिस्टम वगैरह चेंज करना पड़ेगा। आपके इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, उसका सिस्टम क्या एकदम स्ट्रांग है, रोबस्ट है। अगर ऐसा है तो आप भी फिर स्टॉक मार्केट में अपने कंपनी के शेयर्स आसानी से लिस्ट कर पाओगे, लोगों से पैसा उठा पाओगे स्टॉक मार्केट में, है ना। आगे सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, बहुत बार क्या होता है इसमें लेबर यूनियंस क्या करते हैं कि अगर तुमने लेबरर्स की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, जैसे बहुत बार लेबरर्स सब मिलकर डिमांड करते हैं कि हमारे अब वेजेस बढ़ाइए, लेकिन अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक्स पे बैठ जाएंगे, हैं बोलेंगे अब हमको काम नहीं करना, हाँ हमारी मांगे पूरी करो, हाँ हड़ताल चालू कर देंगे, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। बाकी आपका सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या, जो पार्टी रूलिंग में होती है आपके कंट्री में तो हर एक पार्टी का आइडियोलॉजी अलग प्रकार का होता है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फिर से अफेक्ट कर सकता है, समझा। आगे तो बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना बेटा उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। बोलते हैं कि मैनेजमेंट का, हाँ बोलते हैं मैनेजमेंट का क्या बताइए, मैनेजमेंट का जो है बेटा, मैनेजमेंट का जो है बेटा इन फैक्टर्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हमें पहले से ही हमारी पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि अगर इन चीजों में चेंज आए भी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे उनका कम से कम असर पड़ना चाहिए, बस। सो यूनिट वन यहां पे समाप्त होता है, तो यूनिट वन हमारा दी एंड हो चुका है। यूनिट टू का नाम क्या है, यूनिट टू का नाम है बेटा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म। चलो आ जाओ जल्दी से। यस चलिए, सो बोलते हैं यार कि हमने आपको क्या बोला कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी है ना, प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी क्या होता है कि हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हमें लगेंगे वो रिलेटिवली स्केयर्स होते हैं, तो स्केयर्स रिसोर्सेस होते हैं। तो ये जो हमारे रिसोर्सेस स्केयर्स है हमारे वॉन्ट्स के कंपेरिजन में, इसे ही बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी। बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी है ये हर घर घर में, हर इंडिविजुअल को, हर कंट्री को क्या बताइए अप्लाई होता है ना, हर जगह पे प्रॉब्लम स्केर्सिटी होती है। बोलते हैं हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड साथ ही साथ क्या बताइए इनके अल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड इनके अल्टरनेटिव यूजेस है। यस और नो बोलो जल्दी से। हाँ सर, तो इससे सर क्या होगा, इससे ये होगा कि समझ लो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे कि कोयला है ना, कोयला, कोल, हम कोल को यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल गुड्स। तो बहुत बार ना पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कोयला यूज करते हैं एज अ फ्यूल, है ना, मशीनरीज वगैरह के अंदर। आपने देखा होगा बेटा पहले मूवी आई थी गदर, एक प्रेम कथा सनी देओल की, उसमें क्या होता है एक सीन है कि जिसमें सनी देओल जो है ना ऐसा कोयला उठाता है और वो ट्रेन के इंजन में डालता है, कोयला उठाता है डालता है, तो उससे आग जनरेट होती है, उससे क्या बताइए पावर जनरेट होता है जिसके वजह से ट्रेन चलती है। तो पहले के जमाने में ट्रेन वेन चलाने में भी, आजकल भी यूज होता होगा कोल। तो बोलते हम कोल को फैक्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं,
ट्रेन को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, हम कोयले को घर पे खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कोयले के चूल्हे वो आते हैं है ना, वो मतलब जिसपे खाना बनता है ना, चूल्हा चूल्हा जो बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या बताइए जल्दी से, हाँ तो क्या बताइए, तो हम डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात क्या है, हम तो हर एक जगह इसे यूज कर डालेंगे, बट ये लिमिटेड है ना, और इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो पहले इसको मैं कहाँ यूज करूं, कहाँ पे कितना यूज करूं, यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। बोलते हैं जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स, जैसे कि मनी, पैसा, क्या मैं पैसे को यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकता हूं? हाँ, तो हमारे वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, तो सारे वॉन्ट्स को पूरा कर दो, हो सकता है ऐसा? नहीं, हमारे पास पैसा लिमिटेड है वॉन्ट्स के कंपैरिजन में। तो अब हम हमारे पैसों से मल्टीपल वॉन्ट्स पूरे कर सकते हैं, पैसों का ऑल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, तो इसके वजह से ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, मुझे चुनना पड़ेगा कि पहले कौन से वॉन्ट को पूरा करूं, हमारा पैसा पहले कहाँ पे यूज करूं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, और इसे ही बोलते हैं द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बेटा इसको बोलते हैं, चार प्रकार के होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्लीज ध्यान देंगे जल्दी से, हाँ ध्यान देंगे। चलो सबसे पहला देखेंगे बेटा, इसमें पहला जो प्रॉब्लम है इसमें इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में होता है, हर कंट्री में होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। बोलते हैं हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, तो हम हमारे रिसोर्सेस को पहले कहाँ यूज करें, कौन से गुड्स सर्विसेज बनाने में हम इन रिसोर्सेस को यूज करें, एंड कितने कितने यूनिट्स बनाए हर चीज के। बोलते हैं क्या हमारे इकोनॉमी में गन ज्यादा बननी चाहिए कि बटर ज्यादा बनना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल के तौर में आपको दिया है, जैसे गन कहाँ यूज होता है, जनरली डिफेंस में, मिलिट्री में, और बटर कहाँ यूज होता है, ये जनरली नॉर्मल लोग है ना, मैंगो पीपल, आम आदमी है ना, नॉर्मल बटर यूज करता है। तो क्या हम नॉर्मल लोगों के लिए ये बटर ज्यादा बनाए कि हम हमारा पैसा गन्स बनाने में ज्यादा यूज करें, और दोनों में यूज करना है तो किस में कितना करें, कितना क्वांटिटी बनाए, ये समझ में आ रहा है? क्या हमें हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाने चाहिए? कैपिटल गुड्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जिनको यूज करके मैं दूसरे गुड्स बना सकता हूं, जैसे कि मशीनरीज, जैसे कि इक्विपमेंट्स। तो क्या कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाऊं कंट्री में, या मैं कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाऊं? कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, जैसे कि मैंने ये शर्ट खरीदा और ये शर्ट लेके मैंने यूज कर लिया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, इसमें चेंज करके इसको बेचा नहीं, ये मैंने मेरे यूज के लिए खरीदा है। जैसे कि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन मैंने खरीदा मेरे यूज के लिए, वो मेरा हो जाएगा कंज्यूमर गुड। तो क्या मैं कैपिटल गुड ज्यादा बनाऊं कि कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाऊं, और अगर मैंने डिसाइड किया तो कितना क्वांटिटी बनाऊं, ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। समझा बात, कौन से चीजें बनानी चाहिए कंट्री में और कितनी बनानी चाहिए, ये प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस वाला। ये हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं। नेक्स्ट फिर बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हमने ये तो सोच लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, अब हमें सोचना है कि कैसे प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। बोलते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। बोलते हैं या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कीजिए। वैसे तो बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब क्या, जहां पे हमें लेबरर्स, जहां पे हमें वर्कर्स ज्यादा लगे प्रोडक्शन करने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या, ऐसा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जहां पे हमें कैपिटल गुड्स ज्यादा लगते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, मशीनरी। बेटा वैसे तो मशीनरी हर एक केस में लगती है, पर लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, लेबर इंटेंसिव में हमें लेबरर ज्यादा लगेंगे, मशीनरी कम लगेगी, और कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरीज ज्यादा लगेगी, लेबरर्स कम लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो बोलता है ये डिपेंड करेगा, अगर आपके इकोनॉमी में लेबरर्स आसानी से अवेलेबल है, अगर आपके इकोनॉमी में जो लेबरर्स हैं वो कम रेट में काम करने को तैयार है, तो लेबर इंटेंसिव चुनो। अगर आपके इकोनॉमी में
मशीनरीज वगैरह आसानी से अवेलेबल है, अगर मशीनरीज को यूज करके प्रोडक्शन का खर्चा कम पड़ रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करो, तो डिपेंड करेगा वो, राइट। नेक्स्ट फिर बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग प्रकार के, तो पहले हम सबका तो वांट एक साथ पूरा नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम किसका वांट पूरा करें, पहले हम किसका वांट पूरा करें, ये क्या होता है बताइए। हाँ, ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज टोटलिटी में बनाए इकोनॉमी में, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं लोगों के बीच में, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये एमसीक्यू में आता है, आपको पूछेगा हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो लाइन है ये कौन से प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये लाइन कौन से प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूं, है ना। चलिए ध्यान देंगे, राइट। आगे देखेंगे व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे बताइए बेटा, आपके इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, अगर आप सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर दोगे तो आपके बेटे बेटी जो आने वाले हैं फ्यूचर में, हाँ, आपके पोते पोती जो आने वाले हैं फ्यूचर में, देन आपके पर पोते पर पोती जो आने वाले हैं फ्यूचर में, आपके पर पोते पर पोतियां, समझ में आ रही बात है, उन सब का क्या होगा अगर आप सारे रिसोर्सेज अभी खत्म कर दोगे, अगर आप आपके सारे रिसोर्सेज अभी खत्म कर दोगे तो उन सब का क्या होगा जो आने वाले अभी, समझ में आ रहा है। सो अगर हम सारे रिसोर्सेज करंट कंजम्पशन में ही यूज कर लेंगे तो फ्यूचर में फिर प्रोडक्शन करने के लिए बचेंगे ही नहीं ना कुछ, तो फ्यूचर के भी प्रोडक्शन करने के लिए, फ्यूचर के भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आज हमें रिसोर्सेज में क्या सेविंग करनी पड़ेगी। यस नो बताइए, यस, हाँ बोल सकते राधे राधे, ठीक है चलो आगे बढ़े, डन होगी बात। तो हमें कितना रिसोर्सेज सेव करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए अभी, ये बता रहा है पॉइंट नंबर 4, है ना। तो ये जो चारों प्रॉब्लम है ये चारों टाइप के, हर टाइप के इकोनॉमी में होती है। अब बोलते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 टाइप के इकोनॉमीज है, है ना। बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। क्या बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सब लोग मिलके कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक अमंगस्ट ईच अदर, ये क्या होता है, इसे ही पूरा एक साथ, इस पूरे सिस्टम को एक साथ हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। बस इस पे एमसीक्यू आया नहीं है, एक छोटा सा ऐसा फिलिंग द ब्लैंक वाला एमसीक्यू आ सकता है, चिल्टू सा। आगे बोलते हैं हमारे दुनिया में 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले है ना, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, घरगुती एग्जांपल, है ना, क्या घरगुती एग्जांपल एक है मेरा, इसमें आ जाइए वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ मैं घरगुती एग्जांपल हमारा, चलिए मजा आएगा आपको बहुत, यस चलो देखेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ सुनिए बात ध्यान से, है ना, जब आपके घर में, है ना, जब आपके घर में बेटा क्या बताइए, जब आपके घर में, सुनो ना बात ध्यान से, समझो आप, है ना, आपके घर में बेटा, आपके घर में आप और दादाजी, बस आप और दादाजी है, बाकी जो मम्मी पापा है बेटा वो बाहर गए हैं, है ना, मम्मी पापा दादी सब बाहर गए, आप और दादाजी ही घर पे हैं। तो बेटा जनरली दादाजी जब घर पे रहते हैं ना तो हमको पूरी फ्रीडम देते हैं, बेटा तेरे को जो करना है कर, जो मस्ती करना है करो, दादाजी कभी डांटते नहीं, है ना, वो किसी भी चीज़ में, बल्कि वो भी हमारे साथ बहुत बार, है ना, वो भी हमारे साथ बहुत बार बताइए मस्ती में हेल्प करते हैं ना, लेकिन वो हमें कभी डांटते नहीं, है ना, मतलब फुल फ्रीडम, हमको क्या फुल फ्रीडम मिलती है यहाँ पे, जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलते हैं इसी प्रकार की होती है, क्या बताइए, हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इसी प्रकार की होती है हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहाँ पे क्या फुल फ्रीडम होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पूरा फ्रीडम है, तुमको जो भी टाइप का बिजनेस करना है करो, जो भी रिसोर्सेज खरीदना है खरीदो, हम कोई गवर्नमेंट बोलता हम कोई टांग अड़ाएंगे नहीं आपके बीच में, आपको जो बिजनेस करना है करो, समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट, फिर अगली बात देखेंगे,
फिर समझ लो अगर ऐसा हो तो बहुत बार कि दादाजी दादी और मम्मी ये बाहर गए हैं, घर पे सिर्फ आप और आपके पापा जी है ना, आप और आपके पापा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर तो भैया क्या बताइए फिर क्या होता है? फिर तो पापा जो बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा, है ना, हम उनको मना नहीं कर सकते। तो अगर अगर आपके घर में सिर्फ अभी आप और पापा है, मम्मी मम्मी दादाजी दादी सब बाहर गए, तो अब क्या होता है, जनरली पापा ना हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बोलते देखो यार टीवी जो है पूरे दिन टीवी नहीं देखना, पढ़ाई करने बैठो, है बराबर से खाना खाओ, जो घर पे खाना बनाए वही खाना है, पूरा खाना है ना, मस्ती नहीं करना है। तो ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बहुत सारे, पर क्यों लगाते हैं बताइए? ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं पापा? पापा ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं जैसा करो वैसा करो, हमारे अच्छाई के लिए, है ना। तो वैसे ही हमारी क्या होती है बताइए? वैसे ही बेटा हमारी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्या होती है वैसे? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पे क्या होता है बेटा, जहां पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बोलते कि देखो सारे रिसोर्सेस मेरे कंट्रोल में ही रहेंगे, मैं ही सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊंगा, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना है ना, मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बना के दूंगा वही तुमको कंज्यूम करने हैं, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों करेंगी गवर्नमेंट? लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। और वैसे ही बेटा क्या होता है, आ जाओ जल्दी से, अगर घर पे बेटा मम्मी रहे, अगर घर पे मम्मी रहे तो इनका थोड़ा मिक्स्ड वाला रहता है। मिक्स्ड मतलब क्या? बोलते देखो है ना, मस्ती कर रहे हैं ना, करो मस्ती करना है करो, लेकिन हाँ अगर बहुत ज्यादा मस्ती की तो फिर फटके भी पड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो मम्मी का कैसा रहता है कि समझो आपके घर में आप और मम्मी है, अभी दादाजी पापा और दादी बाहर गए, अब आप और मम्मी है अभी घर पे, ठीक है। तो मम्मी का कैसा रहता है कि देखो भैया जो मस्ती करना है करो, लेकिन हाँ मैं निगरानी रखूंगी तुम पे, ज्यादा मस्ती किया तो फटके भी पड़ सकते हैं। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह है। यहाँ पे क्या बताइए जल्दी से, यहाँ पे जो है ना, बोलो बोलो, यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे क्या होता है बोलो जल्दी से कि सर देखो, हाँ देखो प्राइवेट सेक्टर तुमको जो करना है करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन तुमने अगर कुछ गलत काम किया तो गवर्नमेंट तुम पे निगरानी रखने को है, गवर्नमेंट है ना, और गवर्नमेंट खुद भी अपने मर्जी से उनको जो काम करना है वो कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों साथ में मिलजुल के करते हैं, राइट। तो ये कहाँ होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। कहाँ होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। बस ऐसा याद रखना है इसको। तो चलो जल्दी से आ जाओ, अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बताइए? हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है बेटा जहां पे सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या मींस, मतलब क्या बेटा, रिसोर्सेस की प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेस लगते होंगे ना, सारे के सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपने पास, प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो खुद खरीद सकता है अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। पहला एमसीक्यू यही आता है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेज या ऑल मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। क्या बोलोगे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बोलते हैं यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे, मतलब क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कैपिटलिज्म की क्या होती है? यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या? मतलब कि हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अपने मर्जी से जो चीज खरीदना चाहे, जो रिसोर्सेस खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, करेक्ट। एंड यहां पे बोलते हैं कि प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स, है ना। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या? मोटिवेशन इनका है। यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो रिसोर्सेस खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना के करेंगे क्या, इसको बेचेंगे मार्केट में और प्रॉफिट कमाएंगे। तो हर एक यहाँ पे व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करता है। प्रॉफिट, वो जितना काम करेगा उतना प्रॉफिट कमा पाएगा। तो प्रॉफिट कमाना ही इनका क्या बताएं, मेन मोटिवेशन होता है, द ड्राइविंग फोर्स होता है इकोनॉमी का। सो ये भी एमसीक्यू में आता है कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलोगे? फास्ट क्या बोलोगे जल्दी से? कैपिटलिज्म। नेक्स्ट बोलते हैं कि आइडियली द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एमसीक्यू आ सकता है, कौन से टाइप के इकोनॉमी में गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा टांग नहीं अड़ाता, जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
झेपा बातें आगे। इसमें बेटा अब आपको समझना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ेंगे कि हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजर्स फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। अच्छा तो एक बार जल्दी से इसको लिखेंगे एक बार क्विकली, हम क्या बोल रहे हैं प्लीज सुनो जल्दी से, हाँ क्या बोल रहे हैं हम कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोला मैंने बताइए, हम इसको मार्केट इकोनॉमी या इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी या इसे लेजेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, है ना। तो याद रखेंगे ये भी एमसीक्यू में आता है कि कौन से इकोनॉमी को हम लेजेस फेयर इकोनॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, कैपिटलिज्म को। अब सुनिए बात ध्यान से, सुनिए ना प्लीज, सुनो जल्दी सुनेंगे प्लीज, चलिए यस प्लीज ध्यान देंगे, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि देखो इसे मार्केट या फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं सर, अब ये सवाल उठता है, चलिए देखेंगे। इसको मार्केट या फ्री मार्केट इकोनॉमी बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी हमको रिसोर्सेज यूज करेंगे, है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी रिसोर्सेज यूज करेंगे वो मार्केट के हिसाब से करते हैं, किसके हिसाब से करते हैं बोलो, वो मार्केट के हिसाब से करते हैं। चलो ध्यान दीजिए प्लीज ध्यान दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं ना, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं उसके हिसाब से क्या डिसाइड होता है, हाँ, कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे कितना बनाएंगे, है सर मतलब, हाँ देखो ये है बेटा डिमांड कर्व, ये है बेटा सप्लाई कर्व। बोलते हैं डिमांड कर्व ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे हमारे मार्केट में जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे कार बनानी है, कार हमने बोला कार कितनी बनाए, कार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कार कितनी बनाए, तो हम बोलेंगे कार का डिमांड कर्व देखो, उसका सप्लाई कर्व देखो। जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, बस वहां से आपको पता चलेगा कि इस कार कितनी क्वांटिटी बनानी है कार की एंड कितने प्राइस पे हम कार को बेचेंगे, समझ में आ रहा है। इसी चीज को हम और एक नाम दे सकते हैं प्राइस मैकेनिज्म, इसी चीज को और एक नाम हम दे सकते हैं प्राइस मैकेनिज्म। मतलब कि हम मार्केट फोर्सेस है ना, मार्केट फोर्सेस मतलब क्या डिमांड एंड सप्लाई, हम मार्केट फोर्सेस मतलब क्या, हम मार्केट में हर एक प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को देखते हैं, उसके हिसाब से जो प्राइस डिसाइड होती है उस प्राइस पे एंड उतनी क्वांटिटी बनाते हैं, समझ में आ रहा है, कहां होता है बोलो जल्दी से, ये होता है कैपिटलिज्म में। तो एमसीक्यू आ सकता है कौन से टाइप के इकोनॉमी में हम मार्केट से डिटरमिन करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन से टाइप के इकोनॉमी में हम प्राइस मैकेनिज्म यूज करते हैं रिसोर्स एलोकेशन के लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारी चीजें मार्केट के हाल पे छोड़ दी है, गवर्नमेंट यहाँ पे खुद प्लानिंग कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट यहाँ पे खुद नहीं बोल रहा कि हम रिसोर्सेज इसमें यूज करेंगे उसमें यूज करेंगे, है ये सब बातें नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलता, हमने सब मार्केट पे छोड़ दिया है मार्केट तुम देखते बैठो, जो डिमांड सप्लाई के फोर्सेस होंगे उसके हिसाब से जो बनाना है बनाओ, जो प्राइस रखने रखो। तो सारी चीजें मार्केट के ऊपर छोड़ दी गई है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। एंड यही रीजन है इसे लेजर्स फेयर इकोनॉमी बोलने का। लेजर्स फेयर इकोनॉमी का मतलब, लेजर्स फेयर का मतलब होता है चीजों को अपने हाल पे छोड़ देना। लेजर्स फेयर का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, लेजर्स फेयर का मतलब क्या होता है, चीजों को अपने हाल पे छोड़ देना, राइट, चीजों को अपने हाल पे छोड़ देना। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमी में जो रिसोर्स एलोकेशन है वो अपने हाल पे छोड़ दिया, भैया मार्केट में जैसा होगा देखते बैठेंगे, गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाता, इसलिए इसे लेजर्स फेयर इकोनॉमी बोलते हैं, एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलिए वापस आएंगे जल्दी से वापस आएंगे ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेटा वैसे एग्जाम्पल्स दिया जाता है, प्लीज सुनेंगे ध्यान से,
यहाँ पे एग्जाम्पल्स बेटा दिया जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस यूके जर्मनी जापान, लेकिन बोलते हैं बेटा अब सुनना बहुत जरूरी है, मैंने ये चीज आपको उस दिन भी बोली थी, एक्चुअल में बेटा जनरली हर टाइप की जो इकोनॉमी है ना वो मिक्स्ड ही होती है, जनरली हर टाइप की इकोनॉमी दुनिया में मिक्स्ड टाइप की होती है, लेकिन लेकिन कुछ होती है प्योरली मिक्स्ड, जो सही में मिक्स्ड है, जो सही में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे कि क्या, जैसे कि हमारा इंडिया, ये सही में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ होती है बेटा जो है तो मिक्स्ड, मतलब उसमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों के फीचर्स है उस इकोनॉमी में, लेकिन उस इकोनॉमी में मे बी अगर कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म के फीचर ज्यादातर देखने को मिलते हैं तो हम उसे कैपिटलिस्ट के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि मैंने बोला यूएस यूके जर्मनी एक्सेट्रा, वैसे तो ये जो है ये यूएस यूके ये प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है, ये वैसे मिक्स्ड ही है, लेकिन यहाँ पे कैपिटलिज्म के ज्यादातर फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको इसका एग्जाम्पल मानते हैं, समझ में आ रहा है। वैसे ही हम बोलते हैं कि वैसे तो मिक्स्ड है लेकिन सोशलिज्म, जिन कंट्रीज में सोशलिज्म के ज्यादातर फीचर देखने को मिलते हैं उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि हमने बोला चाइना, ये प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है पर इसमें ज्यादातर सोशलिज्म के फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम सोशलिज्म के अंदर एज एन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोलते हैं कि मेनी ऑफ देम आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म बट शो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताइए क्या आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर डन। चलो अब देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, मतलब क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है, मैं किसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कब बोलूंगा, जब उस इकोनॉमी में ये सारे फीचर्स देखने को मिले, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समझ में आ गया। चलिए देखेंगे सबसे पहला क्या है बताइए, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैंने जैसे कि आपको बोला कि यहां पे क्या है बताइए, यहां पे जो है, हाँ यस, नॉर्थ कोरिया बेटा कहां पे आता है, हाँ नॉर्थ कोरिया सोशलिज्म में आता है, ठीक है। चलिए पर ऐसा आपको एमसीक्यू नहीं आएगा कि नॉर्थ कोरिया किस में बताओ, ऐसा एमसीक्यू नहीं आता है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, चलो ध्यान दीजिए। तो बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो हमारे जल्दी बताइए प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपने हिसाब से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी रिसोर्सेस खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, वो जो भी रिसोर्सेस खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, तो यही होता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, समझा बात क्या बोल रहा हूं। हाँ बोलते हैं द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर इन विच दे लाइक एंड बिक्वीथ इट, मतलब क्या, लोगों जिन लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि लैंड फैक्ट्री मशीन माइंस है, जो भी अवेलेबल है उनको जिस प्रकार से यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं, बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, मतलब बस इस चीज के लिए यार देखो कुछ इलीगल काम मत करना, बस जो करना है करो, बस इलीगल नहीं होना चाहिए, बस उतने रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं। आगे फिर बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब क्या, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अपने मर्जी से जो भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी टाइप का बिजनेस करना चाहे कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, थोड़ा सा अलग है ये, बोलता है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स जो भी चीज खरीदना चाहे, जो भी चीज कंज्यूम करना चाहे, जो भी काम करना चाहे, है ना, जो भी काम करना चाहे उनको अलाउड है, कोई उसमें मनाही नहीं है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज क्या है, ये बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस क्या है, ये जनरल वे में बोल रहे हैं कि हम जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते, कोई मनाही नहीं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट मोटिव है ना, बोलते हैं यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करते हैं, है ना, जिन चीजों में ज्यादा प्रॉफिट होगा ना हम वो चीज ज्यादा बनाएंगे यहाँ पे, ऐसा है ना, तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए सब लोग काम करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़े नेक्स्ट, हाँ किसने बोला बेटा ऐसा,
कपिल जी सर, कैपिटलिस्ट सोशलिज्म रियलिटी में ज्यादा देखे नहीं जाते, कौन बोल रहा है आपको ऐसे सब हरकतें? मैंने आपको भी जो बताया ना वही लॉजिक है, ठीक है, जो मैंने अभी बोला ना बेटा उसी चीज को याद रखना है, ठीक है। चलो वापस है अभी इधर, जबरदस्ती अपना अलग से कुछ आप मत करिए, ठीक है, जहां पे जो हम बता रहे हैं ऐसे इसमें सोचना है। चलिए ध्यान दीजिए, अब है कंज्यूमर सॉवरिटी, ये एमसीक्यू आता है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कंज्यूमर सॉवरिटी होती है? कंज्यूमर सॉवरिटी का मतलब होता है बेटा कंज्यूमर इज द किंग। मतलब क्या? मतलब कि कंज्यूमर जो बोलेगा, कंज्यूमर जो चाहेगा कि यार मेरे को कार चाहिए, तो प्रोड्यूसर कार्स बनाना चालू कर देंगे। अगर ज्यादातर कंज्यूमर बोलेंगे कि मुझे घर चाहिए, तो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स घर बनाना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे बायर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, वो अल्टीमेटली डिटरमिन करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी में बनने चाहिए। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? हेलो जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे पूरा फ्रीडम है उनको कि जो भी टाइप का गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहे कंज्यूमर खरीद सकता है। एमसीक्यू आता है कौन से टाइप के इकोनॉमी में कंज्यूमर्स डिसाइड हाउ द इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। क्या बोलोंगे? कैपिटलिज्म। ये एमसीक्यू आएगा, ऐसा एमसीक्यू आता है कौन से टाइप के इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास सबसे ज्यादा फ्रीडम होता है। क्या बोलोंगे? कैपिटलिज्म। समझ में आ रहा? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन एमसीक्यू आता है, कौन से टाइप के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। क्या बोलोगे? कैपिटलिज्म। यहां पे हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है जो लोगों को चाहिए। तो हर एक सेलर चाहेगा ना कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने चाहिए। तो बहुत ही खतरनाक कॉम्पिटिशन सब सारे सेलर्स के बीच में यहाँ पे होता है, राइट। और कॉम्पिटिशन की वजह से होता क्या है, हर एक सेलर चाहता है कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सुधार सकते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो जल्दी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट, क्या आगे बढ़ सकते हैं? ओके सर, डन। तो कॉम्पिटिशन से क्या होगा, इट बोलते हैं इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग द बायर्स एंड सेलर्स एंड रिजल्ट्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बोलते हैं एफिशिएंट यूज मतलब क्या, कि कम से कम खर्चे में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, ये सोचेगा आप। और क्या बताइए, हमारा प्रोड्यूसर तो ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन करेंगे, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन करना चाहेगा हर एक सेलर। तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है इसकी वजह से। नेक्स्ट बोलते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एमसीक्यू आता है फिर से, कौन से टाइप के इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे कम होता है। कैपिटलिज्म में। समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं द प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड। यहां पे कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती। जो सेंट्रल प्लानिंग का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट बैठा हुआ है और वो डिसाइड कर रहा है कि कौन से रिसोर्सेस को कहां यूज करना है। तो यहां पे कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती, कहां पे? कैपिटलिज्म में, है ना। यहां पे सारे इकोनॉमिक डिसीजन एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, एमसीक्यू आता है। एंड प्राइस मैकेनिज्म, बोलते हैं कि यहां पे सारे के सारे डिसीजंस जो है सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से ही लिए जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या, हर एक सेलर सोचेगा, हर एक प्रोड्यूसर सोचेगा, भैया मैं वही प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसमें मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। तो मेरा इंटरेस्ट कौन से प्रोडक्ट को बनाने में मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, उसको ज्यादा बनाऊं। तो सेल्फ इंटरेस्ट वाला काम ज्यादा करेंगे। एंड कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा नहीं बनाए, ये प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से हम डिसाइड करेंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से रिसोर्सेस कहां एलोकेट होंगे, कैपिटलिज्म में, है ना। सो दिस इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ये भी एमसीक्यू आता है, कौन सी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली वर्क करती है विदाउट एनी कंट्रोल एंड डायरेक्शन बाय गवर्नमेंट। क्या बोलोगे जल्दी से? कैपिटलिज्म, राइट। चलो जल्दी से देखेंगे, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। चलो बढ़िया, आगे अब बात आती है। मैंने आपको बोला ना, हम क्या करेंगे, हम हर एक इकोनॉमी का, हम बेटा हर एक इकोनॉमी का जल्दी से हर एक इकोनॉमी का जो है हम क्या देखने वाले हैं, हम चार चीज देखेंगे। हम हर एक इकोनॉमी का देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो इकोनॉमी कैसी होती है। फिर हम देखेंगे उसके मेरिट्स, कि उस इकोनॉमी की अच्छी अच्छी बातें क्या है।
फिर हम देखेंगे उसके डीमेरिट्स, उस इकोनॉमी की बुरी बुरी बातें क्या है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे, क्या बताइए, हम लास्ट में देखेंगे कि वो जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार से, वो इकोनॉमी किस प्रकार से अपने बेसिक या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये चार चीज हमें देखनी है तीनों टाइप के इकोनॉमी की। तो अभी मैंने कैपिटलिज्म का आपको ये पार्ट बताया है, अभी ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर आएंगे सोशलिज्म में, उसमें ये चारों चीज पढ़ेंगे, फिर आएंगे मिक्स्ड में, उसमें ये चारों चीज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चल देखेंगे जल्दी से, फास्ट गाइस, कम ऑन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बोलते हैं सबसे पहला इसका एडवांटेज या अच्छी चीज क्या है, बोलते हैं दिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। बोलते हैं इसमें गवर्नमेंट को कुछ टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इकोनॉमी चल रही है, अपने आप रिसोर्सेस कैसे एलोकेट होने हैं वो प्राइस मैकेनिज्म से डिमांड सप्लाई के फोर्सेस बता रहे हैं। तो सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी है, इसमें गवर्नमेंट को आके कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही रेगुलेट हो रही है, अपने आप ही चल रही है इकोनॉमी, राइट? ये भी एमसीक्यू आता है, कौन सी सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी है ना, बोलते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट रिजल्ट्स इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। चूंकि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास पूरी छूट है, जो रिसोर्सेस खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो बोलेंगे काम करो यार एकदम एफिशिएंसी के साथ, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाओ एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। सो इसके वजह से ही क्या होता है, एफिशिएंसी और बढ़ती है इकोनॉमी में, एंड इंसेंटिव टू वर्क, मतलब क्या, जो व्यक्ति जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा उसका सेल उतना ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। समझ मार। नेक्स्ट बोलते हैं इस टाइप के इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होता है। अब ऐसा आप सोशलिज्म में भी पढ़ने वाले हैं कि वहां पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होता है, लेकिन आपको यहां पे रीजन पे फोकस करना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगा, यहां पे रीजन पे ध्यान देना है। बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे फास्ट क्यों होगा कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये फास्ट क्यों होगा, राइट? तो ये आपको सोचना है। बोलते हैं ये फास्ट इसलिए होगा क्योंकि यहां पे जो हमारे इन्वेस्टर्स है ना, वो उन प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाएंगे जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो ये उन प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे जिसमें, जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो अगर हर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चालू कर देगा तो एज अ होल इकोनॉमी भी तो ग्रो करेंगी ना, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट बोलते हैं रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। हम चाहेंगे कि हम रिसोर्सेस को एकदम प्रोडक्टिव वे में, मतलब ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ यूज करें, कम से कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन करें, हम ऑप्टिमम एलोकेशन करेंगे रिसोर्सेस का, है ना, कुछ भी वेस्टेज नहीं करेंगे रिसोर्सेस का। सेम चीज यहाँ पे देखो, वही सेम रिपीटेशन है कि ऑपरेटिव एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। सेम वही लिख रहे हैं कि हम कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट कैसे कम से कम हो सके, कैसे एफिशिएंसी बढ़ सके, कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अगर कॉस्ट कम से कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। यस, चलिए आगे। नेक्स्ट फिर आता है कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब क्या, जो भी व्यक्ति एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन लेगा, मतलब क्या, जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसे गुड्स बनाएगा जो कम से कम खर्चे में बने हो, अच्छे क्वालिटी के बने हो, एफिशिएंटली उन्होंने बनाया हो, तो उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन लोगे तो तुमको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव मिलेगा मतलब क्या, तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा बिजनेस में, ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट बोलते हैं कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम कॉम्पिटिशन। एमसीक्यू आता है कि कॉम्पिटिशन के वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको तो बेनिफिट मिलता ही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो हर एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने क्वालिटी को सुधारने के पीछे लग जाएगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में लग जाएगा। यस नो बताइए। हाँ तो प्लीज ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देंगे। तो बोलते हैं एमसीक्यू क्या आता है कि कंपटीशन के वजह से प्रोड्यूसर के साथ साथ और कौन, और किसको बेनिफिट मिलता है, क्या बोलोगे, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। इसको बेनिफिट मिलता है, बोलो जल्दी से, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, है ना। तो कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम से कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे ना,
हाँ तो इसके वजह से क्या होगा, कंज्यूमर अपने हिसाब से जो गुड्स खरीदना चाहे वो खरीद सकता है और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकता है ना। तो स्टैंडर्ड लिविंग कैसे बढ़ेगा, जब आपके पास जैसे आपके घर में टीवी है, एसी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कार है, टू व्हीलर है, मतलब कि आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का आपका स्टैंडर्ड कैसा है ऐसा। तो जितना ज्यादा आप चीजें खरीदोगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा होगा ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो जो भी सेलर इनोवेशन करेगा, नया टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, कम से कम खर्चे में बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसका सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो द कंट्री एज अ होल बेनिफिट्स थ्रू ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट। तो यहाँ पे काफी सारे लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इट प्रिजर्व्स द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक राइट, कि हर एक व्यक्ति का जो बेसिक जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि मैं मेरे मर्जी से जो भी चीज खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ, मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए हर एक चीज में। तो ये राइट प्रोवाइड करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बोलते देखो इट प्रिजर्व्स मतलब क्या, ये राइट को प्रिजर्व करता है, ये राइट देता है लोगों को क्या, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको जो चीज खरीदनी है, जैसे भी काम करना है करो, फ्रीडम है पूरा। आपको जो भी रिसोर्सेस खरीदना है खरीदो अपने नाम से, पूरा फ्रीडम है, समझा। आगे तो एमसीक्यू आएगा कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द कंज्यूमर्स इंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी मतलब क्या, इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम हमारे मर्जी से जो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीडम, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी कहां होती है, कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट बोलते हैं कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज, है ना, एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। बोलते हैं कि इस टाइप के इकोनॉमी में जो जो सेलर्स खुद इनिशिएटिव लेंगे, जो लोग खुद इनिशिएटिव लेंगे, अपना बिजनेस चालू करेंगे, बेहतर से बेहतर गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे, उनका सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा प्रॉफिट के रूप में। और जो लोग एकदम थकेले होंगे, हैं, जो क्या बताइए, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर रहे, बहुत वेस्टेज कर रहे रिसोर्सेस का, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है उनको प्रोडक्शन करने में, तो उनको पनिश करेंगे। मतलब क्या पनिश, मतलब जेल में डालेंगे ऐसा नहीं, पनिश का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो लोग इम्प्रूडेंट इनएफिशिएंट लोग होंगे ना, उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा ही नहीं, उनका सेल गिरना चालू हो जाएगा मार्केट में, उनका प्रॉफिट गिरना चालू हो जाएगा मार्केट में। तो प्रॉफिट गिरना चालू हो जाएगा, इसको इन्होंने पनिशमेंट बोला है। पनिशमेंट अब जेल में डालने वाला पनिशमेंट नहीं है वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ना बेटा, जनरली हाँ कैपिटलिज्म जो है ना, प्लीज बताइए फास्ट, है ना, कैपिटलिज्म जो है ना बेटा, सुनो ना बात ध्यान से, हाँ कैपिटलिज्म जो है ना बेटा, ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में वर्क करता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां पे लोगों के पास पावर हो कि वो अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसा पावर है इंडिया में कि हम खुद चुन सकते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कंट्री का? हाँ, हम खुद जाके वोटिंग करके आते, क्या हम सब लोग जाके वोटिंग करके आते हैं? सब लोग मतलब ऑब्वियसली जिनकी एज हो चुकी है, ऑब्वियसली, है ना। चलिए, सो इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। तो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जनरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही देखने को मिलता है, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है, पर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मिक्स है। ऐसा नहीं बोला कि हर एक डेमोक्रेसी में होगा, ये नहीं बोल रहा है वो कि हर एक डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगी जनरली। तो जैसे यूएसए, वो कैपिटलिज्म में हम उसको कंसिडर करते हैं, और क्या वहां पे भी लोगों के पास राइट है वोटिंग करने का, क्या खुद वो चुन सकते हैं अपने लीडर को? हाँ। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि कैपिटलिज्म जो है जनरली डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज में ही चलता है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, द कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, है ना। तो जो लोग क्या बताइए, हाँ, रिस्क उठाने को तैयार है, मतलब क्या, जो लोग बिजनेस का रिस्क उठाने को तैयार है वही तो गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे, वही तो गुड्स एंड सर्विस बेच के पैसा कमा पाएंगे। तो कैपिटलिज्म ऐसे लोगों को एंकरेज करता है कि यार देखो, तुम अगर खुद से बिजनेस चालू करोगे, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाओगे, तुम्हारा ही सेल बढ़ेगा, तुम्हारा ही प्रॉफिट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ऐसा। चलिए, तो हमारे मेरिट्स खत्म हो गए, अब देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कैपिटलिज्म के। चलिए देखेंगे इसके डीमेरिट्स, मतलब बुरी बातें कैपिटलिज्म की,
बुरी बातें क्या है, चलिए ये देखना है, जल्दी से आ जाइए। यस गाइस कम ऑन। तो कैपिटलिज्म की यहां पे बुरी बात क्या है हमें ये देखना है, चलिए ध्यान देंगे। डिसएडवांटेजेस देखेंगे, बोलते हैं देयर इज वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म। ये एमसीक्यू आता है, बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्प्लिट हो जाती है, वो बट जाती है हैव्स एंड हैव नॉट्स में। कैपिटलिज्म में, हाँ कैपिटलिज्म में क्या होता है बोलो ना जल्दी से। कैपिटलिज्म में बेटा सुनो ना, कैपिटलिज्म में क्या बोला मैंने, यहां पे वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। यहां पे जो है इकोनॉमी हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स मतलब क्या रिच, हैव नॉट्स मतलब क्या पुअर, है ना। तो रिच और पुअर में बढ़ जाती है ये इकोनॉमी, समझ में आ रहा है। मतलब कि यहां पे जनरली बेटा क्या होता है कि जो रिच लोग होते हैं ना उनकी ही सारी डिमांड पूरी की जाती है। क्यों? क्योंकि रिच लोगों को जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए रहेंगे ना, रिच लोगों को जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए रहेंगे उसमें जनरली उसका अमाउंट ज्यादा होता है, उसका प्राइस ज्यादा होता है, तो उसमें लोगों को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो जनरली क्या होता है यहाँ पे कि रिच लोगों की ही डिमांड को पूरा किया जाता है एंड पुअर की डिमांड पे कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि पुअर लोगों को जो चीजें चाहिए उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता क्योंकि सस्ती चीजें होती है। तो इसलिए यहाँ पे सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, रिच एंड पुअर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े वगैरह ज्यादा हो सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रीसीडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। क्या बोल रहे हो, प्रीसीडेंस मतलब क्या? अरे यार भैया एक बात सुनो, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, बेसिक ह्यूमन राइट क्या होता है कि हमें हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना। बट इस इकोनॉमी में क्या होता है, इस इकोनॉमी में क्या होता है, जो रिच आदमी है, जो रिच आदमी है उसकी ही डिमांड को पूरी किया जा रहा है, पुअर आदमी के डिमांड के तरफ देखा ही नहीं जा रहा। तो हम यहां पे बेसिक ह्यूमन राइट को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन प्रॉपर्टी राइट को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि बोल रहे हैं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहे हैं, प्लीज सुनो ना, हाँ यहां पे बेटा वो बोल रहे हैं कि इस टाइप के इकोनॉमी में प्रॉपर्टी राइट को ज्यादा महत्व दिया है, प्रॉपर्टी राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और बेसिक ह्यूमन राइट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये तो गलत बात है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। देयर इज प्रीसीडेंस मतलब प्रॉपर्टी राइट को ज्यादा महत्व देते हैं ओवर ह्यूमन राइट, समझ पा रहा है। अब देखिए बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बोलते हैं जो रिच आदमी है इनको ही सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, पुअर आदमी को तो मिलते ही नहीं, जिसकी वजह से परपेचुएट अनफेयरनेस मतलब क्या, इनफाइनाइट समय तक अनफेयरनेस होती है, मतलब लोगों को सही तरीके से इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। आगे बोलते हैं इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, बोलते हैं लोगों के साथ अच्छा हो रहा कि नहीं वो छोड़ो, यहां पे सब लोग क्या सोचते हैं, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा कि नहीं ये बताओ, तो गलत बात है। द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अरे हमारे सोसाइटी में तो रिच एंड पुअर दोनों किस्म के लोग होते हैं, तो आप तो सिर्फ रिच वाले लोगों की ही डिमांड को पूरी कर रहे हैं, पुअर वाले लोगों की डिमांड तो पूरी कर ही नहीं रहे। तो जो पैटर्न ऑफ डिमांड हमें दिखता है, जो पूरा कर रहे हैं लोग, वो पैटर्न ऑफ डिमांड गलत है। बोलता है पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हम सिर्फ रिच लोगों के लिए गुड्स बनाने के पीछे बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है। आगे यहाँ पे लेबरर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, गलत उनके साथ हरकतें की जाती है, मतलब क्या, जानबूझ के उनको ज्यादा काम करवाएंगे, ज्यादा समय तक काम करवाएंगे, कम वेजेस पे करेंगे, कम सैलरी पे करेंगे, है। इसके वजह से लेबरर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स करते हैं, हड़ताल करते हैं, है ना, हड़ताल करते हैं, है ना, लॉकआउट करते हैं, फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, बोलते हैं हमको आज काम नहीं करना, हम हड़ताल करेंगे। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, मतलब क्या, मतलब कि कभी भी तुमको जॉब पे रखा जाता है और कभी भी निकलवा आपको कभी भी निकाल सकते हैं जॉब से, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, समझ पा रहे। आगे बढ़े, यस यस प्लीज ध्यान दीजिए,
प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दो ना। आगे नेक्स्ट देखेंगे, बोलते हैं कंज्यूमर सॉवरिटी इज अ मिथ। बोलते तुम जो कंज्यूमर सॉवरिटी कर रहे थे ना, ये एक मिथ है, ये मन गढ़ंत कहानी है। है सच में थोड़ी ना कोई कंज्यूमर सॉवरिटी यहाँ पे दिख रही है। तुम तो सिर्फ रिच लोगों के लिए सारी काम कर रहे हो, पुअर लोगों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे तुम, उनकी तो डिमांड पूरी नहीं कर रहे, तो काय की कंज्यूमर सॉवरिटी, समझ लो। तो बोल रहे हैं कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा, हमको लगता कि ऐसा हो रहा पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसा। ठीक है चलो आगे बोलते हैं, देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एडवांटेजेस में क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन है ना। तो क्या हर चीज में कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज होगी? क्या हर सिक्के के दो पहलू होते हैं? वैसे ही बात है, हर सिक्के के दो पहलू है। ऑप्टिमम एलोकेशन क्यों होगा रिसोर्सेस का? क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेस का मिस एलोकेशन भी हो सकता है ना। क्यों बोलते हैं कि बहुत बार हम रिसोर्सेस सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गुड बनाने में यूज कर देते हैं, जो लोगों को चाहिए, बेसिक लेबरर्स को जो चीजें चाहिए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। बोलते जो वेज गुड्स मतलब क्या, जो नॉर्मल लेबरर्स जो वर्कर्स रहते हैं ना, वर्कर उनके वेजेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है, तो अपने वो इस कम इनकम से जो टाइप के गुड्स खरीदते हैं, जो जनरली लो क्वालिटी के इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, उसे वेज गुड्स बोलते हैं। तो बोलते हैं ये वेज गुड्स ज्यादा नहीं बनाते, लग्जरी गुड में ही ज्यादा पैसे इनको लगाना है, वही साथ बनाते हैं। बोलते हैं मेरिट गुड्स ये भी ज्यादा नहीं बनाते। बोले यहाँ पे मेरिट गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जो सोसाइटी में होने ही होने चाहिए, इसमें हमें प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर। तो बोलते हैं जितनी जरूरत है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज की, उतनी प्रोवाइड होती नहीं है, और अगर होती है तो बहुत महंगी होती है, सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसके अगेंस्ट जो चीजें हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि सिगरेट अल्कोहल ये हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, लेकिन रिच लोगों के शौक है तो हम उनको पूरा करेंगे और उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ऐसा हरकतें होती है। यहाँ पे अनप्लान्ड प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट तो कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, अनप्लान्ड प्रोडक्शन हो रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते जा रहे हैं, तो इसके वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत आती है ना। जीडीपी में बहुत ज्यादा वैल्यूज में कम ज्यादा हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, बहुत बार अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ सकती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन मिजरी, मतलब कि लोगों को बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है ऐसे समय में। बोलते हैं एनॉर्मस मतलब क्या, बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होता है। बोलते हैं यहाँ पे फर्म्स वाले, यहाँ पे हर एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा खर्चा करता है एडवर्टाइजमेंट में, है ना, क्या बताइए, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं किसमें बताइए, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन, इतना खर्चा करेंगे हर एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, धनाधन एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्स इसमें वेस्ट होता है। बोले है ना, सेम प्रोडक्ट का 15-20 तरफ एड करते जा रहे हैं, बताओ इतनी जरूरत है क्या? अब इस सेम टाइप का प्रोडक्ट है उसके पर 15-20 तरह सब एडवर्टाइजमेंट उसके करते जा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट करने में भी तो पैसा खर्चा हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली। बहुत बार बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े बन जाते हैं कि धीरे धीरे उनका मार्केट में शेयर बढ़ते जाता है, और वो बाकी छुटपुट सेलर को मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, और उनकी मोनोपोली बन जाती है कि अब मैं सिंगल सेलर हूं मार्केट में, जिसको भी प्रोडक्ट चाहिए मेरे से ही लेना पड़ेगा, ऐसा है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाएंगे ना, तो छुटपुट जो हमारे कौन होंगे, छुटपुट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो अपने आप बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि सब लोग ये जो बड़ा जो सेलर है उससे ही सारी चीजें लेंगे, छोटे मोटे सेलर से कोई चीज लेंगे ही नहीं, तो अपने आप वो बाहर हो जाएंगे। एक्सेसिव मटेरियलिज्म है ना, सबको बस पैसा पैसा पैसा, सिर्फ प्रॉफिट होना। बोले प्रॉफिट के चक्कर में है, यहाँ पे अनएथिकल कंजम्पशन होता है, मतलब जितना करना चाहिए रिसोर्सेस का कंजम्पशन उससे ज्यादा करेंगे, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन करेंगे। है यहाँ पे रिच लोग चीजें खरीदते ही इसलिए है ताकि दूसरों को दिखा सके, देखो हम कितने रिच हैं, कितना पैसा है। और बोले एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा, होने तो बोले क्या दिक्कत है, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बोले बस। तो गलत बात है कि नहीं, कैपिटलिज्म ध्यान दीजिए इधर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज, बोलते हैं कि क्या हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगे क्या? सोच के देखो, क्या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी ये चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगे क्या, सोच के देखो। हाँ, हमने बोला ना, ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं ये हर टाइप के इकोनॉमी में होते हैं। ये कैपिटलिज्म में भी होंगे, सोशलिज्म में भी होंगे, मिक्स्ड में भी होंगे। समझ पा रहे हैं? चलो, तो अब हम देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ये प्रॉब्लम होती है कैसे सॉल्व होंगी। पहला प्रॉब्लम था इकोनॉमी का, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम सबके वांट पूरे नहीं कर पाएंगे, तो क्या बनाए। तो बोलते हैं, बेटा कंज्यूमर को देखो। कंज्यूमर को क्या होना, कंज्यूमर को जो चीजें चाहिए ना, जिस पे कंज्यूमर पैसा खर्चा करने को तैयार है, जो कंज्यूमर को चीजें चाहिए वही बनाओ, क्योंकि वही अगर आप बनाओगे तो उसको बेच के प्रॉफिट कमा पाओगे। तो अगर कंज्यूमर को कार चाहिए ज्यादा, तो उनके लिए कार बनाओ। कंज्यूमर बोल रहे मुझे कपड़े ज्यादा नहीं चाहिए, तो कपड़े का डिमांड अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप प्राइस कम हो जाएगा, तो उसका प्रोडक्शन हम अपने आप कम कर देंगे। तो बोलते अल्टीमेटली देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स हु शोड देयर प्रेफरेंसेस बाय स्पेंडिंग ऑन द गुड्स। तो कंज्यूमर जो गुड्स खरीदना चाहता है उनसे पूछ लो और वो गुड्स बना लो, खत्म। आगे तो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन का, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, है ना। इसके मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लेबर सरप्लस, अगर आपकी इकोनॉमी लेबर सरप्लस होती है, लेबर सरप्लस मतलब क्या, ऐसी इकोनॉमी जहां पे लेबरर्स आसानी से अवेलेबल है और कम खर्चे में, है ना, कम खर्चे में, है ना, कम खर्चे में हम लेबरर्स को यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर लेबर को यूज करना रिलेटिवली सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करो। अगर मशीनरीज को यूज करना सस्ता पड़ रहा है, मशीनरीज आसानी से अवेलेबल है आपके इकोनॉमी में, तो अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटल सरप्लस है, मशीनरीज को यूज करना सस्ता पड़ रहा है, तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करो। जहां पे भैया सस्ता पड़ रहा वहां पे कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा, तो वो वाला मेथड यूज करो। बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन पहले करें, है ना, किसके लिए प्रोडक्शन हम पहले करें, प्लीज ध्यान देंगे। बोलते हैं हम इस टाइप के इकोनॉमी में बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसके वांट पहले पूरे करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो व्यक्ति पैसा खर्चा करने को रेडी है उसके वांट पूरे पहले पूरे करो। बोले तो बोलते जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, उसकी चीजों को खरीदने की क्षमता, उसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा डिमांड होगी उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है उसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसके चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, तो उसके लिए पहले प्रोडक्शन करो। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड पहले पूरी करोगे ना तो तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पर सबको प्रॉफिट ही चुना कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट आखिरी देखेंगे, कितना हमें रिसोर्सेज आज यूज कर लेना चाहिए, कंज्यूम कर लेना चाहिए, कितना सेव करके रखना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बोलते हैं कि हम कितना रुपया हमारा सेव करेंगे ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर पैसा मैंने बैंक में सेव किया, एफडी ओपन किया या स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह लिया, अगर मुझे पैसा सेव करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा सेविंग करूंगा। समझ मारा, हायर द इंटरेस्ट रेट हायर विल बी द सेविंग, ज्यादा रिसोर्सेस सेव करके रखूंगा आज। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब एक एंटरप्रेन्योर, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में गुड्स, अपने बिजनेस में कैपिटल गुड्स खरीदता है, मशीनरीज इक्विपमेंट खरीदता है, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में, याद आ रहा है। हाँ, तो जब 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 हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा होगा, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर है वो सोच रहा है कि फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो ज्यादा हो सकता है, तो बोलेगा बढ़िया भैया आज बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाओ, आज ज्यादा कैपिटल गुड्स खरीद के रखो। सो हायर द प्रॉफिट, ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, ग्रेटर विल बी द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। So, बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की, बात करेंगे। आइए बोलते हैं कि सबसे पहली बात, इसमें जो पहला एमसीक्यू आता है कि सोशलिज्म जैसा हम इकोनॉमी बना सकते हैं,
ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया होगा दुनिया में, ऐसे है ना आसमान से बुक नीचे जमीन पे गिरी और उसमें लिखा था ओहो सोशलिस्ट इकोनॉमी बना सकते, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। तो कोई लोग होंगे, कोई इकोनॉमिस्ट होंगे जिन्होंने बताया कि ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, हम इस प्रकार की इकोनॉमी बना सकते हैं। बस वही है पहला एमसीक्यू कि कौन लोग थे जिन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोपाउंडेड बाय या गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इनके नाम के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, है ना। नेक्स्ट, इन्होंने कहां पे बताया था ये चीज, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था बेटा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इन दोनों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें इन्होंने बताया था कि हम सोशलिज्म जैसे इकोनॉमी बना सकते हैं। ये 1848 में आया था, 1848 में एमसीक्यू आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन इसका नाम याद रखेंगे इस डॉक्यूमेंट का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था, हाँ ये जो है पापा की तरह है ना, याद आ रहा है? तो यहाँ पे सारे है ना घर के सारे रिसोर्सेस का कंट्रोल पापा के हाथ में है, लेकिन है ना वो बोलेंगे कि मैं जो चीजें लेके आऊंगा आप वो यूज कीजिए, है ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ उस रूल्स को फॉलो कीजिए। तो पापा ऐसा क्यों करते हैं? हमारे अच्छाई के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। बस वही चीज है। सोशलिज्म में भी क्या होता है, जो भी मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड, दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अब जब हम इस हमारे सोशलिज्म में हम जब ये स्टेट शब्द यूज करते हैं, स्टेट, तो ये स्टेट शब्द का मतलब ही होता है बेटा गवर्नमेंट, है ना। तो जैसे हम गवर्नमेंट शब्द यूज करते हैं ना, वैसे यूएस यूके वगैरह में स्टेट शब्द इसको बोलते हैं। स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, है ना, हम बोलते हैं कि स्टेट ने ये नहीं किया, स्टेट ने वो नहीं किया, मतलब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात ऐसा नहीं, गवर्नमेंट के लिए स्टेट शब्द यूज करते हैं वहां पे ऐसा। या तो हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, है ना, वापस से। तो हम जब सोशलिज्म में जब भी स्टेट शब्द पढ़ेंगे उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, या इसी का मतलब होता है बेटा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। क्या बात समझ में आ रही? चलो आगे, राइट। धनराज बड़े सर नोट्स कहाँ मिलेंगे बताओ, डेली डेली हम सेम चीज बताते जा रहे हैं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, हमसे फुल कोर्स पढ़ना है, तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एमबी सर कोड को यूज करके। चलिए प्लीज ध्यान देंगे बेटा जल्दी से। सो ये बात हो गई, राइट। तो सोशलिज्म में ये एमसीक्यू आता है कि कौन से टाइप के इकोनॉमी में सारे मटेरियल मींस ऑफ रिसोर्सेज, सारे मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन, सारे मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कहां गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, स्टेट के कंट्रोल में होता है, कहां? सोशलिज्म में। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम इस इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। वापस से, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के कमांड पे, गवर्नमेंट के कमांड पे, गवर्नमेंट ने जो बोला कि जिस प्रकार से रिसोर्सेज उनको यूज करने हैं वैसे ही करेंगे, तो गवर्नमेंट के कमांड पे यहाँ पे सारी चीजें होगी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बैठा है जो खुद प्लानिंग करेगा रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, तो गवर्नमेंट को सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम सोशलिस्ट को प्लान्ड इकोनॉमी ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं यर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड देयरफॉर मार्केट फोर्सेस हैव नो रोल इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम जो है मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस को यूज नहीं करते हैं रिसोर्स एलोकेशन के लिए। यहाँ पे जैसे हमने बोला था ना कि डैश इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म, तो हमने बोला था प्रॉफिट मोटिव, वैसे ही सोशलिज्म में बेटा हम गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करता है, उनका एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, कि हमारे इकोनॉमी में जो भी लोग रहते हैं उन सबके वेलफेयर को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उन सबके वेलफेयर को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते बताइए। हाँ, कहां का, किसका एम है ये? सोशलिस्ट इकोनॉमी का एम है। नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है ना, चाइना, क्यूबा, पर मैंने आपको क्या बोला था बेटा, कोई भी कंट्री प्योरली सोशलिस्ट नहीं होती, है ना, सारी कंट्रीज जनरली मिक्स्ड टाइप की ही होती है, पर कुछ कंट्रीज में सोशलिज्म के कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसे सोशलिज्म का एग्जाम्पल मानते हैं, है ना। जैसे यहां पे ऐसा बोला जाता है कि
सोशलिज्म में ऐसा माना जाता है बेटा कि यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो किसी इंडिविजुअल के बिजनेस को ज्यादा बड़ा बनने ही नहीं देगा। अब हम जब बात करते हैं बेटा हाँ चाइना का, तो हमें याद आता है अलीबाबा, अलीबाबा करके कंपनी है यहाँ पे जिसके फाउंडर है बेटा जैक मा, और ये प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो अब बच्चे पूछते सर चाइना में तो जैक मा की कंपनी है तो ये कैसे सोशलिज्म हुआ? मैं वही तो समझा रहा हूं, कोई भी इकोनॉमी प्योरली सोशलिस्ट नहीं होती। चाइना में, क्यूबा में, नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म के ज्यादातर फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको इसका एग्जाम्पल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। चलो इंडिया में क्या है, मिक्सड है, इंडिया में प्योरली मिक्सड इकोनॉमी है। चलो आगे देखेंगे। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो बोलते हैं यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है, बोलते हैं जनरली जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिसोर्सेस है ना, छुटपुट छुटपुट रिसोर्सेस, थोड़े थोड़े रिसोर्सेस प्राइवेट फर्म के भी हाथ में हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में हो सकते हैं, बस छोटे मोटे, बहुत ज्यादा नहीं। तो बोलते हैं all means of production except small firms, workshops, trading firms may remain in the private hands. तो ये जो small firms, workshops, trading firm है, मतलब छोटे मोटे organizations, वो private individual चला सकते हैं, लेकिन जो major resources होंगे, जो major resources होंगे वो किसके control में होंगे, government के, और government उन resources को ऐसे use करेगा किससे, जिससे उनका सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, मतलब सोसाइटी में लोगों के साथ हम कैसे अच्छे सा अच्छा कर सकते हैं जिससे सबको ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर मिल सके, उस प्रकार से हम रिसोर्सेस को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, एमसीक्यू आ सकता है, कौन से टाइप के इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, कौन से टाइप के इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, क्या बोलोगे, सोशलिज्म में है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यही सारे रिसोर्सेस को प्लान करेंगे क्या, कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो देखो क्या लिखा है, द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अरे सर बढ़िया, हमारा तो सर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा वाला? अरे मैंने बोला था ना, मैं आपको हर इकोनॉमी में चार चीज बताऊंगा, आ जाओ, मैंने आपको बोला था मैं हर एक इकोनॉमी में आपको चार चीज बताऊंगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, डीमेरिट एंड वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, इसी का तो आंसर हमें मिल गया, चेक करो। उसने क्या बोला कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ये खुद डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देखो जल्दी से सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे अपनी सॉल्व करती है सेंट्रल प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम बेटा सॉल्व करते हैं यूजिंग द टूल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो खुद सोचेगी कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, वो प्रोड्यूस करो, है कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए, लोगों के लिए क्या अच्छा होगा वेलफेयर के लिए, उतना प्रोडक्शन करो, है सब मैक्सिमम लोगों को जिससे वेलफेयर मिले, है मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छी चीजें हो, तो उसमें से देखो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन कैसा है, उनके लिए पहले प्रोडक्शन करो, कितना अभी कितना रिसोर्सेस कंज्यूम करे, कितना सेव करे फ्यूचर के लिए, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा। समझ में आ गया बातें क्या बोल रहा हूँ? यस, हाँ जल्दी डन क्या, वेरी गुड। चलो वापस आएंगे तो जल्दी से आगे देखेंगे। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, एमसीक्यू आ सकता है, कौन से टाइप के इकोनॉमी में देयर इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को पूछा नहीं जाता तुमको क्या होना, गवर्नमेंट खुद सोचेगा कि हमारे हिसाब से कंज्यूमर्स के लिए सबसे अच्छा क्या होगा वो बनाओ, मतलब यहां पे कंज्यूमर सॉवरिटी नहीं होती, कंज्यूमर सॉवरिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, कंज्यूमर सॉवरिटी नहीं होती यहां पे, है ना, द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, लोगों के पास जो चॉइस होती है ना गुड सर्विसेज खरीदने की वो लिमिटेड होती है, मतलब क्या, गवर्नमेंट जो गुड सर्विसेज बना के देगा उसमें से अब तुम चूज करते बैठो तुमको क्या होना, तुमको पूछा नहीं जाएगा कि तुमको क्या करना है ना, तुमको क्या चाहिए ये पूछा नहीं जाएगा ऐसा। नेक्स्ट, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कंपेयर करना है बेटा कैपिटलिस्ट से,
तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयर विद कैपिटलिज्म। आपके स्टडी मटेरियल में भी एग्जैक्टली यही पॉइंट्स है, आप स्टडी मटेरियल ओपन करके भी पढ़ सकते हैं, राइट। चलो, सो कंपेयर विद कैपिटलिज्म बोलते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब क्या, हमने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमी होती है वो हैव्स एंड हैव नॉट्स में बढ़ जाती है। याद आ रहा है कुछ है? कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं इकोनॉमी में, कहां, कैपिटलिज्म में, एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। तो हैव और हैव नॉट्स में इकोनॉमी बढ़ जाती है, कहां, कैपिटलिज्म में, है ना। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता, सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है। मोस्टली सब लोग जो है इक्वल लेवल पे जनरली होते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बेटा इस पैराग्राफ में। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारे जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, मैंने बोला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे प्राइमरी फोर्स क्या है, ऐसा पूछेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स of allocating resources in socialist economy, तो central planning authority वही अपने मर्जी से करेगा, ये सारे decisions लेगा। लेकिन यहाँ पे price mechanism जो है ना, इसका secondary role होता है। primary role किसका है, resource allocation का, socialism में central planning authority का। resource allocation का secondary role किसका है, price mechanism का, कहाँ, socialism में, है ना। सर तो यहाँ पे भी price mechanism use होता है क्या, हाँ कुछ जगहों पे ही होता है। जैसे बोलते हैं टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ अक्यूमुलेटेड स्टॉक्स, इसका मतलब क्या है, बोलते हैं बहुत बार बेटा गवर्नमेंट ऐसे कोई गुड्स बना लेता है, जो गुड्स बहुत टाइम से बिक नहीं रहे हैं, तो इसका जो स्टॉक है, इसका जो इन्वेंट्री है, वो अक्यूमुलेट होते जा रहा है, धनाधन इसका स्टॉक एंड इसका इन्वेंट्री अक्यूमुलेट होते जा रहा है। समझ वाली बातें क्या बोल रहा हूं, हाँ। तो हम फिर क्या करते हैं, प्लीज बताइए, तो हम फिर यहां पे क्या करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, हाँ। तो हम फिर यहां पे क्या करते हैं बेटा, बोलो, तो हम फिर बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि यार ये तो चीजें बिक ही नहीं रही, अब जो चीजें बिक नहीं रही है बहुत समय से, उनका स्टॉक अक्यूमुलेट होते जा रहा है, उस केस में गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा चलो चेक करो, तो चेक करो ये गुड्स के केस में, चेक करो लोग जो है कितना डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कितने पे हो रहा है। तो जहां पे डिमांड कर सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां से हमको मिलती है प्राइस, और वहां से मिलेंगी कितनी क्वांटिटी बिक सकती है। तो यहां से जो प्राइस आएंगी ना, इस प्राइस पे हम इस प्रोडक्ट को बेचना चालू कर देंगे, फिर लोग उसे खरीदना चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा। सो प्राइस मैकेनिज्म का सेकेंडरी रोल होता है, कहा, सोशलिज्म में, याद रखेंगे। अब बाकी बात आती है कि सर हमको बताओ कि यहां पे जो है एक कॉन्सेप्ट होता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का। बहुत बार MCQ आया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस जो, ये जो चीज है, ये कौन से इकोनॉमी में होती है, ऐसा MCQ आता है। क्या बोलोगे, सोशलिज्म में। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का मतलब होता है प्राइसेस विच आर सेट बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। यहां पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट बनाता है उसका प्राइस वो खुद ही डिसाइड करता, गवर्नमेंट खुद सोचेगा कि यार ये प्राइस क्या रखना चाहिए, है जी, ऐसा प्राइस रखेंगे जिससे सबका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ऐसा प्राइस रखेंगे। तो गवर्नमेंट खुद सेट करेगा प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के, इसलिए यहां पे एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस होता है। समझ में आ रहा है, प्राइसेस विच आर सेट बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। सर एक्सटर्नल अथॉरिटी का मतलब क्या है, मतलब कि बेटा यहां पे हम डिमांड सप्लाई के फोर्सेस नहीं देख रहे ना, मार्केट फोर्सेस के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए, इसलिए बोला है एक्सटर्नल अथॉरिटी, जो कि खुद गवर्नमेंट ही होती है, ऐसा, ठीक है। सो प्राइसेस विच आर सेट बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, क्या बोलोगे, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। कहां होती है ये, कहां होती है, सोशलिज्म में। नेक्स्ट MCQ आता है, कौन से टाइप के इकोनॉमी में देयर इज एब्सेंस ऑफ
कॉम्पिटिशन, ये एमसीक्यू आ सकता है। क्या बोलोगे कि यार यहाँ पे जो है सोशलिज्म में गवर्नमेंट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बड़ा बनने ही नहीं देता, सारे मेजर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के खुद के कंट्रोल में है, तो कॉम्पिटिशन होगा कैसे? गवर्नमेंट खुद से थोड़ी ना कॉम्पिटिशन करेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होता, एमसीक्यू आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चलो अगली बात देखेंगे, आ जाओ जल्दी से। यस, सो हमारे कैरेक्टर सिक्स हो गए हैं सोशलिज्म के। अब हम बढ़ते हैं आगे जीवन में और हम आ जाते हैं बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ सोशलिज्म, प्लीज ध्यान देंगे। यस गाइस प्लीज जल्दी से, हाँ प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं सबसे पहला मेरिट या एडवांटेज क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना। तो वेल्थ एंड इनकम का यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी रिच एंड पुअर में बढ़ गई है। इसके वजह से और एक फायदा होता है कि आपको याद रहे कि वहां पे होता है सोशल इनजस्टिस कैपिटलिज्म में, है सोशल अनरेस्ट, मतलब सोसाइटी में लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, रिच और पुअर के लोग में झगड़े वगैरह काफी हो सकते हैं, है ना, झगड़े फसाद हो सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे कंपैरेटिवली नहीं होती, ऐसा बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों को, ऐसा नहीं कि रिच है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी, पुअर है तो कम अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं होता है, है ना। आगे यहाँ पे रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी खुद बैठी है, वो खुद सारे रिसोर्सेस को प्लान करके क्या करेंगी, हाँ वो खुद सारे रिसोर्सेस को प्लान करके, है ना, यूज करेगी, राइट। आगे देन बोल रहे हैं यहाँ पे होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्यों? क्योंकि हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं ना, अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेस ज्यादा अच्छी तरीके से ही हम यूज कर पाएंगे, यस और नो बताइए, है ना। तो जो भी वेस्टेज हो सकते हैं या हो सकते थे वेस्टेजेस, उसको पहले ही हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉम्पिटिशन एब्सेंट है। तो हमने पढ़ा था कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट के डीमेरिट में पढ़ा था कि वहां पे कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चा ज्यादा होता है, जिससे वेस्टेज होता है रिसोर्स का। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन एब्सेंट है, यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेस का एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में, समझ पा रहे हैं? आगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेटा कम से कम होता है, बेरोजगारी कम से कम होती है, है ना, बिजनेस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होते। जैसे ही बिजनेस फ्लक्चुएशन, मतलब क्या वो बात कर रहा है बेटा, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 मैंने आपको बताया था बिजनेस साइकिल्स, है ना, बिजनेस साइकिल्स याद आ रहा है, ऐसा एक बताया था मैंने, इनिशियली आपको चीज बताई थी, इको चैप्टर 5 में आएगा। तो ये जो बिजनेस फ्लक्चुएशन है वो होने ही नहीं देंगे, हम पहले ही समझ जाएंगे। जैसे ही हमें पता चला कि समझो सेल वेल गिर रहा है इकोनॉमी का, तो हम वापस से क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे, रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करेंगे कि वो चीज हो ही नहीं, तो बिजनेस फ्लक्चुएशन को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव एकदम से नहीं आते, कहां सोशलिज्म में ऐसा बोल रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आपका साथ वाला, एक बात समझो आप, है ना, समझो बेटा आपके दो दोस्त हैं, है ना, देखना आपको बहुत मजा आएगा सुन के, समझो आपके ना दो दोस्त हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे, हाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे, राजू, मोहन और रोहन, ठीक है, राजू मोहन और रोहन, ठीक है, ऐसे काल्पनिक एग्जाम्पल है। अब राजू के दो दोस्त हैं, है? राजू के दो दोस्त हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि राजू जो है ना बेटा, ये एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज, है ना, तो इसको एग्जाम में मार्क्स कितने आते हैं, 60-70% के मार्क्स आते हैं। लेकिन रोहन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, रोहन जो है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको हमेशा 95% तो आते ही है, मिनिमम 95% इसको आते ही, मतलब 95+ ही चाहते हैं इसको हमेशा, एकदम इंटेलिजेंट है वो, हर बार कुछ भी कर 95+ आना फिक्स है। और मोहन जो है ये राजू के जैसा ही है, इसको भी 60-70% ही जाते हैं। सच सच बेटा, दिल पे हाथ रख के बताना, झूठ नहीं बोलना है, मुझे बताइए ये जो हमारा राजू है, राजू इसका किसके साथ ज्यादा अच्छे से जमेगी, क्या इसकी मोहन के साथ ज्यादा अच्छी जमेगी या रोहन के साथ ज्यादा अच्छी जमेगी, सोच के बताओ किसके साथ ज्यादा अच्छे से उसकी जमेगी, फास्ट बताएंगे, हाँ किसके साथ उसकी ज्यादा अच्छी जमने वाली है, सच सच बताना बेटा, है सच सच बताना सबको, चलो बताइए, तो ऑब्वियस सी चीज है,
अरे भैया मोहन जो है ना वो अपने जैसा है भैया, तो मोहन के साथ उसकी ज्यादा जमेगी ना, वो अपने जैसे ही छे। पर रोहन जो है यार हर बार कितना पढ़ाई करता है यार, हर बार उसका 95+ आ रहा है, तो उसका थोड़ी सी कम जमेगी, है कि नहीं। बस यही बात है, कैपिटलिज्म में क्या हो रहा था, कुछ लोग रिच है और कुछ लोग पुअर है, तो पुअर और रिच की उतनी अच्छे से नहीं जमती। लेकिन लेकिन जो है हमारे, क्या बताइए, हमारे जो सोशलिज्म में है उसमें ऐसा, उसमें इतना ज्यादा लोगों के इनकम में वेरिएशन होता ही नहीं, सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल इनकम कमाते हैं, जनरली सबकी जो है ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बताइए, क्या एक दूसरे से झगड़ा करेंगे कि नहीं, सबकी जमेंगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि मेरा जो पड़ोसी है वो मेरे जितना च कमाता है, उसकी लाइफस्टाइल मेरे जैसी है, तो यहाँ पे ना सब लोग क्या बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। देखो क्या लिखा है, देखिए, द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटेलिटी एंड इट अवॉइड्स क्लास वॉर। यहाँ पे कोई झगड़ा होने की संभावना ही नहीं है ना, एंड दिस अलॉन्ग विद इक्वालिटी एंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्या मजा आएगा, नहीं बताइए फास्ट जल्दी से नेक्स्ट। हाँ सर, वैसे तो रोहन के साथ रहना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ नहीं, वो रहता तो दोनों के साथ है, मैं बोल रहा हूँ किसके साथ ज्यादा अच्छी जमेगी, ये बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा थोड़ी बोला यहाँ पे कि रोहन को छोड़ दो मैं बोल रहा हूँ किसके साथ ज्यादा अच्छी जमेगी, ऐसा पूछा मैंने। ठीक है चलो वापस आएंगे ना, आगे देखेंगे नेक्स्ट, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से, नेक्स्ट बात देखेंगे यार प्लीज। क्या हो गया इसको, हाँ चलिए अगला देखेंगे जल्दी से। सोशलिज्म एंश्योर्स राइट टू वर्क, है ना, तो यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स को काम तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा, हाँ ऐसा नहीं होगा बेटा कि आपके पास कुछ काम ही नहीं है, सबको काम मिलेगा। और सबको अगर यहाँ पे काम मिलेगा तो क्या होगा, सब लोग एक मिनिमम इनकम कमाएंगे, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका यहाँ पे मेंटेन होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है जिसके घर में टीवी नहीं है, खाना नहीं, उसको खाने मतलब 2-3 बार उसको दिन में खाना नहीं मिलता, रहने उसको सोने के लिए बेड नहीं घर पे, ऐसा नहीं होगा। सबका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा, सबके घर में, है ना, बेसिक घर सबका होगा, है, सबके घर में टीवी एसी जो बेसिक नेसेसिटी है सबके पास होगी, एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग सबका मेंटेन रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे लेबरर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन का दे लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये एमसीक्यू आता है कि कौन से टाइप के इकोनॉमी में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम एक्सप्लॉयटेशन लेबरर्स एंड कंज्यूमर का कहाँ होता है, सोशलिज्म में, राइट। एंड यहाँ पे सब लोग बेटा, देर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म, दिस मेक सिटीजन फील सिक्योर, है ना, लोग सिक्योर फील करते हैं यहाँ पे। सबको मालूम है कि कुछ ना, अगर कुछ भी नहीं करे ना भैया, कुछ ना कुछ काम तो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करेगा ही, एक मिनिमम इनकम हमारी बनी रहेगी, ऐसा कभी भूखे मरेंगे ऐसा कभी नहीं होगा, तो सब लोग सिक्योर फील करते हैं अंदर से, सबको मालूम है कि भैया कुछ ना कुछ अच्छा तो हमारा हो ही जाएगा, ऐसा, है ना। चलो आगे नेक्स्ट, फिर बात देखेंगे यहाँ पे आगे। अब इसके डीमेरिट्स, इसकी बुरी बुरी बातें क्या है वो देखेंगे जल्दी से। बोलते हैं चूंकि सोशलिज्म में गवर्नमेंट का काम इन्वॉल्व है, तो जनरली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का काम जो है बेटा थोड़ा सा ढीला होता है ना, पहले के जमाने में से काफी ज्यादा होता था, अभी तो सारे गवर्नमेंट जो है, सारी कंट्री गवर्नमेंट काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि थोड़ा ढीला काम होता था गवर्नमेंट का, है ना। सो सोशलिज्म में क्या होता है, देर इज ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म का सेम मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा अननेसेसरीली डॉक्यूमेंटेशन करना, हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन करना है, अननेसेसरीली हमें, हाँ, प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे होता है ना, गवर्नमेंट का कोई भी काम कराना है तो पहले एक जगह पे फॉर्म भरो, फिर दूसरी जगह पे फॉर्म भरो, फिर तीसरी जगह पे फॉर्म भरो, है, फिर चौथी जगह पे फॉर्म भरो, ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर 1 महीने बाद तुम्हारा काम होगा, ऐसा। तो इसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी या रेड टेपिज्म, इसे बोलते हैं। सो दिस रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंसी एंड डिलेज, है ना, तो काम होने में बहुत समय होता है, लगता है, यहाँ पे बहुत लेट हो जाता है, अगर कोई भी काम अगर हमको करवाना है तो। यहाँ पे करप्शन, भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम बहुत होता है, हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको पैसा दे दिया तो फिर जिसने पैसा दिया उसको फेवरेट माना जाता है,
जो पैसा देंगे वो अपने आप फेवरेट बन जाएंगे ना, वहां के क्या बताइए कर्मचारी का फेवरेट बन जाएगा, तो जिसने पैसा दिया उसका काम पहले पूरा करके देंगे। तो करप्शन भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ पे फेवरेटिज्म होता है, जो कि गलत बात है, डीमेरिट है। आगे देखेंगे, इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर इज स्टेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं कि यहाँ पे हमने लोगों के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर मींस, सारे मेजर रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब कि सोशलिज्म में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता। कैपिटलिज्म में पढ़ा था ना हमने कि वहां पर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, यहां पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता। यहां पे लोग अपने मर्जी से जो रिसोर्सेस खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते हैं, सारे मेजर रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में है। सो द सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेम यही पॉइंट को अलग तरीके से लिखा हुआ है बस। तो यहां पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लोग अपने मर्जी से चीजें अपने खुद के नाम के ऊपर चीजें नहीं खरीद सकते हैं। बोलते इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म, इट विल नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। बोलते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, गवर्नमेंट आपको एक लेवल के ऊपर बढ़ने ही नहीं देगा, तो एक पॉइंट के बाद आप ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बिजनेस करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा ज्यादा। समझ पा रहे हैं? फिर यहाँ पे होते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस, गवर्नमेंट खुद बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज एंड खुद सोचेगा कि क्या प्राइस रखे इसकी। अब ये प्राइस रखते वक्त ये कुछ कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करते, अपने मर्जी से अंधाधुंध है जो हमको लग रहा गवर्नमेंट को कि क्या प्राइस रखे जिसमें सबका फायदा हो, वो प्राइस रख देते, ज्यादा सोचते नहीं इसके लिए, ये गलत बात है। अरे भैया अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने का 50 रुपए आपको खर्चा लगा है तो कम से कम 50 रुपए से ज्यादा का रखना पड़ेगा आपको प्राइस। वो यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन करते ही नहीं ज्यादा, वो डायरेक्ट अपने मर्जी से प्राइस निकालते बैठते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस होते हैं, एफिशिएंट फंक्शनिंग नहीं हो पाती यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। नेक्स्ट, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म विल समटाइम बिकम अनकंट्रोलेबल। बहुत बार क्या होते बताइए, स्टेट मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट कंपनी की ही मोनोपोली है ना हर चीज में, कोई भी टाइप का गुड एंड सर्विस चाहिए तो गवर्नमेंट के पास ही जाके लेना पड़ेगा। अब समझो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, अब सोच के देखो गवर्नमेंट में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, अगर वही वही बुरे निकले तो हम तो बोल रहे हैं कि सोशलिज्म वेलफेयर के लिए है, लेकिन बेटा जो गवर्नमेंट जो लोग चला रहे हैं, अगर वही लालची हो तो, वही ग्रीडी हो तो, उनके हाथ में तो सारा पावर है कि कौन से प्रोडक्ट को कितने में बेचना है, तो वो क्या करेंगे, वो तो पूरी अपनी मनमानी चलाएंगे, और गवर्नमेंट के ऊपर फिर तो कोई है ही नहीं, गवर्नमेंट को ठीक करेगा कौन। सो अगर गवर्नमेंट की मोनोपोली बन गई और इसको गलत तरीके से लोगों ने यूज करना चालू किया जो पावर में लोग हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। अंडर सोशलिज्म कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर के पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया उसमें से तुमको अब देखते बैठना कि तुमको क्या चाहिए। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? ये सुनो जल्दी से आगे, है ना। मोनोपोली का मतलब होता है बेटा सिंगल सेलर, एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर हो। जैसे समझ लो आजकल वैसे तो अगर आपको सिम कार्ड चाहिए, सिम कार्ड मोबाइल का सिम कार्ड चाहिए, तो वैसे इसमें क्या है, 4 सेलर्स हैं, है ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL, यही 4 मेजर सेलर अभी बचे हैं। समझो अगर ऐसा कुछ हो जाए, एयरटेल बंद हो गया, वी बंद हो गया, BSNL बंद हो गया, सिर्फ जियो बचा मार्केट में, सब बंद हो गए बाकी, तो जियो की हो जाएंगी मोनोपोली कि अब वो सिंगल सेलर है सिम टेलीकॉम सेक्टर में, ऐसा हो जाएगा। ऐसा है नहीं अभी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो मोनोपोली बनना अच्छी बात नहीं होती, जब अकेले अकेले कंपनी एक सिंगल कंपनी के ऊपर पूरा पावर आ जाता है ना, तो उसका गलत फायदा उठा सकता है वो, है ना। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की मोनोपोली बन गई तो अच्छी बात नहीं होगी, राइट। टेलीकॉम सेक्टर वैसे मोनोपोली नहीं है वहां पे, है ना, वहां पे तो 4 सेलर है, तो टेलीकॉम में मोनोपोली है नहीं, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया समझाने के लिए। चलो आगे, नेक्स्ट, नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करके काम कर भी रहा होगा ना, उसको उतना इनकम मिलता जितना बाजू वाला जो टाइम पास करके काम कर रहा है ना, तो जो बहुत ज्यादा मेहनत करते जा रहा है उसको उतनी इनकम मिलने वाली, तो वो भी सोचेगा यार छोड़ो यार, इतनी मेहनत करके भी कुछ पैसा तो बढ़ नहीं रहा, हम खुद का बिजनेस ज्यादा बड़ा कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर खुद बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, है कम समय में बहुत बढ़िया काम करते हो, प्रोडक्टिव हो, कुछ लेना देना नहीं, आपको कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा नहीं होता यहाँ पे।
एंड आखिरी पॉइंट याद रखेंगे, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल. ये आता है एमसीक्यू. विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इन टूडेज वर्ल्ड इज अ मिथ. मिथ मतलब क्या, एक मनगढ़ंत कहानी जो सिर्फ बुक्स में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता. क्या बोलोगे? सोशलिज्म. क्योंकि प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरे दुनिया में हो ही नहीं सकती, ऐसा बोला जा रहा है. सो विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज अ मिथ, तो सोशलिज्म को टिक मारेंगे. एमसीक्यू आता है बेटा, ठीक है. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे. आ जाओ जल्दी से, है ना. चलिए आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट. अब हमने सोशलिज्म का कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ये बता दिया आपको ऑलरेडी. प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी बता दिया, जल्दी से देखेंगे हम. अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें देखेंगे. अब ऐसा सोचना बेटा, जब मैं आपको कैपिटलिज्म, जब मैं आपको सोशलिज्म पढ़ा रहा था, क्या आपको उसमें ऐसा लग रहा था अरे सर इसमें जो मैंने ये पॉइंट पढ़ा ना, ये तो इंडिया में भी देखने को मिलता है. हमने देखा कि कैपिटलिज्म में जो लोग हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, सर इंडिया में भी तो ये होता है. हमने देखा कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट भी कुछ काम करता है, गवर्नमेंट भी अपना बिजनेस कर सकता है, सर ये तो इंडिया में भी होता है. तो यही तो मिक्स्ड इकोनॉमी है. मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों से ही तो मिक्स्ड इकोनॉमी आई है. मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है क्या, हम क्या बोलते हैं बोलो. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलता है, ये बोलता है यार सोशलिज्म में क्या हो रहा है, पूरा पावर गवर्नमेंट के हाथ में है. कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, सारे मेजर रिसोर्सेस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है. हमको ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना. हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं और इसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अगर हम मिला दे तो बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी. समझ में आ रहा है? तो अभी जब मैं आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा, हाँ अभी जब मैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी के अभी जब मैं आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें दिखेगा अरे सर ये एडवांटेज तो कैपिटलिज्म में भी था. हाँ तो कैपिटलिज्म की कुछ कुछ अच्छी चीजें मिक्स्ड में ले ली, कुछ कुछ एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा वो आपको दिखेगा सर ये तो सोशलिज्म में भी था. हाँ क्योंकि सोशलिज्म की कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने मिक्स्ड में ले ली. सो दोनों की कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने ले ली और एक इकोनॉमी बना दी मिक्स्ड इकोनॉमी. खिचड़ी. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो इंडिया में क्या है बताइए, इंडिया में क्या है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही है. तो इंडिया भी कैपिटलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना इंडिया. चलो तो ये मैंने कम से कम 5 बार बोल दिया, फिर भी बच्चा पूछता है सर इंडिया क्या है. चलो अब बोलते हैं सर ये प्रोविजन जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है. व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. प्रोविजन वैसे आप लॉ में प्रोविजन पढ़ते हैं वो होता है लॉ वगैरह बनाना, है ना. लॉ का प्रोविजन अलग है, कि जो हम लॉ बनाते हैं वो अलग प्रोविजन है. यहाँ पे प्रोविजन का मतलब है कि हम कितना सेविंग करके रखें, हम फ्यूचर के ग्रोथ के लिए अभी रिसोर्सेस को कितना सेव करके रखें, ये मतलब है यहाँ पे प्रोविजन का. ठीक है चलो वापस आएंगे. अब आ जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में जल्दी से, बस हो गया थोड़ा सा ये बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, बहुत ही थोड़ा सा है, प्लीज ध्यान दीजिए जल्दी से. तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलता है जल्दी देखो, आ जाओ प्लीज गाइस. यस चलिए ध्यान दीजिए, बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलता है. इट इंक्लूड्स द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कंट्रोल्ड एंड मार्केट इकोनॉमी, है ना. और एक चीज लिख देंगे, चलो यहां पे मैंने बोला ना आपको सोशलिज्म को आप क्या क्या बोल सकते हैं, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी या इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सारे रिसोर्सेस, तो इसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, ये लिख देना यहाँ पे. ठीक है चलिए ओके वापस आएंगे. चलो तो मैंने क्या बोला कि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं. आगे बोलते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस होना भी जरूरी है और कुछ कुछ चीजों में गवर्नमेंट भी कुछ कुछ बिजनेसेस खुद भी रन कर सकता है ना. तो चलिए देखेंगे आप आ जाओ. तो बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमिक, तो बोलते हैं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका एक ही है, जो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. बोलते हैं ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे ऐसा नहीं होगा कि सारे रिसोर्सेस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास है या सारे रिसोर्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, ऐसा नहीं होगा. कुछ रिसोर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, कुछ रिसोर्सेस गवर्नमेंट भी रखेगा अपने पास, ऐसा.
तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होता है बेटा जो क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो रिसोर्सेस को खरीदते हैं अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। लेकिन इस पे गवर्नमेंट निगरानी रखता है बस, है ना, दे मे बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट कि देखो गवर्नमेंट बोलेगा देखो तुमको जो करना है ना प्राइवेट इंडिविजुअल तुम करो, लेकिन कुछ इलीगल काम नहीं करना है ना, ऐसा काम नहीं करना जिससे बाकियों के साथ गलत हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट बस निगरानी रखेगा आपके ऊपर, ऐसे लॉज वगैरह बनेगा आपके निगरानी रखने के लिए बस, और कुछ नहीं। आगे फिर एक पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे कि बेटा रेलवे, देखो रेलवे सेक्टर, रेलवे में कौन है, सिर्फ गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट का ही रेलवे है ना। ऐसे होता है एक एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी मतलब क्या है, बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए जो चीजें लगती है उसमें एटॉमिक एनर्जी यूज होता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये काम सिर्फ हम ही करेंगे, और किसी अगर सबको अलाउ कर दिया तो हर जगह पे बॉम्ब बनना चालू हो जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है, समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट बोलता है कि ये मैं अपने पास ही रखूंगा, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दूंगा इस पे काम करने के लिए, ऐसा। तो कुछ सेक्टर्स विच आर नॉट प्राइमरी, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, इसमें गवर्नमेंट प्रॉफिट के बारे में उतना नहीं सोचता है, तो बोलेंगे सर रेलवे में तो आप हमसे टिकट लेता है, क्यों लिया? अरे पर बेटा रेलवे चलाने के लिए भी तो पैसा लगेगा ना, वहां पे इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, वहां पे इतने बड़े, इतने सारे स्टेशन है बेटा पूरे इंडिया में, उसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है, हाँ जो ट्रेन चलाते हैं वहां पे लोग जो काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो यार आप पहले दिमाग में सेट कर लो कि अगर कोई व्यक्ति पैसा चार्ज कर रहा है तो अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट क्यों रेलवे में टिकट चार्ज कर रही है, वरना क्या होगा, धनाधन भरते जाएंगे सब लोग। तो है रेलवे अगर फ्री हो गया तो यार क्या हुआ बताइए, पूरी ट्रेन तो इतनी भर जाएंगी कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, इतनी भीड़ हो जाएगी बेटा ट्रेन में, है। तो पैसा चार्ज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से चला सके, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट होता है बेटा क्या बताए, कंबाइंड सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके क्या करेंगे बताइए, हाँ मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल है, बीएसएनएल क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, और टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, जैसे कि हाँ जैसे कि एयरटेल, जैसे कि जियो, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है और ये गवर्नमेंट का है। तो कुछ सेक्टर्स होगा जहां पे दोनों साथ में मिलकर कर सकते हैं बिजनेस, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ मारा क्या बोल रहा हूँ। चलिए आगे, हाँ बहुत बार ऐसे भी होता है एक ही कंपनी में, बहुत बार ऐसे भी होगा एक ही कंपनी में गवर्नमेंट का भी पैसा लगाया हुआ है, प्राइवेट इंडिविजुअल का भी पैसा लगाया हुआ है, तो ऐसे जॉइंट वेंचर भी बना सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे बेटा इसके मेरिट्स की जल्दी से, मेरिट्स क्या है इसकी, अच्छी अच्छी बातें क्या है जल्दी देखेंगे। तो मेरिट्स में बोलता है इट एंश्योर्स इंसेंटिव टू वर्क एंड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोल रहे हैं वो, कि जो जो यहाँ पे जो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी तो अपने हिसाब से अपने मर्जी से रिसोर्सेस खरीद सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उनको प्रोडक्शन करके वो पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो जो प्रोडक्शन करेगा, गुड सर्विस बनाएगा, वो प्रोडक्ट्स को बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो यहाँ पे इंसेंटिव टू वर्क है, मतलब क्या, जो जो अपने मर्जी से काम करेगा, जो काम करना है कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है, भैया कोई दिक्कत की बात नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, अगर यहाँ पे लोग खुद का बिजनेस चालू करेंगे तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें खरीदेंगे, जिससे फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा चीजों का, इसे ही कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे चूंकि बेटा प्राइस मैकेनिज्म यूज होगा, है ना, और यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कोई भी बिजनेस कर सकता है, इसके वजह से एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग बढ़ता है, है ना। एंड हर एक व्यक्ति सोचेगा कि कैसे मैं कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाऊं, ताकि लोग मेरे पास आए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, है ना। अभी देखो मोबाइल फोन मार्केट में इंडिया में कितना जबरदस्त कंपटीशन है, तो हर एक मोबाइल फोन की कंपनी क्या करती है, अपने हर एक नए मॉडल में कुछ नया लाने की कोशिश करती है और बेहतर बनाने की कोशिश करती है मोबाइल्स को, और सस्ता बनाने की कोशिश करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे खरीदे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज होंगे। यहाँ पे भी कंज्यूमर सॉवरिटी होता है, यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, कंज्यूमर को जो चाहिए वही बनाएंगे सेलर्स, यहाँ पे कंज्यूमर के पास पूरा फ्रीडम है चॉइस का, जो खरीदना है गुड्स एंड सर्विस वो खरीदो, ऐसा कोई मना ही नहीं है, है ना। अब बोलेंगे सर अगर ऐसा एमसीक्यू आया तो कंज्यूमर सॉवरिटी कहाँ होता है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या मिक्स्ड एंड नन ऑफ द अबव। सर अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कैपिटलिज्म को करें कि कंज्यूमर सॉवरिटी को, कि मिक्स्ड को करें,
तो कॉमन सेंस लगाइए, पहले कहां पढ़ा था हमने ये, एक्चुअल में किसका फीचर है ये? ये कैपिटलिज्म का ही फीचर है जो मिक्स्ड वाले ने अपने अंदर ले लिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैपिटलिज्म को टिक करना, ठीक है? चलो ध्यान देंगे आगे। फिर बोलता है यहां पे भी आपको इंसेंटिव मिलेंगे, किसके बताइए? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रोग्रेस का यहां पे भी इंसेंटिव मिलेगा, जो लोग नया नया टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कम खर्चे में बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन करेंगे, एफिशिएंट प्रोडक्शन करेंगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, उनका सेल ज्यादा होगा, उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इंसेंटिव मिलना मतलब क्या, जो लोग ये हरकतें करेंगे उनके प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ेंगे, है ना। इट एंकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, यहाँ पे सब लोग को एंकरेज किया जाएगा, जैसे हमारे इंडिया में किया जाता है। हम मेक इन इंडिया, हम हमारे मोदी जी क्या बताइए, एंकरेज करते लोगों कि आप इंडिया में चालू करो यार बिजनेस, हाँ एंटरप्रेन्योर बनिए, अपना बिजनेस चालू कीजिए, इंडिया में और चीजें बनाइए। तो यहाँ पे एंकरेज किया जाता है कि और बिजनेस चालू करो अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिस्क उठाओ बिजनेस करने का, तभी तो प्रॉफिट कमा पाओगे, तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। अच्छा अब ये सब क्या है मुझे बताओ, ये सारे जो थे ना बेटा, एक्चुअल में ये सारे फीचर्स थे कैपिटलिज्म के, कैपिटलिज्म के मेरिट्स थे जो जो मिक्स्ड इकोनॉमी ने अपने अंदर ले लिए। अब यहां पे क्या बताइए, कुछ फीचर्स होंगे सोशलिज्म के जो मिक्स्ड इकोनॉमी अपने अंदर ले लेगा। तो बोलेंगे यहां पे हम जो प्राइवेट सेक्टर गुड्स बनाएगा ना, उसकी प्राइसेस मार्केट के डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से डिसाइड करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म से। लेकिन गवर्नमेंट खुद भी तो कुछ काम करेगा, खुद भी, जैसे रेलवे सेक्टर में मैंने जैसे एग्जांपल दिया अभी आपको, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, इसमें रिसोर्सेस खुद भी यूज करेगा, तो कुछ रिसोर्सेस की प्लानिंग गवर्नमेंट खुद भी करता है। सो इसके वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग यहां पे भी होती है, और यहां पे चूंकि प्लानिंग हो रही है इसलिए रैपिड वे में, फास्ट वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पहले से प्लानिंग हो रही है रिसोर्सेस की। यहां पे भी ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी होगी, तो हम यहां पे ट्राई करेंगे कि रिच एंड पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। एंड यहां पे अगर कंपटीशन से जो डिसएडवांटेज मिल सकता है इकोनॉमी को, है ना, कंपटीशन के वजह से क्या होता है, बहुत बार लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जान बुझ के ज्यादा काम कराएंगे, कम पैसा देंगे, हैं कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन हैं बताइए हल्के क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच डालेंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे लॉस वगैरह बनाएंगे जिससे लेबरर्स के एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके, है ना। लेबरर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लॉस बनाएंगे जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है? चल आगे आखिरी देखेंगे जल्दी से, ये भी चलो एक बार देख लो कि मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे सॉल्व करेगा अपना सेंट्रल प्रॉब्लम। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है बेटा वो अपना सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी अपना सेंट्रल प्रॉब्लम बेटा कैसे सॉल्व करेगा? तो बोलते हैं कि यहां पे दोनों यूज होगा, प्राइस मैकेनिज्म भी और सेंट्रल प्लानिंग भी, दोनों यूज होगा भैया। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइस मैकेनिज्म यूज करेगा, और गवर्नमेंट सेंट्रल प्लानिंग, खुद प्लानिंग करेगा रिसोर्सेस की। तो यहाँ पे दोनों यूज होता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। खत्म। अब एक बार बस डी मिनट देख लो, आखिरी चीज है। यहाँ पे बहुत बार गवर्नमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, निगरानी रखता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो, जैसे अगर आपको आपका बड़ा भाई बोले कि पढ़ाई करने बैठो, तो 3-4 बार बोला, बाद में क्या हो गया, आपके यहाँ पे बाजू में जाकर खड़े रहा 1 घंटे तक कि ये पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, तुमने पेज नहीं पलटा, तो बोला 5 मिनट हो गए तुमने पेज नहीं पलटा, पेज पलटो। देखो कंट्रोल करना अच्छी बात है, पर एक्सेसिव कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं है ना, फिर घुटन जैसा लगेगा ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, ये प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट बोले प्लानिंग जबरदस्त करता है, यहाँ पे प्लानिंग बहुत जबरदस्त करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो बहुत ज्यादा पुअर इंप्लीमेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा हायर रेट ऑफ टैक्सेशन होता है इस टाइप के इकोनॉमी में। क्या होता है, बहुत हायर रेट ऑफ टैक्सेशन होता है बेटा यहाँ पे, है ना। जैसे इंडिया में आपको पता है 10 लाख के इनकम के ऊपर 30% से टैक्स देना पड़ता है, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे लैक ऑफ एफिशिएंसी है ना,
तो क्या बताइए, एफिशिएंसी यहाँ पे अचीव नहीं हो पाती बहुत बार, है ना, अननेसेसरीली डिलेज वगैरह होता है यहाँ पे भी, है ना, अनड्यू डिलेज इन इकोनॉमिक डिसीजन, यहाँ पे भी भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने की संभावना है। देखो हर चीज में बेटा कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ बुरी चीज होती है ना, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि एफिशिएंट डिसीजन लेंगे कंपटीशन के वजह से, बट ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती है जिससे एफिशिएंट चीजें ना हो पाए, तो हर सिक्के के दो पहलू ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट, देन देयर विल बी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे कि हमने देखा ही इंडिया में कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, बहुत सालों से वो लॉसेस में चलते आ रही है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिविजन हो गया है, एकदम डिटेल रिवीजन बेटा करवा आपको, हर एक चीज पूरे चैप्टर की हर एक चीज आपको पढ़ाई है। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। दोस्तों पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स चैप्टर वन हमने आज इस एक वीडियो में कवर किया है, एंड अभी जो अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक के हमारे प्लेटफॉर्म पे मंजिल 2.0 बैच चल रहा है सीए फाउंडेशन जून 2023 वाले बच्चों के लिए। दोस्तों 12 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हुआ था, अभी भी समय है, आप इस बैच को के साथ जुड़ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से आपके चारों सब्जेक्ट्स इस बैच में कवर हो जाएंगे, आपको बस अनअकैडमी प्लस से आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लेना है एमवी सर कोड को यूज करके। 28 जनवरी लास्ट डेट है हमारे इस रिपब्लिक डे के ऑफर का, 20% ऑफ मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप 28 जनवरी के बाद लेते हैं तो फिर एमवी सर कोड लगाने पर 10% ही मिलेगा, ठीक है। तो जरूर जो है जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें। थैंक यू सो मच, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, ऐसे ही मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।